प्रभु वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बहुत 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 ज्यादा गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग एज यू ऑल नो एज यू ऑल नो आज हम लोग को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मैराथन करना है यस yes. चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। वेलकम टू अनादर पार्ट आप सभी लोग जानते हैं इसके पहले का ऑलरेडी एक पार्ट हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैराथन का शूट कर चुके हैं जो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वैसे मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही प्यारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कुछ चीज़ें जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जिससे हमें मोहब्बत हो जाती है वो ये है कि ये टॉपिक आप कभी भी कभी भी देख सकते हो अपने हिसाब से लिख सकते हो और ई आई के पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आज दोनों का मैराथन आपका अवेलेबल है ई का जो मैराथन है अमित तातेड़ सर लेने वाले हैं और एस का मैराथन मैं लेने वाला हूँ ये मैराथन आठ बजे से लेकर के टेंटेटिवली तीन बजे तक चलने वाला है क्योंकि फिर उसका आपका ई चालू हो जाएगा तो आठ से तीन के अंदर में हम लोग ये प्लान करने वाले हैं कि ऑलमोस्ट जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा वन गो के अंदर में ख़त्म कर दे सिंस टॉपिक बड़ा है और हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करने हैं इसीलिए पार्ट वन जो है ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसको हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिख जाएगा आप बिल्कुल बाद में भी देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यह पार्ट कितने मार्क्स के लिए आ रहा है मालिक 50 मार्क्स के लिए आ रहा है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एट आठ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आठ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये जो मैराथन है ये जो पर्टिकुलर मैराथन है क्या इसे ओल्ड सिलेबस वाला देख सकता है यस yes. क्या इसे न्यू सिलेबस वाला देख सकता है यस yes. आप बिल्कुल देख सकते हो क्या आपको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आठ क्वेश्चन आते हैं और क्या आप ये जानना चाहते हो ये आठ क्वेश्चन आते कहां से अरे बड़ा ईजी है बड़ा ईजी है ये आठ क्वेश्चन आते कहां से ये जानना चाहते हो ये आठ क्वेश्चन आना चा... आते हैं चैप्टर से वाह सर क्या नई बात करी सर आपने सर आठ चैप्टर से आते हैं अगर आप पिछले चार साल का पेपर एनालाइज करो पिछले चार साल का पेपर एनालाइज करो एवरी चैप्टर एवरी चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंडेटरीली आता है हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और कितने चैप्टर हैं आठ ही चैप्टर हैं और आठों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है यानी यानी मैं मैं कह सकता <coughs> मैं कह सकता सकता हूं हूं द पोर्शन पोर्शन इज इक्वली डिवाइडेड ये जो है आपका ये पोर्शन आपका इक्वली डिवाइडेड होता है पूरा इक्वली डिवाइडेड होता है राइट चैप्टर नंबर वन टू थ्री से लेके आठ तक के सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कुछ चार मार्क छह मार्क्ट मार्क में ये डिफर कर देते हैं लेकिन हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा मतलब ये आएगा फिक्स है बिल्कुल ये आएगा मतलब आएगा हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको आना ही है अच्छा जी सर सर मेरे को एक और बात बताइए सर मेरे को एक और बात बताइए ये जो चैप्टर्स है इनको पढ़ने का सीक्वेंस क्या होता है अगर मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सही पढ़ने का सीक्वेंस बताऊं तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर वन से चालू करोगे चैप्टर नंबर वन के अंदर में आपको बताया जाता है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहाँ कहाँ वर्क करता है जैसे अगर आप देखोगे ये आपको मिलेगा मैराथन वन में ये आपको मिलेगा मैराथन वन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट गारे चैप्टर होता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट

स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ये चैप्टर वन में समझ लिया फिर चैप्टर नंबर थ्री में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटेंट समझ में आता है विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है यानी मेजरली तीन चीजें आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन टेकिंग ये आपका चैप्टर नंबर थ्री के अंदर में कवर होता है इसके बाद यहां से आपको जाना होता है चैप्टर नंबर फोर फिर चैप्टर नंबर फाइव और फिर चैप्टर नंबर सिक्स ऐसा क्यों क्योंकि चैप्टर नंबर वन में अगर आप देखोगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलता है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तीन लेवल देखने को मिलती है चैप्टर नंबर वन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तीन लेवल देखने को मिलती है कौन सी लेवल होती है बेटा वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी ये तीन चीज आपको देखने को मिलती है चैप्टर नंबर फोर फाइव एंड सिक्स मतलब चैप्टर नंबर वन ने हमें क्या सिखाया तीन लेवल होते हैं और ये तीनों लेवल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहा लिखा हुआ है फोर फाइव एंड सिक्स ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ बेटा मैराथन नंबर टू दैट इज आज के मैराथन में यानी आज के मैराथन में हम चैप्टर नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स कवर करेंगे इसके बाद आपने जाना चाहिए चैप्टर नंबर टू में जो आपको बताता है डायनामिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डायनामिक्स मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते वक्त जब आप चैप्टर थ्री पढ़ते रहोगे तब आपको पता चलता है कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले इसका एक एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है इसका एक एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है और यह एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है एनवायरमेंटल एनालिसिस के कितने पार्ट होते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के कितने तरीके होते हैं ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर टू में सीखने को मिलती है ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर टू में सीखने को मिलती है ये ऑलरेडी हम लोगों ने मैराथन वन में कर लिया मतलब अगर मैं आपसे कहूं मैराथन नंबर वन में हमने चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू डिटेल में डिस्कस किया है तो आपको बड़ा मजा आएगा और इनफैक्ट आपको बताऊं चैप्टर नंबर टू के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम लगता है चैप्टर नंबर टू ही आपका सबसे बड़ा चैप्टर होता है और इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम लगता है जैसे चैप्टर नंबर टू हो गया चैप्टर नंबर सिक्स हो गया चैप्टर नंबर एट हो गया इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम लगता है और ये डेडिकेटेड टाइम आपको देना ही पड़ेगा हेंस हमने मैराथन वन में आपका चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू कवर कर लिया राइट अब क्या होता है सर ध्यान से सुनिए इसके बाद एक बार आपने समझ लिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल कैसे वर्क करता है यस yes, तीनों लेवल्स पे क्या क्या होता है डायनामिक्स ऑफ डायनाट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे होता है मतलब एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे इसके बाद आप अपना डायरेक्शन एंड कंट्रोल देखते हो इंप्लीमेंटेशन करते हो सो so, इंप्लीमेंटेशन आपको चैप्टर नंबर सेवन सिखाता है एंड अल्टीमेटली चैप्टर नंबर एट आता है आपका कंट्रोल और ये दोनों पार्ट अगेन हम कहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे मैराथन टू में कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका सबसे पहला पार्ट है ये समझ लो आज हम चैप्टर नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट करने जा रहे हैं मोस्ट ऑफ दी बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है मोस्ट ऑफ दी बच्चों को दिक्कत आती है चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट में बिल्कुल आज टेंशन नहीं लेना है आज हम ये सचमुच कवर करेंगे तो जल्दी से पहले ये काम कर दीजिए जल्दी से पहले ये काम कर दीजिए आ जाओ बेटा फटाफट चलिए ये स्ट्रेटेजिक मैराथन ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैराथन जो मैं कंडक्ट करने वाला हूं इसके लिए मैं मेरे चार्ट यूज कर रहा हूं जैसा कि आप लोग को पता है पूरा ग्रुप टू का रिविजन हम लोग कर रहे हैं वी स्मार्ट के अंदर में हम लोग पूरे ग्रुप टू का रिविजन कर रहे हैं इस ग्रुप टू के रिविजन के अंदर में यस अकाउंट्स का आपका जय कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट का कल ही कंडक्ट हुआ है बाय रवि टावरी सर एफ एम ई एफ एफ का आपका प्रशांत सरडा सर हैंडल कर रहे हैं ई आई एस एस एम मे और अमित सर हैंडल कर रहे हैं तो ये पूरा मैराथन का बहुत अच्छे से एंजॉय लीजिएगा ये मैराथन स्टार्ट के थ्रू हो रहे हैं जिसको आप वेबसाइट के ऊपर देख पाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैराथन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पचास मार्क का होगा आठ क्वेश्चन आते हैं और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता है पिछले चारों सालों के क्वेश्चन उठा करके देख लो यस यानी हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वली है क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह से होंगे छह या आठ मार्क पर डिफर करते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ई आई एस हंड्रेड मार्क्स का पेपर बनता है जिसमें से थर्टी मार्क्स किसके अंदर में आते हैं एमसीक्यू में आते हैं सबसे अच्छी बात यह है अगर आप चाहें तो एमसीक्यू मैंने पूरा का पूरा एमसीक्यू का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड किया है मैंने एमसीक्यू का पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड किया हुआ है इसमें केस्ड बेस्ड एमसीक्यू भी रखे हुए हैं आप जाओ और वहां जाकर के एमसीक्यू सॉल्व कर लेना मतलब आप ये समझ के चलो कि ये जो 50 मार्क्स है इसमें से 30 मार्क्स 30 परसेंट पोर्शन नॉट 30 मार्क्स 30 परसेंट पोर्सन किसके अंदर में आने वाला है प्रभु ये आने वाला है एमसीक्यू के अंदर में क्योंकि ओवरऑल हंड्रेड का थर्टी आपका एमसीक्यू आता है जिसमें से ई और एसएम के अंदर में डिवाइड होगा बेस्ड एमसीक्यू बना करके रखे जाओ जाके पीडीएफ उठाओ और पीडीएफ उठा करके सॉल्व कर लेना बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है है जो है वो का पूरा हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करूंगा चैप्टर वन और चैप्टर टू का फटाफट रिकैप दे देता हूं चैप्टर नंबर वन आपको बताता है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है स्ट्रैटेजी क्या होती है मैनेजमेंट क्या होता है तीन लेवल लेवल ऑफ बिजनेस मैं आपको चैप्टर नंबर वन का सिर्फ एक क्विक दे देता हूं कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज स्ट्रैटेजी यस दूसरा क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज मैनेजमेंट बिजनेस लेवल मैनेजमेंट फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट वो होता है ना टॉप मिडिल एंड लोअर बस यहां पे नाम बदल दिया गया है प्रभु तीन अलग अलग नाम दे दिए गए हैं राइट right? इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेज फिर आपको बोला जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है आपको बताया जाता है सर नॉन प्रॉफिट में भी होता है और तीन एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यस दूसरा आपको बताया जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल और यहां आपका चैप्टर नंबर वन एंड हो जाता है इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट बनता है एक दो और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीजें रेलेवेंट बनती है जिसको आपको एग्जाम में देख के जाना है जिसको आपको एग्जाम में देख के जाना है तो ये चीजें चैप्टर नंबर वन था जिसको आपको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ये चीज आपसे कहा जाती है फिर आता है प्रभु चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर टू जिसका मैं आपको क्विक रिकैप दे रहा हूं जो मोरेथॉन वन के अंदर में जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिख जाएगा कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करना पड़ता है तो इस चैप्टर को कहा गया है डायनामिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबसे ज्यादा कंसेप्ट अगर पूरे चैप्टर्स में कहीं कवर है तो वो यहां कवर है सबसे ज़्यादा कंसेप्ट अगर कहीं कवर है तो वो यहां कवर है डायनामिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यहां पे आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करना सिखाया जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस करना सिखाया जाता है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस में कई प्रकार के एनालिसिस होते हैं आप यहाँ पे जी मैट्रिक्स पढ़ोगे टाउस मैट्रिक्स पढ़ोगे स्वॉट एनालिसिस पढ़ोगे बी मैट्रिक्स पढ़ोगे यस पोर्टफोलियो एनालिसिस के पार्ट बनते हैं ये सारे के सारे इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ोगे इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ोगे एडीएल मैट्रिक्स पढ़ोगे एडीएल मैट्रिक्स पढ़ोगे ये सारी इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके जिनको पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको जाकर के आप एक बार देख लेना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है यस yes. आ जाओ जी आ जाओ जी ये हो गया चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू का रीकैप वन और टू में भी वन और टू में भी आपको स्वॉट एनालिसिस ताउस एनालिसिस बीसीजी ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसके अलावा वो लाइफ साइकिल एनालिसिस आपका कवर होता है इनिशियल ग्रोथ

वेबसाइट के ऊपर नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हो आप जिस बुक को रेफर कर रहे हो उस बुक से भी देख सकते हो यस yes, आप जिस बुक को रेफर कर रहे हो उस बुक से भी देख सकते हो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं मेजरली इस चैप्टर में तीन चीजें रेलेवेंट है ध्यान से सुनना मेजरली इस चैप्टर में तीन चीजें रेलेवेंट है जरा इस पर फोकस कर लो ये तीन चीजें लिख के रख लो आपके पास पहला चैप्टर की शुरुआत होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट से चैप्टर की शुरुआत तो होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट से फिर जाओगे आप एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स पे और इसके बाद जाओगे स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे यानी ये तीन चीजें रेलेवेंट है जो आपको पूछी जाती है ये तीन चीजें मालिक रेलेवेंट है जो आपको क्या की जाती है पूछी जाती है डन चलो जी आओ जिक मैनेजमेंट की बात करें अगर हम तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया एक स्ट्रेटेजी आपने बनाया और पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो किया अब यहां पे आइए एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले स्ट्रेटी बनाने से पहले अपने इंटेंशन क्लियर रखने पड़ते हैं वो कहते हैं ना कि अगर अगर क्लियर है तो गोल बड़ा नियर है बस वैसा ही कुछ अगर आप अपने मैनेजमेंट और अपनी पूरी टीम को बता सके कि हमारा विजन क्या है हमारा मिशन क्या है हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको नहीं लगता सबके पास जब क्लैरिटी रहेगी कि जाना कहां है तो सब लोग बहुत अच्छे से एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे भले ही अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे अलग अलग स्टेप्स के साथ पहुंचे पर पहुंचेंगे एक ही मंजिल पे बस बिल्कुल वैसे ही काम होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट हर ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है खुद को भी और अपनी पूरी टीम को भी इससे फायदा क्या होता है इससे फायदा यह होता है कि आपकी पूरी टीम एक दिशा में काम करती है पूरी टीम उस गोल को अचीव करने के लिए काम करती है ये yes नो no? तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको आपका एक विजन मिशन गोल और ऑब्जेक्टिव

गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रखेगा आप रिलायंस में जाकर के देखिए आपको वहां पे विजन दिख जाएगा आप कोई भी बड़ी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखिए आपको विजन एंड मिशन दिख जाएगा मतलब ये सिर्फ थेरोटिकली नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली भी होता है यस yes, और विजन और मिशन के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि जब तक आपको यही पता ना रहे कि आपको जाना का मालिक पहुंचोगे किधर इजेशन टाइप फॉर एक आखिर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना क्या चाहता है अचीव क्या करना चाहता है यस वाई दे वॉन्ट टू डू रिप्रेजेंट द स्ट्रेटेजिक इंटेंट एग्जैक्टली वो क्यों करना चाहते हैं उनका अल्टीमेट विजन क्या है कहां पहुंचना चाहती है कंपनी जैसे आप रिलायंस का अगर देखोगे तो वन ऑफ द गोल इज न ऑफ द गोल इज टू बी द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इज इंडिया यस अब इनकी अलग अलग कंपनी देखोगे जैसे रिलायंस पावर को देखोगे या फिर जियो uh, को देखोगे एवरी कंपनी हैज़ गॉट डेर ओन विजन एंड मिशन तो हर कंपनी जिस सेक्टर में भी वो होती है उनका एक इंटेंट होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है यस yes, कहाँ तक पहुंचना है और यही चीज विजन और मिशन स्टेटमेंट के अंदर में क्या की जाती है लिखी जाती है फ्रेमवर्क विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑपरेट इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन मिशन एट कॉर्पोरेट लेवल के फॉर्म में होते हैं किस फॉर्म में होते हैं विजन और मिशन के फॉर्म में होते हैं इट कुड बी एक्सप्रेस एज बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल एट बिजनेस लेवल और, और यही चीज को बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल के नाम से दिखाया भी जाता है इट एम्स एट अचीव ऑपरेशनली थ्रू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो तीन बातों को ध्यान रखें सबसे पहले इसे बताया कैसे जाता है विजन और मिशन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल के नाम पे एंड अल्टीमेटली इसे अचीव कैसे किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना के इसे अचीव कैसे किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना करके अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट इन सभी चीज़ों को एक एक पार्ट में तोड़ता है सबसे पहले विजन और मिशन की बात करता है वट इज विजन वट इज स्ट्रैटेजिक विजन विजन वेर यू आर वेर यू वॉन्ट टू बी इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ विजन आप कहां है और आपको कहां पहुंचना है इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना कहां है एक विजन क्या है आप क्या करना चाहते हो अगर मैं जैसे टेस्ला की बात करूं तो टेस्ला का विजन क्या बोलता है भैया हमें ट्वेंटी सेंचुरी की मोस्ट कंपेलिंग कार बनानी है स का आपकी ब्यूटी पता है क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी ही यही है कि ये आपको एक ऑप्शन देता है अलग अलग कंपनी के रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखने का अपने मर्जी के हिसाब से अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर में भी टेस्ला का विजन लिखा हुआ है आईसीएआई का विजन लिखा हुआ है और यही एक ब्यूटी है चैप्टर की ये आपको क्या देता है ऑप्शन देता है कि आप अलग अलग कंपनी के विजन लिख सको ठीक है ये जो चार्ट बनाया गया है इस चार्ट के अंदर में आपको पॉइंटर्स डाले गए हैं ये पॉइंटर्स एग्जाम के अंदर में लिख देना और साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी लिख देना मुझे जहां जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा आप जिस बुक से रेफर कर रहे हो उस बुक पर आप एग्जाम्पल लिखते जाइए

कि भी है, हमें मोस्ट कंपेलिंग कार बनानी है ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मोस्ट कंपेलिंग कार बनानी है हमें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की सस्टेनेबिलिटी पे जो बेस्ड हो बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एनर्जी आपको पता है टेस्ला इतना क्यों चल रहा है क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड कहां पे जा रहा है ई व्हीकल्स के ऊपर जा रहा है एंड टेस्ला वाज वन ऑफ द कंपनीज जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि भैया हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे पेट्रोल और डीजल राइट right? जो एनर्जी खत्म होने वाली है हम उस पर नहीं जाएंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे तो टेस्ला का आप विजन देख लीजिए मोस्ट कंपेलिंग कार बनाएगा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की और जो सस्टेनेबल एनर्जी पे बेस्ड होगी यानी कंपनी ने एक विजन ले लिया कि भैया हमको ना सिर्फ हमारे देश को ना सिर्फ हमारी कंपनी को पूरे देश को क्या करना है पूरे वर्ल्ड को हमें क्या करना है सस्टेनेबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है क्या आपको पता है टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मैक्सिमम ऑफ द पेटेंट्स को क्या कर रखा है ओपन कर रखा है ताकि दूसरी कंपनीज़ क्या कर सके इसे अडॉप्ट कर सके और इसके थ्रू क्या कर सके ई व्हीकल्स बना सके यस और इसी के कारण भी टेस्ला कंपनी क्या है बहुत फेमस है सो इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज़ फ्यूचर इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकेम इन फ्यूचर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकेम इन फ्यूचर इट्स अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट यू आर एंड वेर यू वॉन्ट टू बी वेर यू वॉन्ट टू बी यानी ये एक सिर्फ बताता है विजन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए ध्यान से सुनिए विजन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए विजन स्टेटमेंट बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प और मीनिंगफुल होना चाहिए इधर आइए विजन देखते हैं विजन ज अ रोडमैप ऑफ कंपनीज़ फ्यूचर इट प्रोवाइड स्पेसिफिक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस विजन कोई भी कंपनी का आप उठा लो ये बहुत स्पेसिफिक होगा टेक्नोलॉजी या कस्टमर फोकस के ऊपर कम ऑन वापस से ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा टेक्नोलॉजी या कस्टमर फोकस के ऊपर कि हम किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं अगर आप टेस्ला की बात करोगे तो क्लियर कट बात कर देता है हम सस्टेनेबल एनर्जी पर बात कर रहे हैं या फिर कस्टमर फोकस के ऊपर बात करते हैं कि हमारा कस्टमर फोकस क्या है यस yes, जैसे आईसीएआई का विजन उठा करके देखोगे तो वो आपको बताएगा कि हमें ग्लोबल प्रोफेशनल बचाना है हु आर एप्ट हमें ग्लोबल प्रोफेशनल बचाना है हु आर एप्ट किसके अंदर में अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग के अंदर में, में. यानी जाहिर सी बात है या तो ये टेक्नोलॉजी फोकस बताता है या तो एक कस्टमर फोकस बताता है 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 अगेन ये लाइन को याद रखना है. हर विजन स्टेटमेंट दो चीजें क्लियर करता या तो टेक्नोलॉजी फोकस क्लियर करता है या तो कस्टमर फोकस क्लियर करता है जॉग्रफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट क्लियर करता है कई बिजनेसेस किसके अंदर में होता है जोग्राफिक मार्केट में होता है या प्रोडक्ट मार्केट में होता है कि हम किन किन प्रोडक्ट्स में डील करेंगे सो so, अब जैसे रिलायंस पावर का उठा करके देखोगे तो वो आपको पावर सेक्टर से रिलेटेड बताएगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा सो so, या प्रोडक्ट मार्केट को क्लियर करेगा द केपेबिलिटी इट प्लान टू डेवलप कंपनी ये बताएगी कि भैया विजन स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या केपेबिलिटी रखते हैं हम क्या केपेबिलिटी रखते हैं कहां जाने की फ्यूचर में जाने की एंड काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट एक ऐसी कंपनी जो मैनेजमेंट क्या कर रहा है क्रिएट कर रहा है बनाने के लिए यानी विजन स्टेटमेंट में इन सब में से कोई भी चीज़ हो सकती है विजन स्टेटमेंट में से इन सब में से कोई भी चीज हो सकती है पहला टेक्नोलॉजी या कस्टमर फोकस क्लियर करेंगे जोग्राफिकल मार्केट या प्रोडक्ट के बारे में क्लियर करेंगे या बताएंगे कंपनी किस तरफ जा रही है कंपनी को क्या विजन क्लियर करना है सो तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को उठा करके देखोगे तो वो आपको बताएगा कि भैया ये इंडिया की मोस्ट मोस्ट पावरफुल प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है या नंबर वन प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है तो इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर तो इनमें से कोई भी चीज होती है क्या एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक विजन के एक स्ट्रेटेजिक विजन जब बनता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है एलिमेंट क्या होते हैं इसके वॉट बिजनेस कंपनी इज प्रेजेंटली सबसे पहले कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस बताया जाता है कि हम किस बिजनेस के अंदर में हैं और क्या कर रहे हैं हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ हमेशा आपको मिशन स्टेटमेंट दिखेगा यह बताते हुए शॉर्ट टर्म के अंदर में एंड कम्युनिकेटिंग स्ट्रैटेजिक्स और इसी के साथ साथ एक छोटा सा ग्लिम्स दिया जाता है आपको कि हम किस तरीके से इसको क्या करेंगे अचीव करेंगे एक स्ट्रेटेजी आपको क्या की जाती है कम्युनिकेट की जाती है छोटे से फॉर्म में क्या क्या एसेंशियल होता है जब भी कोई कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन बनता है क्या क्या चीजें जरूरी होती है देखिए विजन मतलब फ्यूचर फ्यूचर मतलब अनसर्टन uncertain, अनसर्टेनिटी मतलब चैलेंजेस ये बात तो क्लियर है यानी हर विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए चैलेंजिंग होना चाहिए इसमें एक एंट्रोप्रेन्यूअल चैलेंज होना चाहिए जो आपको खुद मोटिवेट करे कि भैया मुझे इस अचीव करना है मुझे क्या करना है इसको अचीव करना है सो एंट्रोप्रेन्यूअल चैलेंज इस टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर सो एक चैलेंज आएगा किस चीज के लिए फ्यूचर के लिए विजन स्टेटमेंट के कुछ एलिमेंट तो जरूर होते हैं एक ये चैलेंजिंग होता है एक दूसरा यह फ्यूचरिस्टिक होता है पहला चैलेंजिंग होता है दूसरा फ्यूचरिस्टिक होता है राइट इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट आंटरप्रेन्योरशिप इस विजन को भी डेवलप करने के लिए एक इंटेलिजेंट आंटरप्रेन्योरशिप चाहिए कि भैया मुझे कहां पहुंचना है सी पैसा कमाना आप कभी भी मैक्सिमम कंपनीज आप उठा करके देख लो बीट विप्रो बीट पतंजलि बी इट डाबर बीट बैजनाथ बीट एनी अदर कंपनीज आप कोई भी कंपनी को उठा करके देख लो कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा मुझे पैसा कमाना है ये तो बाय प्रोडक्ट है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव करोगे आप कोई भी काम करोगे इसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि आपको पैसा कमाना है ये उसका बाय प्रोडक्ट हो गया यस yes? आपको इंटेलिजेंटली थिंक करना होगा कि आपको इसमें नया क्या करना है ये बहुत सी कंपनियां कर रही है आप क्या नया कर रहे हो वो इधर आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेटेजिक विजन शुड क्रिएट एंतुजियाजम अमंग मेंबर्स ये विजन ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी कंपनी के लोग जितने लोग इसके साथ अटैच है सारे स्टेक होल्डर को एक एंथुजियाजम एक मोटिवेशन प्रोवाइड करे कि हाँ यार हमें ये करना है इमेजिन करके देखिएगा यार वर्ल्ड का कौन सा आदमी गूगल और टेस्ला के साथ काम करना नहीं चाहेगा ये उसके लिए प्राउड की बात होगी क्यों क्योंकि उसको एनर्जी फील होगी जैसे कंपनी आगे बढ़ रहा है उसकी भी ग्रोथ होगी उसको एक एनर्जी फील होगी तो यही एंथुजियाजम पूरे टीम के अंदर में होना चाहिए ना कि सिर्फ एक आदमी के अंदर में जब ये एंथुजियाजम मनी एंड अदर मोटिवेशन सबके अंदर में होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा एंड इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच कंपनी विजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर हो गए भैया ये इस पाथ पे चलना है तो विजन के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जल्दी से एक बार रीड कीजिए चार एसेंशियल विजन में होने चाहिए जब भी कोई विजन स्टेटमेंट बनेगा चार एसेंशियल्स आपके होने चाहिए ये क्रिएटिवली थिंक किया गया वह होना चाहिए इंटेलिजेंट आंटरप्रेन्योरशिप ना जिस सिर्फ पैसे कमाना है इट शुड प्रोवाइड एंतुजियाम अमोंग्स द मेंबर एंड इल्यूमिनेट्स द डिरेक्शन। डन अच्छा अब इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन बन सकता है व्हाट व्हाट विजन विजन एंड आर इट्स क्या होना क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं यस yes, हो सकता है स्ट्रेटजिक विजन एंड इट्स एसेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हो सकता है तीसरे तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप किसी कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक विजन डेवलप कीजिए अब डेवलप करना है तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर में क्या करना है लिखना है तो इन तीन तरीके के क्वेश्चन पास्ट में देखने को मिले व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं और आपको बोला जाता है एक स्ट्रैटेजिक विजन डेवलप करो दो बार ऐसे क्वेश्चन आए आप खुद से किसी कंपनी का स्ट्रैटेजिक विजन ले लो और उसका एक्सप्लेनेशन दो उसका एक्सप्लेनेशन दो तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट कंपनी कहां जाना चाहती है इसे कैसे एक्सप्रेस करती है इसे एक्सप्रेस करती है विजन और मिशन में विजन आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर बताता है कंपनी कहां जा रही है इस विजन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है कुछ डेडलाइंस में तोड़ा जाता है और एग्जिस्टिंगली करंट बिजनेस में हम है यह बताता है आपको मिशन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट वॉट वी आर इन नाउ यस डेलिएट द फर्म्स बिजनेस इट्स गोल एंड वे टू रीच द गोल एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म डिजाइन टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर हम किस बिजनेस के अंदर में एग्जिस्टिंग फर्म क्या क्या कर सकती है और एट द सेम टाइम पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स को पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को क्या करता है डिजाइन करता है कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करने के लिए येस इट इज सिंपली एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म फर्म क्यू एग्जिस्टेंस के अंदर में और फर्म किस तरीके से वर्क कर रही है यस yes, कंपनी के शॉर्ट टर्म विजन क्या है शॉर्ट टर्म क्या है जो विज़न स्टेटमेंट है इसे मिशन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है यस मिशन स्टेटमेंट कभी भी कंपनी के प्रेजेंट चीजों को बताता है कि इसके अंदर में क्या है तीसरा बिजनेस डेफिनेशन प्रोडक्ट्स वी डील इन आप किसी भी कंपनी का वेबसाइट ओपन करके देखोगे आपको विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दिख जाएगा साथ साथ में आपको बिजनेस डेफिनेशन भी दिखेगा हर वेबसाइट कंपनी की

मिशन स्टेटमेंट आपको क्लियरली लिखे हुए दिखेंगे, लेकिन बिजनेस डेफिनेशन आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर में देखना है, तो उस वेबसाइट का जाकर आप सिर्फ क्या देख लो उस वेबसाइट का जाकर आप सिर्फ कौन कौन से बिजनेस में है? ये देख लो सिंपली ये बिजनेस डिफाइन करेगा हम इन इन बिजनेस के अंदर में है अब ये डिफाइन करना क्यों जरूरी है ये डिफाइन करना दो रीजन की वजह से जरूरी है एक स्टेक होल्डर्स को बताना जो भी कंपनी में पैसा लगा रहा है उनको बताना कि भैया हम किन किन बिजनेसेस के अंदर में हैं। दूसरा हमारे कोई पास कोई कंपनी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे भी बताना हमारे पास कितने सेगमेंट्स है ताकि उसे भी कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहे एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म फॉर्म हम कौन कौन से के अंदर में विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशन वन कैन असर्टन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइसेस और इसी के तहत हम जितने भी बिजनेस के अंदर में उस हिसाब से हम हमारा स्ट्रेटेजिक चॉइस ले सकते हैं ताकि हम ओवरऑल बिजनेस को ग्रोथ कर सके एक और कंपनी के बारे में यहां पर जरूर रेफर करना चाहूंगा पतंजलि आपने कभी पतंजलि का एड देखा है आप कभी भी आज तक ओपन कर लीजिए पतंजलि का एड डेफिनेटली चालू रहेगा जब पतंजलि अपना एडवर्टीजमेंट करता है तो कभी आप देखेगा वो अपने वाइड प्रोडक्ट रेंज को लेकर के आ जाता है मतलब एडवर्टीजमेंट होगा किसी एक प्रोडक्ट का लेकिन बाई दी एंड वो एडवर्टीजमेंट एंड होगा आप देखना पतंजलि अपने सारे प्रोडक्ट रेंज को एक साथ लेकर के आ जाता है वॉट इज दैट इसको कहते हैं समझदारी हम जितने बिजनेसेस के अंदर में वो सारे बिजनेसेस को एक साथ दिखा देना हम जितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ दिखा देना इसे हम कहते हैं बिजनेस डेफिनेशन हम कौन से प्रोडक्ट के अंदर में आज बाय एंड लार्ज हर व्यक्ति को पता है पतंजलि इज इनटू एफएमसीजी और बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है किसको बड़ी बड़ी कंपनीज को ताकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया डाबर हो गया बैदनाथ हो गया इनको बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है बाय एंट्री इन दिस प्रोडक्ट कुछ कंपनीज को तो यह सीधी सीधी टक्कर दे देता है गोदरेज एंड अदर जो एफ एम कंज्यूमर गुड्स के अंदर में है सो so, विजन आपको फ्यूचर दिखाएगा मिशन आपको बताएगा एग्जैक्टली exactly हम किन करंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज पे है बिजनेस डेफिनेशन आपको बताएगा हम कौन कौन से किस के अंदर में किन किन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं बिजनेस बिजनेस मॉडल मॉडल हैंजी फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बिजनेस राइवल फॉर्म ऑपरेटिंग इन स्टेम इंडस्ट्री रिलाय ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बिजनेस मॉडल्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी हम हमारे बिजनेस को यू you नो know, uh, सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं बिजनेस मॉडल्स द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी टेक्निकली ये जो होता है ये हमेशा इंटरनल होता है ये जो होता है ये हमेशा इंटरनल होता है कि हम हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं बिजनेस को फॉलो करने के लिए अब देखिए जैसे हर टीचर का अपना एक तरीका होता है हम लोग भी रेगुलर बैच ले रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं उसके बाद क्या ले रहे हैं मैराथन ले रहे हैं अब कोई टीचर होंगे जो सिर्फ रेगुलर बैच ले रहे होंगे फास्ट ट्रैक और मैराथन नहीं ले रहे होंगे कुछ टीचर होंगे जो रेगुलर और मैराथन ले रहे होंगे हर एक का बिजनेस करने का स्टाइल अलग होता है हर एक का बिजनेस का स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग होता है यस yes, तो स्ट्रैटेजी आप इफेक्टिव बिजनेस ऑपरेशन के लिए रखते हो हर एक राइवल फर्म का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग होगा सैमसंग और एप्पल का स्ट्रैटेजी एक नहीं हो सकता बिल्कुल अलग अलग होगा अपने अपने बिजनेस मॉडल्स अलग अलग होंगे ये yes, तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है हम लोग को ये बिजनेस मॉडल में होता है जनरली बिजनेस मॉडल जो होता है ये इंटरनल होता है हालांकि कुछ कंपनीज इसे एक्सटर्नल भी कर देती है जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है तो यह अपनी स्ट्रेटेजी आकर के बड़ी आसानी से लोगों के सामने रख देती है लेकिन हर कंपनी यह नहीं करती इसीलिए बिजनेस मॉडल जन Generally, क्या रखा जाता है इंटरनल तीन चीजें आपके सामने जरूर आएगी वेबसाइट्स पे एक विजन मिशन और बिजनेस डेफिनेशन हालांकि बिजनेस मॉडल क्या रखा जाता है? रखा जाता जाता है है इंटरनल और हर हर कंपनी का का ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है स्पेशली वेन इट कम्स टू राइवल अल्टीमेटली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको फिगर्स में देखने को मिलते हैं कंपनीज को सबसे बड़ा बनना है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रेवेन्यू सबसे ज्यादा अगर इस कंपनी के हो गए तो अल्टीमेटली आपने अपना विजन एंड मिशन दोनों अचीव कर लिया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फिगरिस्टिक होते हैं ये हमेशा फिगर्स में बताए जाते हैं किसमें बताए जाते हैं बोलो मालिक ये हमेशा किस में बताए जाते हैं फिगर्स में बताए जाते हैं ये हमेशा फिगर्स में बताए जाते हैं कि भैया इतने इतने फिगर्स के अंदर में कवर किया जाएगा सो इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स दीज आर टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स कि भैया इतने टाइम के अंदर में आपको क्या करना है अचीव करना है इतने टाइम के अंदर में इतना वैल्यू आपको अचीव करना है सो दीज आर मेजरेबल टारगेट्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन मॉडल और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा रियलिस्टिक बिजनेस डेफिनेशन बनते हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं हम कौन कौन से बिजनेस के अंदर में और दूसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये figures पे बात करते हैं कि पिछले साल हमने दस हजार करोड़ का सेल्स अचीव किया था तो इस साल हमें ग्यारह हजार करोड़ का सेल्स अचीव करना है क्या ये अचीव हो पाया तो हमने अपने गोल्स अचीव करे गोल से धीरे धीरे हमने अपना मिशन अचीव किया और मिशन से हमने अल्टीमेटली अपना क्या अचीव किया विजन यानी अगर मैं इसे डायग्राम में बता पाऊं तो आपको सबसे पहले सिंपली गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने होंगे ये गोल एंड ऑब्जेक्टिव से आप अपना क्या अचीव करोगे मिशन अचीव करोगे और ऐसे छोटे छोटे मिशन से आप क्या अचीव करोगे अपना विजन अचीव करोगे यस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देर मिशन एंड विशन इनटू गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो आपके जिला का या फिर अपने देश का सबसे बड़ा सेल्स अचीवमेंट टारगेट कंप्लीट करना होगा उसके बाद मैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर में सेल करना चालू करूंगा और जब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेल्स हमारा होगा तब हम कह सकते हैं हमने हमारा विजन अचीव किया यानी आपके विजन को मिशन में तोड़ा जाता है मिशन को गोल एंड ऑब्जेक्टिव में तोड़ा जाता है और गोल एंड ऑब्जेक्टिव जब आप धीरे धीरे कंप्लीट करते हो तब आप कहां पहुंचते हो मिशन पे एंड अल्टीमेटली अपने विजन पे सो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन एक मीनिंग और सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे पिछले साल अगर हमने दस हजार प्रोडक्ट बनाए थे और इस साल हमें ग्यारह हजार प्रोडक्ट बनाने हैं तो इट मेक्स अभी हम हवा में बात नहीं कर रहे कि हम सबसे बड़े बन जाएंगे हम कुछ तो भारी का कर देंगे नहीं अब हम बात करें पिछले साल हमने दस बनाए थे इस साल हमें ग्यारह का टारगेट अचीव करना है मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है हमें हमारे टारगेट्स बनाने हमें हमारा रॉ मटेरियल बढ़ाना है हमें हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्ट अगर साल भर में बढ़ाने हैं तो हो सकता है कुछ जगह पे हमारे रॉ मटेरियल अवेलेबल अवेलेबिलिटी ज्यादा हो कुछ जगह पे कम हो जहां रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उस सीजन में हम ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे हो सकता है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कम होगी उस सीजन में कम करेंगे तो हम इसका प्लानिंग करते हैं कि किधर ज्यादा और किधर कम होना चाहिए यस yes, हम फिर इसका प्लानिंग करने लग जाते हैं किधर ज्यादा और किधर कम होना चाहिए यस एक्टिविटीज आर डिजाइन एंड रिसोर्सेस आर अलोकेटेड अराउंड ऑब्जेक्टिव इट ऑल्सो एक्ट एज अ बेंच मार्क एक बेंच मार्क बोल करके भी वर्क करता है कि पिछले साल हमारा इतना टारगेट था इस साल हमें इतना टारगेट अचीव करना है ऑब्जेक्टिव और गोल्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टन स्ट्रैटेजी हमने कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी तो इसका रिजल्ट हमें इमीडिएट मिलता है क्या नहीं मे बी इमीडिएट मिल सकता है मे बी फ्यूचर में मिल सकता है तो ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है टाइम फ्रेम बी कंसिस्टेंट यूजुअली टू टू फाइव इयर्स कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है टू टू फाइव इयर्स के अंदर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है यस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव दीज आर आइडेंटिकल टू लॉन्ग रन इट सर्व एज अ स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप छोटे छोटे पैकेट बनाते हो फॉर एक्जाम्पल एक हजार से हमको अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप इसे ट्वेल्थ मंथ में डिवाइड करते हो बारह महीने में डिवाइड करते हो कि हर महीने इतना प्रोडक्शन हमें बढ़ाना ही है यस yes, आप हर महीने उसको चेक करते हो कि क्या ये अचीव हुआ या नहीं हुआ ज्यादा हो गया तो अगले महीने आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाएगा कम हुआ तो अगले महीने आपको और ज्यादा मेहनत करनी है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यस yes, प्रभु इस चैप्टर में सबसे पहले चालू कीजिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कितने पार्ट है मेजरली चार विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल गोल एंड ऑब्जेक्टिव ये चार चीजें आपको दी गई है ये चार चीजें आपको दी गई है यस और नो इसके बाद आप जाएंगे इसके बाद आप जाओगे बेटा आपने अभी मेरे साथ स्ट्रैटेजिक इंटेंट देखा एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट देखा अब आप जाओगे मेरे साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भाई साहब प्लानिंग और प्लानिंग में फर्क क्या है मालिक एनी प्लानिंग और प्लानिंग में फर्क क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या डिफरेंस है एनी जल्दी से सोच समझ के बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जल्दी 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 सर प्लान और स्ट्रैटेजिक प्लान में एक बड़ा डिफरेंस होता है इंटरनल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस के बाद बनाया जाता है स्ट्रैटेजिक प्लान जो बनता है ये कॉर्पोरेट लेवल पे बनता है किस लेवल पे बनता है हाईएस्ट लेवल पे बनता है यस yes, प्लान्स और स्ट्रैटेजिक प्लान में एक फर्क है प्लान में alternatives नहीं होते जिसका मतलब अगर ये अचीव नहीं हो पाया तो क्या करेंगे ये 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 तो तो क्या करेंगे वाला के अंदर में नहीं होता। और अगर हम हम रख लें, तो हम इसे strategic planning कहते हैं। strategic planning की सबसे बड़ी beauty ये है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है और इन ऑप्शंस में से जब आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो उसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई भी चीज को अचीव करने के मल्टीपल वेज देता है मल्टीपल्स वेव में से बेस्ट वेव सिलेक्ट करना हम इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लान ये कब बना प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान में एक और बड़ा फर्क होता है पहला फर्क तो ये होता है कि आपको प्लान अल्टरनेटिव्स नहीं देता स्ट्रेटेजिक प्लान आपको अल्टरनेटिव्स देता है कि ये अचीव नहीं हो पाया तो क्या करेंगे ये नहीं हो पाया तो क्या करेंगे ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देता है

इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है वेर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो बस इतना बात प्लानिंग के अंदर में आता है लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है ये एक प्रोसेस है प्रोसेस क्यों है क्योंकि ये हर बार चलने वाली चीज है ऐसा नहीं है कि एक बार बना करके खत्म हो गया आपको हर बार ये करना पड़ेगा। दिस ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी टू गवर्न द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिसोर्सेज तो इसका एक पूरा प्रोसेस है किस तरीके का प्रोसेस है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने का उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का और उसके बाद उसके एक्विजिशन करने के जो भी पॉलिसी हमने डिसाइड किया उस हिसाब से हमारे एक्विजिशन करने के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के इट इन्वॉल्व डिसीजन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज ये वो डिसीजन लेता है जो एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी डेवलप करेगी इन शॉर्ट आपको अल्टरनेटिव चॉइसेस देता है जो अल्टीमेटली आपको आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्प करेगा डिटरमाइन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ओवर द नेक्स्ट ईयर और ईयर्स और यही चीज डिटरमाइन करती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहां पहुंचेंगे कितने लगने वाले तीसरा इन रिसोर्स को एलोकेशन किस तरीके से होगा ऑन तीन चीजें वापस से पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म डिसाइड करेगा दूसरा फॉर्मुलेट करेगा उसके लिए पॉलिसी तीसरा एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा इन तीनों के बाद आपका एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनेगा जो आपके आने वाले फ्यूचर्स को डिसाइड करेगा यस प्लानिंग स्ट्रैटेजिक भी हो सकते हैं ऑपरेशनल भी हो सकते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आर ऑलवेज मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑपरेशनल इज एट मिडिल लेवल द डिटेल ऑन हाउ रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज रिसोर्सेज लाना टॉप मैनेजमेंट का काम उसको यूज करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम विच आर पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डीलिंग विथ अनसर्टैनिटीज डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज जब आप प्लानिंग बनाओगे तो जाहिर सी बात है इसमें अनसर्टेनिटीज को आपने सोचा नहीं क्योंकि जो प्लान बना रहे हैं है। और आपको तो पता है कई बार हम लोग खुद हमारे जीवन में प्लान कर चुके हैं सुबह छह बजे उठेंगे अब जैसे मैं आपको बताता हूं कई लोगों ने यह भी प्लान किया होगा कि हम इस मैराथन को अटेंड करेंगे जब मैंने इसको इंस्टाग्राम के ऊपर डाला होगा या टेलीग्राम के ऊपर डाला होगा तो कई लोगों ने बोला होगा कि चल यार एक दिन के अंदर में हम ये फटाफट मैराथन पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे लेकिन आज कई लोग उठे ही नहीं होंगे क्योंकि वो भूल गए होंगे अब क्या होता है अनसर्टेनिटीज होती है फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन किसने सोचा था कोरोना जैसी एक सिचुएशन आ जाएगी जो पूरे भारत को रोक देगी टेंटेटिवली दो सालों के लिए कभी किसी ने सोचा था कोई चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं था अब कंपनी ने दो के टारगेट बनाएंगे दो हजार के टारगेट बनाए होंगे विच वेयर अबाउट टू बी रिवाइज और विच हैव ऑलरेडी रिवाइज ये कई लोगों ने बिजनेस चालू किया कोरोना का सिचुएशन आया बिजनेस बंद करना पड़ा क्या उन्होंने ये प्लान किया होगा डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली नॉट तो अनसर्टेनिटीज कभी भी आ जाती है और इन अनसरटेनिटीज को भी क्या करना होता है प्लान करना होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे अनसर्टेनिटीज को भी क्या करना होता है प्लान करना होता है यस सो एक्सटर्नल एनालिसिस विथ इमर्ज विथ डिजन ऑफ स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज ग्रुप्ड इन टू लॉजिकल क्लस्टर यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कलस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले क्या करते हो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हो आप सबसे पहले क्या करते हो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हो चैप्टर नंबर टू में आपको एनालिसिस करने को मिलता है अलग अलग आप

क्या हुआ था 2019 के अंदर में जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि बाय 2030 इंडिया में सारे व्हीकल ई व्हीकल होंगे और हम दो तक के व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लेकर के आएंगे सबसे बड़ा नुकसान यहां पे किस कंपनी को हुआ मारुति सबसे बड़ा नुकसान किस कंपनी को हुआ मारुति क्योंकि मारुति ने अपना बहुत सारा प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रखा था और इसी टाइम पे अन इंटेंशनली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर के आ गया व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर के आ गया कि भैया अब हम ई व्हीकल्स पे शिफ्ट होंगे मारुति एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वाज नॉट रेडी फॉर दिस डिसीजन और वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा था पेट्रोल एंड डीजल की यस yes, अब जैसे ही यह अनसर्टेनिटी आई अब मारुति को क्या करना होगा 2030 तक के अपनी पूरी कैपेसिटी को चेंज करना होगा आज इंडियन मार्केट में मारुति बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और बहुत बड़ा मार्केट स्टेक होल्ड करता है लेकिन मारुति देखो आप कितने अलग अलग तरीके से प्रेशर हैंडल कर रहा है पहला वो न्यू न्यू ब्रांड जो मार्केट के अंदर में आए हैं और जो कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहे हैं उनके अगेंस्ट में लड़ना मारुति के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव प्रेशर हो गया यह कंसल्टेटी थी उनको बिल्कुल नहीं पता था कि यू नो एमजी हेक्टर्स या किया मोटर्स आकर के इतना मार्केट डिस्ट्रॉय कर जाएंगे मतलब एग्जिस्टिंगली उनको हुंडई और हंडा से तो इंपैक्ट पड़ ही रहा था लेकिन किया और एमजी राइट right? इनसे भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनको आ रहा है और रूमर चल रहा है कि भैया टेस्ला भी इंडिया के अंदर में आ रहा है इसमें सबसे बड़ा मार्केट किसका अफेक्ट होने वाला है मारुति का क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर मारुति लेके बैठा है लेकिन एज ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम मारुति के पास कोई नया बिजनेस का ना कोई नया मॉडल कोई नया वहीकल नहीं है तो एक राइवल से प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई मतलब एनवायरमेंटल चेंज आ गया एनवायरमेंट में चेंज आ गया आप देखो लोग अब टू व्हीलर भी परचेज कर रहे हैं मेरे खुद ही जान पहचान वाले चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल व्हीकल ना लेकर के ई व्हीकल लिया आप अगर अपने शहर में देखोगे ई व्हीकल का सेल्स अचानक से बूम आ गया है ई व्हीकल के सेल्स में अचानक से बूम आ गया है क्या कर रहे हैं ये ये बड़ी सिंपल से गेम खेल रहे हैं सर अब इन्हें एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा यानी अब मारुति को अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा राइट अब आप देखो जैसे ई व्हीकल के बारे में लॉन्च किया गया था फर्स्ट वन जिन्होंने लेकर क्या है महिंद्रा वॉज द क्विक वन जिन्होंने चेंज किया हॉंडा चेंज कर रहा है टाटा चेंज कर रहा है अब यहां पे एक कंपनी जिसको बहुत स्पीड में आगे बढ़ना होगा नहीं तो उनका पूरा मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा वो है मारुति सो इट इज यूजफुल टू असेस द importance ऑफ ईच क्लस्टर हमें ईच क्लस्टर के ऊपर ध्यान देना होगा मारुति को अभी किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा पहला डिजाइन अगर आपने रिसेंटली देखा होगा महेंद्रा ने एक्स यूवी निकाला है अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा एस पढ़ते वक्त ना यह मार्केट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आप इसको रियल लाइफ के साथ जोड़ सको महेंद्र ने अभी एक्सन हंड्रेड निकाला है नहीं तो आप गूगल पे जाकर के इसका रिव्यू देखना भाई साहब सर इनोवा क्रिस्टा फॉर्चुनर इन दोनों को फेल करने वाली गाड़ी है इन दोनों को फेल करने वाली गाड़ी है एक्स निकाला है सर प्राइस वाइज

अब क्या हुआ इन्होंने देखा कि भैया इस सेगमेंट के अंदर में सबने प्राइस हाई कर रखे हैं। महेंद्रा ने बोला भैया मार्केट कैप्चर करने का बहुत अच्छा समय है नए डिजाइन के साथ नए लोगों के साथ लेकर के आ गया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और इतना भारी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि ये X1 के जैसा खड़ा कर दिया अब BMW जहां पे 50 लाख प्लस की आती है फॉर्चुनर एंड इनोवा जहां पर आपके इस रेंज के अंदर में आते हैं सारे को प्राइस वाइज कट करके 27 लाख के अंदर में टॉप एंड मॉडल खड़ा कर दिया सर सन रूफ नहीं मून रूफ है मून रूफ मतलब आगे से लेकर लास्ट सीट वाले को भी ऊपर रूफ ओपन कर रहा है छह महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है अब देखिए ये क्या आ रहा है ये कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम आ रहा है अब कहीं ना कहीं एक्स वन को अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे फॉर्च्यूनर को अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है सो दीज आर अनसर्टेनिटी। अब उनको भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है लेकिन मार्केट में ये ऐसा हो रहा है sometimes represent by future trend or events that has inherent predictability in other cases scenario analysis can be employed आप इसके अलावा scenario analysis भी कर सकते हो कि करंट scenario क्या चल रहा है market में और people क्या prefer करेंगे लोग क्या पसंद करेंगे Yes, तो आज अगर आप मोबाइल देखो मोबाइल में सिनेरियो एनालिसिस यूज किया जाता है मोबाइल इंडस्ट्री में सिनेरियो एनालिसिस यूज किया जाता है सर कैसे सर कैसे सर आप सोच करके देखिए सर आप सोच करके देखिए सिनेरियो एनालिसिस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आज जब भी कोई मोबाइल परचेज करता है वो दो बेसिस पे परचेज करता है डिज़ाइन तो खैर बाद में क्योंकि टेंटेटिवली सबके डिज़ाइन एक जैसे ही आते हैं वो सबसे पहले देखता है कि भैया इसका परफॉर्मेंस कैसा है इसका रैम कैसा है इसका बैटरी बैकअप कैसा है यस yes, और उसके बाद वो देखता है कि उसका कैमरा कैपेसिटी कैसा है यस yes, ये दो बेसिस पर मोबाइल परचेज किए जाते हैं तो आज जो भी कंपनी है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है अल्टीमेटली एप्पल को भी अपने चिप्स चेंज करने पड़े ताकि वो करंट स्पीड के साथ क्या कर सके मैच कर सके सो यू हैव टू अनसर्टेनिटी कैसे डील करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस करवाओ या तो सिनेरियो एनालिसिस करवाओ अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे डील करेंगे या तो एक्सटर्नल एनालिसिस करवाओ या तो सिनेरियो एनालिसिस करवाओ इससे आप अपनी अनसर्टेनिटीज के साथ क्या कर पाओगे डील कर पाओगे यस yes. यस yes. आ जाओ बेटा इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ईच एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व पोटेंशियल ट्रेंड्स और इवेंट्स इंपैक्ट विल डिपेंड अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ टू अ फर्म कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये तो आप एक्सटर्नल या सिनेरियो एनालिसिस के बाद ही पता कर पाओगे अब जैसे कार के सेगमेंट में मैंने आपको दो कंपनी बताई यस yes, ये दोनों कंपनी एक जिसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है दूसरा जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है अब ये इंपैक्ट कितना क्रिएट होगा ये तो खैर समय ही बताएगा और वक्त ही बताएगा लेकिन ये इंपैक्ट जरूर क्रिएट करेगा और कंपनीज को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कैसे इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है और अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा हैव एनी ऑफ यू हर्ड अबाउट एनी कार ऑफ मारुति विच इज कमिंग इन ई फॉर्मेट पर्सनली मैंने नहीं देखा पर्सनली मैंने नहीं देखा बट आपने देखा है क्या कि कोई ई e फॉर्मेट के अंदर में आ रहा है मारुति का व्हीकल आप देखो टाटा ई व्हीकल्स को कंटिन्यूअसली लॉन्च किया जा रहा है कंटिन्यूअसली लॉन्च किया जा रहा है पर आप लोगों ने मारुति का सुना है कोई ई e व्हीकल सोच करके बताओ सोच करके बताओ जल्दी से सुना है आप लोगों ने देखो मैक्सिमम लोगों ने तो नहीं सुना हुआ देख रहा है बट यही आप दूसरी कंपनी देखोगे टाटा देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा सुनने को मिल जाएगा टाटा देखोगे सुनने को मिल जाएगा अदर कंपनी देखोगे सुनने को मिल जाएगा सो दिस वॉज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिस वॉज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यस इधर आइए अब चलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे चैप्टर में सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ो विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव इसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ो इसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तुरंत खत्म करो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे वेरियस अल्टरनेटिव निकालोगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को गोल्स को चेंज कर सकते हैं या हम हमारे सेट टारगेट पर पहुंच सकते हैं लेकिन लेकिन प्रभु इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है इन सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ करके बाहर निकालना इन सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ करके बाहर निकालना इसे हम क्या कहते है? कहते हैं हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अगर आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजिक्वेंटी टू है तो आप क्या करोगे आप अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सेलेक्ट करोगे आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखोगे आप देखोगे कि भैया मैं ग्रुप वन ही दू ग्रुप टू दू ग्रुप दू, दू मैं क्या टेस्ट पेपर भी साथ साथ में दू कौन कौन से सब्जेक्ट से फटाफट -फड़ मैराथन खत्म करू या में से

अगेन इट इज अनेजरियल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद आपने जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन निकाला होगा उसको हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑपरेशनल इटमे भी स्ट्रेटेजिकेशनल भी हो सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कैपैसिटी रिलेटेड और ये स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है मेजर डायमेंशन क्या होते हैं रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट को डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन लेने कौन वाला है टॉप मैनेजमेंट ये इन्वॉल्व कमिटमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस यस सर आपने कमिटमेंट तो कर दी लेकिन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है करोगे क्या यस yes, आपने कर तो दिया लेकिन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है करोगे क्या कंपनी बोलती है हमें बहुत आगे बढ़ना है हमें फ्यूचर में बहुत टॉप पे जाना है लेकिन कंपनी के पास फंडिंग ही नहीं है क्या करोगे भाई साहब सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म पॉस्पैरिटी आप जो भी डिसीजन लोगे कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव के ऊपर इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड मल्टी फंक्शनल मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज मल्टी फंक्शनल का मतलब एक डिसीजन का इंपैक्ट हर बिजनेस पे पड़ेगा हर एक्टिविटी पे पड़ेगा मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शनल एक्टिविटी ये हर चीजों पे पड़ेगा चेक करिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बहुत छोटा सा पार्ट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है वॉट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड मेजर डायमेंशन ये लिखना है सर पॉइंटर लिखेंगे चलेगा अरे मालिक बिल्कुल चलेगा हक से देने जी चलो जी सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट इसके बाद क्या है मालिक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग अब आते हैं किसके ऊपर स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही क्वेश्चन आया तो आठ मार्क के लिए आता है डायरेक्ट आप आप विजन लेते है। आपने जब इस को करना चालू किया था आपने जब इस कोर्स को करना चालू किया था क्या विजन लिया था कि भैया हम क्या करना चाहेंगे हम सीए बनना चाहेंगे सीएस बनना चाहेंगे सीएमए बनना चाहेंगे जो भी कोर्स आप कर रहे हो यानी सबसे पहले आपने एक विजन लिया आपने एक मिशन बनाया कि मुझे ये कंप्लीट करना है मुझे पैसे कमाने एंड बाय दिस मॉडल कमाने हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है स्ट्रेटेजिक विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव बनाना इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक इंटेंट सबसे पहले डेवलप करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को द फर्स्ट स्टेज मस्ट डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल पाथ कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन कंपनी प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर टेक्नोलॉजी वुड इंप्रूव दिस करंट मार्केट सिचुएशन तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजिक विजन लेना पड़ता है कि मुझे यह अचीव करना है इस टारगेट पर पहुंचना है यस yes, अच्छा

आप ये भी तो देखो कि मार्केट में डिमांड है नहीं है मार्केट में डिमांड है या नहीं है आपको कोई भी कोर्स करने से पहले आपने इस कोर्स को सिलेक्ट क्यों किया क्योंकि आपको पता था कि इस कोर्स की डिमांड है कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को एक कोर्स लगता है तो आपने क्या किया आपने आपने बोला चल भाई आगे चैलेंजेस जितने भी हो एनवायरमेंटल एनालिसिस किया कि भैया बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री कर रहे हैं बट कुछ ही लोग ये डिग्री कर रहे हैं यानी स्पेसिफिक पीपल है, है मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन अचीवेबल टारगेट्स के अंदर में है तो आप क्या करोगे एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले विजन लेगा विजन लेने के बाद इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करेगा इन कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज सिंपली एक्सटर्नल एनालिसिस आप ये देखोगे इकोनॉमी कैसी चल रही है आज आप कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आप ये देखोगे इकोनॉमी कैसी चल रही है इकोनॉमी में ग्रोथ है या नहीं है सोशल एनालिसिस क्या इस तरीके की कोई बिजनेस को यहां एक्सेप्ट किया जाएगा हम जिस देश में वर्क कर रहे हैं उस देश में एक्सेप्ट किया जाएगा क्या टेक्नोलॉजी लगती है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है मशीनरी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उनका कॉस्ट आप यह करोगे कौन सा मार्केट के अंदर में हम ऑपरेट कर रहे हैं कौन से मार्केट के अंदर में हम ऑपरेट कर रहे हैं आप ये देखोगे यस yes. अगर मैं इस मार्केट के अंदर में हूं तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी और मैं किस किस को सेल कर पाऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट आप अपना शोट एनालिसिस करोगे आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखोगे अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करोगे यस yes. अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आप क्या करोगे एनालाइज करोगे तो आपने सबसे पहले विजन ले लिया मार्केट का एनालिसिस कर लिया मार्केट के एनालिसिस करने के बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे सो थर्ड स्टेप इज फॉर्मलेटेड स्ट्रैटेजी यानी पहले विजन ले लिया एनालिसिस कर लिया अब इस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी अब आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे वेरियस स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव बनाओगे डेवलपिंग स्ट्रैटेजिकल्टरनेटिव इन द लाइफ ऑफ शॉर्ट अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख करके आप अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे आप क्या करोगे बेटा अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे जिसके अंदर में आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रखोगे अपने पास येस yes, एक डीप एनालिसिस करोगे हर अल्टरनेटिव्स का और उसमें से कट शॉर्ट करोगे अब जैसे वो होता है ना कि आप कभी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और चार मूवी लगी हुई है यस yes, एक में आपका हीरो अच्छा है एक की स्क्रिप्ट अच्छी है एक में हीरोइन अच्छी है अब आप क्या करते हो चार अल्टरनेटिव्स देखते हो चार अल्टरनेटिव्स में से क्या करते हो आप बोलते तो हो नहीं यार ये इतनी ज्यादा मेरे को नहीं लगता इसका मैंने ट्रेलर देखा है ये अच्छा नहीं रहेगा ये तो स्टारकास्ट भी अच्छा दिख रहा है स्टोरी भी अच्छा दिख रहा है मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा यानी आपने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया अल्टरनेटिव में से स्ट्रेटेजिक चॉइसेस निकालोगे और कोई भी एक पे जाओगे जैसी आपने स्ट्रैटेजी बना ली स्ट्रेटेजी बनाने के बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ले लिया अब आप इस को इम्प्लीमेंट करोगे यानी क्या हुआ सबसे पहले आपने विजन बनाया विजन बनाने के बाद आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर टू इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस किया अगेन चैप्टर नंबर टू फिर आपने स्ट्रैटेजी बनाई फिर आपने क्या करी स्ट्रैटेजी बनाई स्ट्रैटेजी बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मूलेशन चैप्टर फोर फाइव एंड सिक्स इंप्लीमेंट किया चैप्टर नंबर सेवन एंड अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हो इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसको क्या करते हो इवैल्यूएट ये देखते हो कि भैया हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट तो की थी पर क्या जो चल रहा है वो सही चल रहा है जो चल रहा है वो सही चल रहा है स्ट्रैटेजिक इवैलुएशन एंड कंट्रोल ट असेज द इम्पैक्ट एंड मेक करेक्टिव एडजस्टमेंट अगर हम लोग का सब कुछ सही चल रहा होगा हमने जो टारगेट सोचे होंगे वो अचीव चल रहा होगा कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है पर अगर हम हमारे टारगेट से पीछे चल रहे होंगे तो आपको नहीं लगता आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने क्लासेस लगा दी लेकिन रिवीजन आपसे हो नहीं पाया आपका रिवीजन टाइम कम हो गया अल्टीमेटली आपने क्या अपनाया आप आए चुपचाप मैराथन के अंदर में और मैराथन अटेंड करके बोल रहे हो चल यार इसके साथ साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो पांच स्टेजेस में बिल्कुल इसको याद रखिएगा आठ मार्क के लिए आएगा बहुत सिंपल है पहले विजन बनाओ विजन बना करके एनालिसिस करो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस करो इसके बाद आप अपने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस निकालो इंप्लीमेंट करो इंप्लीमेंट करने के बाद उसको क्या करो इवेलुएट करो चलो कर लो एक बार चेक कर लो एक बार डेने मीटा बेस्ट चलो सो ये आपका हुआ मालिक पूरा चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री के अंदर में स्ट्रेटेजिक इंटेंट एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर थ्री होता है मालिक मॉड्यूल ओपन करके देख लो आप अपना मॉड्यूल ओपन करके देख लो ये हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट द्वारा जनहित में जारी मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए जानबूझ करके बता रहा हूं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए जानबूझ करके बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ो तो आपको एक एश्योरिटी रहे कि ये चार्ट्स में भी आपका सब कुछ कवर हो रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ऑनरेबल इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ आप देख लो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग वी हैव डन स्ट्रैटेजिक इंटेंट और स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर के चार पार्ट विजन मिशन बिजनेस डेफिनेशन मॉडल गोल एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट इजेस एंड स्ट्रैटेजिक फॉर्मूलेशन, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यस शुरुआत होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से शुरुआत होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से यस डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी, इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, तीनों कवर किए चार्ट के अंदर में फिर आता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग छोटा सा पार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग फिर आता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर में देख लो सेम तरीके का डायग्राम अभी हमने बनाया था छोटे छोटे गोल उससे मिशन मिशन उससे विशन यस yes, फिर विशन मिशन बिजनेस डेफिनेशन मॉडल एंड अदर चीजें बताई जाती है फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाता है विजन क्या होता है यस एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन क्या होता है अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था आई सी ए आई एंड अदर चीज़ों का विजन लिखा है आप अपने तरफ से कोई भी लिख सकते हो यस yes, बहुत सारों के विजन यहाँ पे लिख के दिए आप इसमें से कोई भी अडॉप्ट करके लिख सकते हो फिर लिखा है मिशन और मिशन के अंदर में क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी है इसके बाद आप आगे बढ़ोगे अलग अलग कंपनीज के बस आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिर आप आगे बढ़ोगे आगे बढ़ के आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे उसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल देखने को मिलेगा आपको किस तरीके से ये पूरा का पूरा वर्क करता है ये हमने ऑलरेडी मैराथन वन में कवर कर लिया है तो वापस नहीं कवर करेंगे स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा स्टेज नंबर वन स्टेज नंबर टू स्टेज नंबर थ्री फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी स्टेज नंबर फोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी स्टेज नंबर फाइव इवेलुएशन एंड कंट्रोल अल्टीमेटली समरी एंड योर क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बता दूँ ये जो मेरी मेन बुक है पूरा क्वेश्चनअर कवर है मोर देन ंड्रेड क्वेश्चन कवर है जिसको आप वेबसाइट से जाकर के ले सकते हो प्रभु इसके अंदर में आपका कंटेंट भी कवर है प्लस क्वेश्चन भीडियो भी, भी निकाला था ये बताने के लिए बुक का एनालिसिस बताने के के लिए तो आप वो जाकर के देख सकते हो बिल्कुल आसानी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे अगर आप इस चीज में स्टक होना की एस एम के क्वेश्चन हम कहा से करें मोर देन थ्री हंड्रेड सोल्व क्वेश्चन मैंने मेरे बुक में कवर किए हुए आप जा करके ले सकते हो वेबसाइट के ऊपर से खत्म काम यस चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्रभु यस इट इज डन चलिए जी सो so, वापस आओ वापस आओ चैप्टर नंबर थ्री खत्म इतनी चीजें कर लेना इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी चीजें बस इसके अंदर में कर लेना एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा चैप्टर से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा यस yes, इस बार की प्रोडिक्टेबिलिटी मेरे को लगती है इस बार की मेरे को प्रोडिक्टेबिलिटी लगती है कि स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आएगा इस बार की प्रोडिक्टेबिलिटी लगती है चैप्टर नंबर वन डन टू डन थ्री डन दोनों मैराथन मिला के अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर फोर के अंदर में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कौन से इसके अंदर में चलते हैं मालिक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज आ जाओ जी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के ऊपर चलते हैं बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा मुझे बड़ा पसंद है और आपको भी बड़ा पसंद आएगा आपको भी बड़ा पसंद आएगा चलो इधर ध्यान से सुनना कारपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एक छोटे से मोटिवेशन के स्टार्ट स्टार्ट करता हूं देखिए बेटा जब आप थियरी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जब आप थियरी टॉपिक पढ़ते होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है अरे बस ना यार चल ठीक है ना यार बाद में देख लेंगे कई बच्चे ऐसा करेंगे देखना मैराथन के अंदर में आएंगे शुरुआत शुरुआत के अंदर में तो वो टिके रहेंगे और थोड़ी देर बाद अरे यार चल एक काम करते हैं यार थोड़ा सा थक गए हैं सो जाते हैं थोड़ा सा यस थक गए हैं सो जाते हैं थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको डटे रहना है टिके रहना है पढ़ाई कभी भी वन गो में की जाती है यस yes, बहुत मन करेगा चल यार थोड़ी देर बाद देख लेंगे चल यार ये तो अवेलेबल ही होगा यूट्यूब के ऊपर थोड़ी देर बाद देख लेंगे चल यार आ, बाद में देख लेंगे चल थोड़ा सा नाश्ता करके आ जाते हैं आपका दिल बहुत करेगा लेकिन पता है जब आप टिके रहोगे ना इन सारे इन्फ्लुंस के बाद भी तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसे ही आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला याद रखना इसके पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है क्या अब भी टाइम वेस्ट करना है ये सोच करके आगे बढ़ जाना बेटा ये सोच करके आगे बढ़ जाना तुम्हारे पास कई डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे पास मोबाइल रहेंगे तुम्हारे पास घर के काम आ जाएंगे तुम्हारे को अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तुमको अचानक चाय पानी नाश्ता सुसु पॉटी सब याद आएगा लेकिन ये बात सोच करके देखना कि क्या डिस्ट्रैक्शन के मौके तो बहुत है पढ़ने का मौका एक है क्या हम पढ़ सकते हैं और अगर हां तो टिके रहने का बहुत मन करेगा कि चल यार बस ना अभी बहुत हो गया ठेरी है खुद से भी कर लेंगे ईजी लग रहा है आराम से कर लेंगे अगर इतना ही आसान था तो अब तक क्यों नहीं किया अगर इतना ही इजी था तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो यह बात समझ के चलना और बिल्कुल टिके रहना छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं बिल्कुल टिके रहने उल्टा अपने दोस्तों को सेंड करने का बोलने का भाई आ चुपचाप मेरे साथ पढ़ एक सच्चा दोस्त वो होता है जो दूसरों को भी मोटिवेट करे भाई अपन ने मस्ती साथ में किए पढ़ेंगे भी साथ में ये ले मस्ती साथ में किए पढ़ेंगे भी साथ में यहां से आते हैं चैप्टर नंबर फोर के ऊपर चेक करो मालिक मालिकस तो आते हैं चैप्टर नंबर फोर के अंदर में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी यस। पहले इसका मेरे साथ एक डायग्राम बना लो ये डायग्राम अगर आपने देख लिया तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम इसे कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी इसे ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहा जाता है राइट right? इस चैप्टर को चार पार्ट में तोड़ा जाता है एक दो तीन और चार इस चैप्टर को मालिक चार पार्ट के अंदर में तोड़ा जाता है पहला होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी दूसरा होता है ग्रोथ ऑब्लिक एक्सपांशन स्ट्रेटजी तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और चौथा होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बनाना चाहो तो बना लो अगर आप मेरी बुक से नहीं पढ़ रहे हैं किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो कन्फर्म ही फिर ये चार्ट डेवलप कर लो कन्फर्म है फिर ये चार्ट डेवलप कर लो डन अच्छा जी अब इस चार्ट के और सब पार्ट है ठीक है ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी के अंदर में तीन बातें हैं एक डाइवर्सिफिकेशन मर्जर स्ट्रेटजिक अलायंस इसके अंदर में तीन पार्ट इसके अंदर में तीन पार्ट ग्रोथ एक्सपांशन दैट इज डाइवर्सिफिकेशन मर्जर स्ट्रेटेजिक अलायंस फिर आता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर में रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड लिक्विडेशन, डिसइन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर चेक करो प्रभु बनाओ और तुरंत स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पढ़ना चालू करो डन है सर चेक करो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी चार प्रकार की चीजें होती है ग्रोथ के अंदर में तीन पार्ट है अच्छा अब फर्दर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में फर्दर चेंज करो इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन इंटेंसिफिकेशन के अंदर में मार्केट पेनिट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को जेनेरिक कॉन्ग्लोमरीट मर्जर के अंदर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरीट बनाओ ये भी प्रभु चलो जी तो अब आते हैं आगे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ग्रोथ एक्सपांशन रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ये पूरा चार्ट अपना लोगों ने अच्छे से बना लिया अब बच्चे बढ़ते हैं आगे अब बच्चे बढ़ते हैं आगे एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चार्ट भी आपका उसी हिसाब से डेवलप किया गया है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक्सपांशन स्ट्रैटेजी

डाबर एज अ कंपनी एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क कर रहा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर में नो न्यू एक्सपांशन इज मेड कंपनी जिस लेवल ऑफ ऑपरेशन पे चल रही है उस लेवल ऑफ ऑपरेशन पर चल रही है कोई न्यू ग्रोथ कोई न्यू प्रोडक्ट कोई न्यू एक्सपांशन नहीं किया जाता नो न्यू कैपिटल हैज बिन इन्फ्यूज इन द बिजनेस एक स्टेबिलिटी के साथ चल रही है जितना जो चल रहा है बेस्ट लेवल पे चल रहा है आपको कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है कंपनी कोई कैपिटल इंफ्यूजन नहीं रखती कंपनी कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती कंपनी सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन पे चलती है वो है तो है ना हमारे यहाँ पे कई बिजनेसेस होते हैं या हमारे यहाँ पे कोई दुकान या अदर चीजें होती है यहाँ पे आप बोलते हो चलो ये करते हैं वो करते हैं दादाजी और पापा आपको बोलते हैं बेटा जो लेवल पे जैसा जो चल रहा है बिल्कुल वैसा चलने दो कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सही चल रहा है तुम इतना ही संभाल लो यही बहुत है यानी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल की बात चल रही हम yes, है हम लोग की यस तीन लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल अब ये डिसीजन क्या कोई एक्सपेंशन करना है क्या स्टेबल चलना है या फिर बिजनेस में डिस इन्वेस्टमेंट करना है ये कौन लेता है कॉर्पोरेट लेवल पे लिया जाता है तो ये डिसीजन जो होते हैं कि स्टेबिलिटी पे चलना है या हमें ग्रोथ एक्सपेंशन करना है या हमें इस बिजनेस से बाहर निकलना है या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन करना है ये डिसीजन होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे और इस चैप्टर में हम यही समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट लेवल्स के जो डिसीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहला डिसीजन हो सकता है स्टेबल स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जो कंपनी का मैनेजमेंट है यह डिसाइड कर सकता है कि हमें कोई नए बिजनेस में नहीं जाना कोई नया एक्सपेंशन नहीं करना एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ

तो ये क्या हो गया स्टेबिलिटी स्टार्टेज हो गया वन ऑफ सच कंपनी डाबर आप देखोगे कोई नए प्रोडक्ट के अंदर में मार्केट में एंटर नहीं कर रही जितने लेवल है उतने लेवल ऑफ ऑपरेशन को मेंटेन करके चल रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर में थोड़े बहुत चेंजेस ये लोग करते रहते हैं नो न्यू प्रोडक्ट नो न्यू बिजनेस लाइन के अंदर में ये एंटर नहीं करते यस मीनिंग परस्यूड बाय अ फर्म व्हेन इट कंटिन्यू टू सर्व इन सेम और सिमिलर मार्केट दे कंटिन्यू टू सर्व इन सेम और सिमिलर मार्केट ये आज तक के इंडिया और एशिया के अंदर में थे इंडिया एशिया के अंदर में ही रहेंगे कोई नए एरिया के अंदर में, चीजों में जाने के इंटरेस्ट नहीं है सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन ये फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ये एग्जिस्टिंग मार्केट में ही इंक्रीज करने की बात करेंगे यही एडवर्टीजमेंट लॉन्च करेंगे यही प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे दैट इट इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी इट इन्वॉल्व कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऐसा नहीं है न्यू यू नो इट इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी ये कुछ करेंगे ही नहीं ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर में ही जो चेंज लेकर के आना है इसको इसके साथ साथ ऑफर के दो उसको उसके साथ ऑफर के साथ दो ये ये डेफिनेटली करते रहेंगे बट हाँ कुछ और नहीं करने वाले क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दे स्टे विद द सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट मार्केट पोस्टर दे स्टे विद द सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट मार्केट एनहांस फंक्शनल एफिशियंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे

डज नॉट इन्वॉल्व रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस कोई नया रीडेफिनेशन नहीं होता एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है कोई नया बिजनेस नहीं आता तो रीडेफिनेशन का तो सवाल ही खत्म है इट इज सेफ्टी ओरिएंटेड स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी सेफ्टी ओरिएंटेड हमें कोई नया रिस्क नहीं लेना पैसा कहीं और रिस्क में फंसाना नहीं है सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी डज नॉट वॉरेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी जब रिस्क ले ही नहीं रहे हो तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही नहीं सो so, कुछ पॉइंट जो आप एग्जाम में लिख सकते हो एक दो तीन डॉट वॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं होती हो रिस्क इज ऑल्सो लेस जब पैसा कहीं लगा ही नहीं बेनिफिट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग सिंस आप ये कर रहे हो तो देर इज अ बेनिफिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो एक ही चीजों पर येस मेजर कैरेक्टरिस्टिक याद पांच पॉइंट रख सकते हो पहला सेम प्रोडक्ट सेम बिजनेस दूसरा डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन, तीसरा सेफ्टी ओरियंटेड हेंस लेस रिस्की डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन। मेजर रीजन क्या है क्यों लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं प्रोडक्ट हैज रीच मेचोरिटी स्टेज ये अब इससे ज्यादा नहीं चलने वाला इतने ही बेच दो काम खत्म इससे ज्यादा इस, इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है सोचिए कोई कंपनी अगर टाइपराइटर्स बनाती होगी कोई कंपनी अगर टाइपराइटर बनाती होगी आपको नहीं लगता टाइपराइटर एक मेचोरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है जिसका मतलब यह है जिसका मतलब यह है कि अब टाइपराइटर क्या हो चुका है बहुत कम लोग होंगे जो टाइपराइटर यूज करते हैं क्योंकि अब सभी लोग अगर प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे तो वो कीबोर्ड के साथ करना चाहेंगे क्योंकि रियल लाइफ में टाइपराइटिंग बहुत कम चलता होगा तो लोग अगर करना भी चाहेंगे तो उसके साथ करना चाहेंगे तो मेचोरिटी स्टेज पर पहुंच चुका है आपका प्रोडक्ट लेस रिस्की रिस्क कम लेना चाहते हैं आपने देखा होगा वो कुछ दुकान वाले होते हैं आप बोलते हो अरे यार ऑनलाइन जाओ यार तुम ऑनलाइन थोड़ा बेचो अरे सर ये ऑफलाइन ही समझ जाए यही बहुत है हम ऑनलाइन किधर जाएंगे किधर इतना मगजमारी करेंगे आपने देखा कुछ होलसेलर जो आपके सिटी के अंदर में होते कुछ होलसेलर जो आपके सिटी के अंदर में होते वो क्या करेंगे अरे सर ऑनलाइन किधर जाएंगे आप बोलते अरे सर हमारे को आपके प्रोडक्ट लेने होते हैं हर बार इधर आना पॉसिबल नहीं होता तो आप थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिए अब बोलते अरे सर यहाँ पे ऑफलाइन नहीं संभल रहा किधर ऑनलाइन जाएंगे उसके ऑनलाइन की मगज मारी फिर कस्टमर रिटर्न ये वो इतना अपने से नहीं होता अपन इतना ही संभाल ले यही बहुत है लेस रिस्की हैप्पी एनवायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एनवायरमेंट स्टेबल चल रहा है तो क्यों हम यू you नो know, नए बिजनेस में जाकर के नई चीजें करें एवरी थिंग इज गोइंग गुड गोइंग गुड एक्सपांशन थ्रेटनिंग एक्सपांशन करोगे थ्रेट है हो सकता है लॉस हो जाए हो सकता है आप चीजें नहीं कर, कर पाओ स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन अगर आपने रिसेंटली कुछ रैपिड एक्सपेंशन किए हैं सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा स्टेबिलाइज हो जाए तीनों पॉइंट को वापस पड़ो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी तीनों पॉइंट को वापस पढ़ो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है बेटा डन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इधर आओ आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटजी ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटजी सर ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है ये टोटली totally अपोजिट है टू स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आई रिपीट ये टोटली totally अपोजिट है टू स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कई बार ये डिसाइड कर सकता है कि यार चलो ग्रोथ करते नए बिजनेसेस के अंदर में जाते हैं नए प्रोडक्ट्स के अंदर में जाते हैं नए जोग्राफिकल मार्केट के अंदर में जाते हैं या ना बिजनेस हो सकता है ये डिसाइड करे कि यार नए प्रोडक्ट के अंदर में जाते हैं नए बिजनेस के अंदर में जाते हैं तो ये हुआ ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी जब आप नए बिजनेस के अंदर में जाएंगे नए मॉडल के अंदर में जाएंगे तो आपको नहीं लगता रिस्क ज्यादा होगा होगा क्या पैसे लगने वाले हैं लगेंगे टाइम एंड एनर्जी लगेगी लगेगी ग्रोथ एंड एक्सपांशन स्ट्रैटेजी आपको कौन सी कंपनी याद आती है जो अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है नए नए बिजनेस में एंटर कर रही है कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा जल्दी से कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कौन सी कंपनी ऐसी है जो अभी सबसे ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग के मोड में चल रही है अलग अलग रिस्ट्रक्चरिंग या तो कुछ बेच रहे हैं या तो कुछ खरीद रहे हैं नए नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं कैन यू नेम एनी टू कंपनी जल्दी से कमेंट करके बताओ कैन यू नेम एनी टू कंपनी एक जवाब भाई साहब इंडिया में ही बहुत है अपना इंडिया किसी से पीछे नहीं है रिलायंस टाटा पतंजलि यस एम अलग अलग, अलग प्रोडक्ट अलग अलग, अलग बिजनेस लाइन में एंटर कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस लाइन के अंदर में क्या कर रहे हैं एंटर कर रहे हैं, अडानी ग्रुप आप देखो साहब अडानी ग्रुप अलग अलग बिजनेस के अंदर में एंटर किया जा रहा है ये सारी कंपनी इंडिया में ग्रोथ स्ट्रेटजी एक्सपांशन स्ट्रेटजी और मैंने आपको बताया एस की ब्यूटी यही है कि आप इनको क्या कर सकते हो प्रभु आप इनको डेफिनेटली एंटर कर सकते हो सर मीनिंग क्या है जरा ध्यान से सुनिए मीनिंग क्या है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बिजनेस को रीडिफाइन किया जाता है अब तक हम एक प्रोडक्ट के अंदर में थे अब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर में रहेंगे अब तक हम एक प्रोडक्ट के अंदर में थे अब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर में रहेंगे ऑफन कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट ऑफ गोल और ऑब्जेक्टिव अब कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंटली थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि जैसे ही आप नए प्रोडक्ट के अंदर में एंटर कर गए आपके गोल और ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली एज अ ग्रुप चेंज होता है यस एक्सपांशन इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन एक्वायरिंग एंड मर्जिंग तीन चीजें हो सकती है एक डाइवर्सिफिकेशन हम खुद होकर नए बिजनेस के अंदर में एंटर कर गए एक्वायरिंग एंड मर्जिंग हमने किसी और बिजनेस को एक्वायर कर लिया और उसके अंदर में एंटर कर गए रिलायंस ने हेमलेज ले लिया हेमलेज क्या है भैया टॉयज बनाने वाली कंपनी कहां पेट्रोल रिफाइन करने वाली कंपनी कहां कपड़ा बनाने वाली कंपनी रिलायंस कहां खिलौने बनाने वाली कंपनी में आ गई वो डायलॉग याद आता है ये किस फील्ड में आ गए भैया आप वैसा वाला यस yes. तो टाटा पतंजलि एम आई अडानी ये सब अलग अलग बिजनेस के अंदर में जा रहे हैं यस yes. डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक्वायर कर रहे हैं या तो मर्ज कर रहे हैं क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इन्वॉल्व रीडेफिनेशन बिजनेस का रीडेफिनेशन यस बिजनेस का रीडेफिनेशन अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी जैटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जहाँ बोलती है हम कुछ नहीं करना चाहते एग्जिस्टिंग लेवल पे शांत रहना चाहते हैं यस yes, शांत रहना चाहते हैं तो वहाँ पे ही ये बोलता है कि भैया मैं चेंज करूँगा डन चलो जी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ बिजनेस तो ओवरऑल ग्रो हो गई क्योंकि आप नए बिजनेस में जाओगे तो आप अपनी पूरी कसर रखोगे कुछ सेल्स वहां से भी जनरेट करोगे हाईली वर्सटाइल स्ट्रेटजी हाईली वर्सटाइल इसमें बहुत कुछ होता है लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है नुकसान हो सकता है कुछ भी हो सकता है यस yes, टू मेजर स्ट्रेटेजिक रूट इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर में ओपन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन याद रख लेना बस ये काम खत्म इनवॉल रीडेफिनेशन अपोजिट टू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ ये तीन याद रख लेना काम खत्म कब लिया जाता है वन एनवायरमेंट डिमांड इंक्रीज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी एनवायरमेंट ही डिमांड कर रहा है हमें इंक्रीज करना है पेस ऑफ एक्टिविटी के साथ अगर आप रिलायंस को देखो सबसे ज्यादा काय के अंदर में भाग रहा है स्पेक्ट्रम के अंदर में भाग रहा है सबके अंदर में भाग रहा है काय के अंदर में डेली नीड्स के अंदर में जियो दो चीजों के अंदर में बड़ा भाग रहा है एक स्पेक्ट्रम टेलीकॉम के ऊपर वो इतना फोकस नहीं कर रहा है जितना स्पेक्ट्रम के ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि उनको समझ में आ गया नीड ऑफ द डे है आज इंटरनेट आज इंटरनेट लोगों को बाथरूम के अंदर भी लगता नहीं भाई बात समझे ना आज इंटरनेट लोगों को बाथरूम के अंदर में भी लगता है वो बोलता है भाई साहब इंटरनेट हर जगह चाहिए आज इंटरनेट बेसिक नीड हो चुका है दूसरी बात लोगों को ओटीटी की आदत लग चुकी है लोग थिएटर बंद कर चुके हैं क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है असली सिनेमा तो ओटीटी में मिल रहा है मानते हो नहीं मानते हो असली सिनेमा तो क्या मिल रहा है ओटीटी में मिल रहा है तो यस असली सिनेमा तो ओटीटी में मिल रहा है तो ये एक चीज है ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर मार्केट में आपका वट बढ़ जाएगा मार्केट में आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा एंड एडवांटेज लेगा अब आते हैं इसके तीन सब पार्ट पे जैसे कि मैंने कहा कितने सब पार्ट है तीन कितने सब पार्ट है बेटा तीन डाइवर्सिफिकेशन मर्जर स्ट्रेटेजिक अलायंस सबसे पहले आते हैं डाइवर्सिफिकेशन mm. के ऊपर सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन hmm. में दो पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन में दो पार्ट है इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन कितने पार्ट है बेटा दो इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन आखिर ये इंटेंसिफिकेशन क्या होता है आखिर ये इंटेंसिफिकेशन क्या होता है इसे दिया था तीन पार्ट में मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है राइट मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट पेनेट्रेशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट यहां माइनोट है यहां पर लिखिए मार्केट पेनेट्रेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट बाय मोर सेल्स क्या किया जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में पेनिट्रेट करना अलग अलग लेवल पे पहुंचाना इनके लिए ऑफर लेके आना इनके लिए एडवर्टीजमेंट लेकर के आना छोटा सा एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा तो कोलगेट का एडवर्टीजमेंट चलता है ब्रश ट्वाइस भाई भारत में एक टाइम ब्रश करने के बांधे ये कोलगेट ऐड करता रहता है प्रमोट करता रहता है फिर ये क्या होता है बार 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 हैमरिंग होता है मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां क्या है ये बार 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 इतने बार एडवर्टीजमेंट दिखाओ कि मार्केट में पेनिट्रेशन हो जाए डिमांड शुरू हो जाए जब डिमांड शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज हो जाएगा तो मार्केट में पेनिट्रेशन करो डिमांड इंक्रीज करो सेल्स इंक्रीज करो यस मार्केट पेनिट्रेशन

आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाएगा मैगी एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा क्यों क्योंकि इन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट करके रखा है हर जगह अपने मार्केट की अवेलेबिलिटी करके रखी है जब हर जगह आप अपने मार्केट की अवेलेबिलिटी कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट में आपका मार्केट का सेल्स इंक्रीज हो ही जाएगा दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट आप क्या करोगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर में लॉन्च कर दोगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर में लॉन्च कर दोगे फॉर एग्जाम्पल कोलगेट इन एफ्रीका कोलगेट रिसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा अपना सेल्स और अदर चीज इंक्रीज कर रहा है अफ्रीका के अंदर में कोलगेट अब तक के बाकी सारी कंट्रीज के अंदर में था अब ये अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकर के किधर उतर गया न्यू मार्केट के अंदर में न्यू जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर में उतर गया इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट एक नया मार्केट आपने डेवलप किया बालाजी चिप्स के बारे में तो आपने सुना होगा और ऑलमोस्ट खाया भी होगा यस आज जब आपको ऑप्शन मिलता है आज जब आपको ऑप्शन मिलता है किसका बालाजी और लेस का क्या आप भी मेरे तरफ बालाजी को ही सिलेक्ट करते हो पहली बात तो होम ब्रांड दूसरी बात क्वांटिटी ज्यादा हवा कम मानते हो नहीं मानते हो क्वांटिटी ज्यादा हवा कम क्या ये आपके साथ भी होता है क्या ये आपके साथ भी होता है तो बस यही सिंपल सी चीज है यही सिंपल सी चीज है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर में क्या कर देते हो एंटर कर देते हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर में एंटर कर देते हो इसी को सिंपल शब्दों में आप कहते हो क्या बेटा मार्केट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट और उसमें भी अगर आप आपको पता हो तो वो ग्रीन कलर वाला ज्यादा टेस्टी लगता है क्या वो ग्रीन कलर वाला ज्यादा टेस्टी लगता है गुजरात की एक कंपनी है पहले सिर्फ गुजरात में ऑपरेट करती थी रिसेंट टाइम्स में गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान में भी एक्सपांशन किया है और इतने तेजी से लेस का मार्केट खाए जा रही है इतने तेजी से लेस का मार्केट खा रही है जिसकी कोई आदि है यस तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है न्यू प्रोडक्ट लेकर के आना एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट अब यह भी एक्सपांशन है तीनों में पैसा लग रहा है पहले वाले में भी आपका पैसा लग रहा है एडवर्टीजमेंट करने के लिए दूसरे वाले में आप नए मार्केट में जा रहे हो तो भी आपको पैसा लग रहा है एक्सपांशन है रिस्क है वहां एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे तीसरा एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेकर के आना प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर एग्जाम्पल कोलगेट विथ चारकोल कोलगेट विथ चारकोल आपने रिसेंटली देखा होगा कोलगेट विथ चारकोल क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वो दीदी कहीं पे भी पहुंच जाती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है यस कोलगेट विथ नीम कोलगेट विथ वेघ शक्ति और कोलगेट विथ दुनियादारी का सब कुछ सारे मसालों के साथ राइट right? कभी ऐसा भी हो सकता है कोलगेट विथ पनीर फ्लेवर आ जाए ऐसा भी हो सकता है तो आप अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट निकाल देते हो तो भी आप क्या कर रहे हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो ये सभी चीजें ग्रोथ और एक्सपेंशन के तहत आती है मार्केट पेनेट्रेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में हर तरफ फैलाना ये क्या हो गया मार्केट पेनेट्रेशन दूसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंदर में फ्लोट कर देना यस yes, और तीसरा होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में न्यू प्रोडक्ट को लेकर आ जाना तीनों के अंदर में कैश फ्लो लगता है न्यू स्ट्रैटेजी लगती है ग्रेटर मार्केट कंट्रोल आता है और ये तीनों भी किसका प्रकार है बेटा इंटेंसिफिकेशन का प्रकार है इंटेंसिफिकेशन मार्केट डेवलपमेंट मार्केट पेनेट्रेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आई यू गेटिंग इट आई यू गेटिंग इट चलो जी अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन के कितने पार्ट है चार वर्टिकल हॉरिजेंटल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरीट यहां पे लिखना है आपने को वर्टिकल ये लिखा ही है सॉरी जो टाइप ऑफ मर्जर और टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दोनों में एक सिमिलैरिटी पहले दोनों के बीच का डिफरेंस समझो क्योंकि दोनों में आपको वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन करना और मर्जर करना दोनों में फर्क क्या है डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब हम खुद होके इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस में जाते हैं मर्जर का मतलब कोई एक ऑलरेडी कंपनी है जो इस बिजनेस को कर रही है हम उसको एक्वायर कर लेते हैं बाकी फंडा और पूरा का पूरा एक ही रहेगा मैं अगर खुद होकर के के उस बिजनेस अंदर में चले गया अब रिलायंस अगर खुद होकर के यू नो गेम्स और uh, uh, ऐसे बच्चों के खिलौने बनाना शुरू कर देता हम इसको डाइवर्सिफिकेशन का नाम देते उन्होंने ऑलरेडी एक कंपनी हेमलेस जो बना रही है उसको एक्वायर कर लिया उसको एक्वायर कर लिया उन्होंने मर्जर कर लिया या एक्विजिशन कर लिया तो बस ये दोनों के बीच का एक थिन लाइन डिफरेंस है सबसे पहला हम लोग बात करते हैं वर्टिकल की वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन एग्जाम्पल के सहित आपके साथ लेना चाहूंगा वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन अब ये वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर में आपको दो पार्ट मिलेगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन सेम प्रोडक्ट लाइन सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर में या तो फॉरवर्ड जाना या तो बैकवर्ड जाना इसे हम कहेंगे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन इसका मतलब आप मान लीजिए आप फॉर समझ लीजिए मैं मेरा अकेडमी है वी लर्न यस वी स्मार्ट अब अकेडमी के अंदर में अब तक के हम लोग क्या करते थे बुक बनाते थे और बेचते थे लेक्चर बेचते थे अब हमने बोला कि यार चलो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चलते हैं हम बुक कहीं और से प्रिंट करवाते हैं और फिर बेचते हैं अब हम एक काम करते हैं अब हमें काम करते हैं हम सिंपली प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं हमने क्या किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू कर दिया हमने क्या किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू कर दिया सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या करता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी बात करता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन सिंपली आपको एक ऑप्शन देता है कि जो आपके सप्लायर है उन बिजनेसेस के अंदर में एंटर कर जाओ अगर अमूल कंपनी राइट right, अपना खुद का यू uh, नो you know, Uh, पूरा का पूरा पोल्ट्री ओपन कर दे गाय भैंसे रखना चालू कर दे या इस तरीके की चीज़ों में चले जाए तो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया उन्होंने क्या कर दिया बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया कोई तेल बनाने वाली कंपनी सोयाबीन उगाना चालू कर दे यस वो क्या चले गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले गए स एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो आपके सप्लाई मैनेजमेंट है आप उनमें चले गए फॉर एग्जांपल आज हमारे जो प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर में बहुत सारी वेबसाइट्स है जो हमारे प्रोडक्ट बेच रही है ये yes, कल चल के हमने अलग अलग सिटी में हमारे ही सेंटर ओपन कर दिए कल चल के हमने अलग अलग सिटी में हमारे ही सेंटर ओपन कर दिए वॉट विल बी दैट वट विल बी दैट दैट विल बी सिंपली दैट विल बी सिंपली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सो बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप दोनों भी कभी भी जा सकते हो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सो अगर टीचिंग में देखें हम प्रिंटिंग में चले गए सॉरी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में देखें हम लोग कहां चले गए हम लोग सेंटर इन डिफरेंट सिटी हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया स्टार्टेड प्रिंटिंग हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले गए फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो कई बार क्या होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं क्यों जाते हैं ओवरऑल कॉस्ट कम हो आज अगर मैं मेरी प्रिंटिंग खुद ही करना चालू कर दू सोच के देखिएगा आज अगर मैं मेरी प्रिंटिंग खुद ही करना चालू कर दू क्या होगा मैं अगर मेरी प्रिंटिंग खुद ही करना चालू कर दूं तो बहुत सिंपल सी एक ही चीज होगी कि ओवरऑल मेरी कॉस्ट कम होगी और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी दूसरा मुझे सप्लायर्स के सप्लायर्स uh, का प्रेशर हैंडल नहीं करना पड़ेगा प्रिंटर कहता है कि भैया हम संडे को ऑपरेट नहीं करते हम शाम छह बजे के बाद ऑपरेट नहीं करते मुझे अगर प्रिंटिंग की नेसेसरी है मुझे अगर प्रिंटिंग की जल्दी है मैं प्रिंटर को क्या बोलूंगा भाई तू तो कुछ भी कर मेरे को करके दे मेरी खुद की कंपनी में इंप्लॉइज को बोलूंगा रुको और मेरे को यह प्रिंटिंग अभी चाहिए वट इज दैट दैट इज समथिंग मैं अपना टाइम कॉस्ट और एनर्जी तीनों चीजें सेव कर सकता हूं तीनों चीजें क्या कर सकता हूँ सेव कर सकता हूं अब आते हैं हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आज मुझे एक कमीशन किसी थर्ड वेबसाइट को देना पड़ता है अगर मैंने मेरा खुद का सेंटर वहां पर ऑपरेट कर लिया तो मुझे कमीशन देना ही नहीं पड़ेगा मुझे कमीशन देना ही नहीं पड़ेगा यस yes, उल्टा मैं वहां से मेरा प्रचार प्रसार ज्यादा कर पाऊंगा हो सकता है सेंटर मेरा प्रमोशन करे ना करे हो सकता है वो चार लोगों का और का प्रमोशन करे तो मुझे अगर मेरा एक्सक्लूसिव प्रमोशन करना होगा तो मैं मेरा सेंटर वहां पर ओपन कर लूंगा वट इज दैट वट इज दैट सिंपली आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा यस yes, और मालिक अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को फटाफट ठोको बहुत मेहनत लगती है मैराथन लेने में ईमानदारी से मेरे नहीं किसी भी टीचर के लिए करना बहुत मेहनत लगती है क्लासेज वासेज ऑफ देकर के पूरा मैराथन लेने के लिए चलो आओ बेटा ये है वर्टिकल वर्टिकल के अंदर में दो पार्ट मिलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड यस दूसरा है हॉरिजॉन्टल दूसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन अब ये हॉरिजॉन्टल डायवर्सिफिकेशन कैसे वर्क करता है सर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन इज सिंपली एक्वायरिंग द कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर जिस बिजनेस के अंदर में है उस बिजनेस के अंदर में आप भी एंटर कर जाओ उतने ही प्रोडक्ट आप भी लॉन्च कर दो उतने ही सेम सेगमेंट्स आप भी लॉन्च कर दो उतने ही प्रोडक्ट आप भी लॉन्च कर दो उतने ही सेगमेंट्स में आप भी एंटर कर दो अपने कॉम्पिटेटर को ही या तो बोल दो तू तेरा बिजनेस बंद कर दे मेरे साथ मर्ज कर ले वट इज दैट हॉरिजोनटल डाइवर्सिफिकेशन एग्जिस्टिंग राइवल्स के जैसे आपने वर्क करना है एक्वायरिंग द कॉम्पिटिटर और एंटरिंग इन द सेम बिजनेस एज कॉम्पिटिटर ब्रिंगिंग द सेम प्रोडक्ट उतने ही प्रोडक्ट्स को वापस से लॉन्च कर देना उतने ही प्रोडक्ट्स को वापस से लॉन्च कर देना काम खत्म धन्य बेटा चलो जी तीसरा है को जेनेरिक चौथा है कॉन्ग्लोमरेट अब यहां पे देखो सिर्फ एक वर्ड डिफरेंस है को जेनेरिक और कॉन्सेंट्रिक अब ये को जेनेरिक क्या है जेनेरिक मतलब सिमिलर एंट्रिंग इन टू रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच गोज विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैगी के साथ सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हो अगर मैगी में कुछ मिक्स करके खाना है तो सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हो जल्दी से बताओ अगर मैगी में कुछ मिक्स करके खाना है तो सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हो मैगी के अंदर में कुछ डाल के खाना है तो सोच करके देखो जल्दी जल्दी बताओ और बेटा कमेंट करते रहना ताकि आप बोर ना हो जाओ और मैं कंफर्म ही बोर ना हो जाऊँ कमेंट करते रहो जब कमेंट करते रहोगे तो यू you नो know, लगेगा कि तुम जिंदा हो मैं भी जिंदा हूँ टमैटो सॉस पक्की बात है हम सब मैगी के अंदर में टमाटो सॉस भर भर के डालना पसंद करते हैं अब आप मुझे बताइए दूसरा मयोनीस अच्छा कई लोग तो ऐसे भी रहते हैं भैया मैगी के साथ साथ हम सर गुलाब जामुन डाल के खाएंगे बेटा ऐसे लोगों से हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे बिल्कुल कमेंट करना भी मत यस मैगी के अंदर में आप चीज़ डालोगे मैगी के अंदर में सॉस डालोगे मैगी के अंदर में यू नो माओनीस डालोगे मैगी के अंदर में दही पहली फुर्सत में निकल था तू तेरे ही कारण मैगी बर्बाद हो रही है तेरे कारण मैगी का है ना प्राइस बढ़ रहा है ही कारण प्राइस बढ़ रहा है मैगी का नाउ अब ये क्या हो गए? ये को जेनेरिक प्रोडक्ट हो गए कंपनी सपोज नेस्ले आज तक के क्या बनाती थी मैगी बनाती थी उन्होंने पिचकू बना दिया दैट इज सॉस में एंटर कर गए मैगी पिचकू क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि मैगी के साथ जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है पिचकू चल रहा है क्योंकि लोग सॉस डाल के खाना पसंद करते हैं नेस्ले ने क्या बनाना चालू कर दिया सॉस बनाना चालू कर दिया आपको पता है मैगी बनाते वक्त हम बीच में कुछ खा जाते हैं किस बारे में बात, बात कर रहा हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं मैं बताओ किस बारे में बात कर रहा हूं मैं बताओ मसाला इन्होंने मसाला सेपरेटली बना करके सेल करना चालू कर दिया वॉट इज दैट को जेनेरिक आप रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर में एंटर करने जा रहे हो आप क्या करने जा रहे हो रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर में एंटर करने जा रहे हो आप सीधा सीधा धीरे धीरे रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर में एंटर करते हो जो प्रोडक्ट इसके साथ बिकते हैं आपने अभी दिवाली के अंदर में स्टैंडर्ड के पटाखे फोड़े होंगे अब पटाखे फोड़ने के लिए मेरे भाई तुमको लगती है माचिस की जरूरत आप मैच बॉक्स एंटर कर दो आप मैच बॉक्स एंटर कर दो मैच बॉक्स के अंदर में चले जाओ क्या हो गया को जेनेरिक डाइवर्सिफिकेशन यानी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ आप एंटर करते जाओ आप क्या करते जाओगे को जेनेरिक डाइवर्सिफिकेशन करते जाओगे इसी को आप ऐसी कंपनी को अडॉप्ट कर लो एक कंपनी है जो सॉस बनाती है सपोज ने निपॉन कंपनी को निपॉन के सॉसेस बनते हैं यस yes, नेस्ले ने निपॉन कंपनी को एक्वायर कर लिया आपने इसी चीज को क्या कर लिया डाइवर्सिफिकेशन या मर्जर आप इसी चीज को मर्जर में लेके चले गए आपने ऐसी कंपनी एक्वायर कर ली ध्यान से सुनना आपने ऐसी कंपनी एक्वायर कर ली जो आपके ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर में रादर मैंने प्रिंटिंग के लिए मशीन ढूंढना मशीन लगाना लोग ढूंढना जगह ढूंढना मैंने क्या किया एक प्रिंटर के पास गया प्रिंटर को बोला देख भाई मैं इस बिजनेस में पैसा लगाने को रेडी हूं बोल Agreed अपना ऑर्गेनाइजेशन एज इज वॉट इज भेजने पर रेडी है वो बोलता है हाँ मेरे को भी इस बिजनेस से मतलब यू नो मेरे को आपसे भी इतना इतना अमाउंट दे दो मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा पर मेरे को इस बिजनेस में नहीं रहना व्हाट इज दैट वर्टिकल मर्जर मैं दोनों चीजें साथ साथ में पढ़ा रहा हूं हम ताकि इसके अंदर में और टाइम ना एंगेज करें दूसरा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब आप अपने कॉम्पिटेटर बिजनेस में एंटर कर गए डाइवर्सिफिकेशन कॉम्पिटेटर को ही एक्वायर कर लिया हॉरिजोंटल मर्जर को जेनेरिक कॉन्सेंट्रिक वर्ड अलग है मीनिंग से आप रिलेटेड बिजनेस में एंटर कर गए आप रिलेटेड बिजनेस में एंटर कर गए यस yes. अब जेबरॉनिक्स जेबरॉनिक्स आपने सुना है कीबोर्ड माउस कंप्यूटर एक्सेसरीज बनाता था अब उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया डेस्कटॉप बनाने शुरू कर दिए सीपीयूज में एंटर करने लग गए रिलेटेड बिजनेस के अंदर में जाने चालू कर दिया इन्होंने कॉन्सेंट्रिक या को जेनेरिक इसके बाद आता है कॉन्ग्लोमरीट कांग्लोमरीट कॉन्ग्लोमेरीट का मतलब क्या है टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट आप बिल्कुल नए चीज में एंटर कर जाओ द ग्रेट कंपनी आईटीसी पतंजलि, इनको शौक है एकदम अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जाने का टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट आप किसके अंदर में चल जाओ टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर में चल जाओ आप क्या कर लोगे कांग्लोमेरिट डाइवर्सिफिकेशन आईटीसी क्या बनाते हैं भैया सिगरेट्स बनाते हैं सिगरेट्स बनाने के बाद क्या बनाते हैं वो बुक भी बनाते हैं आईटीसी की बुक्स आती है यस yes, इसके बाद वो क्या बनाते हैं सर क्लोथ्स बनाते हैं इसके बाद सर क्या बनाते हैं आटा टोटली अनबिजनेस अन रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी में चले गए अनादर एग्जाम्पल टाटा वोल्टास टोटली अनरिलेटेड बिजनेस टोटली टाटा कहां कार बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी कहां ए बनाने लग गई टोटली अनरिलेटेड बिजनेस आप समझ रहे हो रिलायंस इनटू हेमलेस टोटली अनरिलेटेड बिजनेस पतंजलि इंटू जल बिस्लरी को यू you नो know, गिराने के लिए पतंजलि जल टोटली अनरिलेटेड बिजनेस कहां आप आयुर्वेदिक चीजें बेचते थे अब कहां आप आयुर्वेदिक पानी बेच रहे हो बात समझ रहे हो कहाँ आप आयुर्वेदिक पानी बेच रहे हो सो भाई साहब ये है टोटली अनरिलेटेड कॉन्ग्लोमरी आप खुद होके एंटर कर गए डाइवर्सिफिकेशन कोई कंपनी इसमें आपने डायरेक्टली उस कंपनी को एक्वायर कर लिया आपने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया स्ट्रेट अवे मर्जर स्ट्रेट अवे मर्जर तो मर्जर डायरेक्टली पढ़ लो वर्टिकल मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफन लीड टू इंक्रीज इनर्जी रिजल्ट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑपरेशन आपके बढ़ जाएंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज पैसा बढ़ जाएगा हॉरिजोटल कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री मर्ज विथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को जेनेरिक को जेनेरिक टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड इन वे दे आर एसोसिएटेड इन वे मैगी एंड पिचकू एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट जिनके कॉमन कस्टमर है जिनके कॉमन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है उनमें एंटर कर देना को जेनेरिक कॉन्ग्लोमरीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनिलेटेड टू ईच अदर नो लिंकिंग नो कॉमन फैक्टर नो लिंकिंग नो कॉमन फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन मर्जर अल्टीमेटली आते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस अकाउंटिंग की भाषा में आप इसको ज्वाइंट वेंचर कहते हो स्ट्रेटेजिक अलायंस दो कंपनी मिलकर के साथ में आती है दो कंपनी मिलकर के साथ में आती है दोनों बिल्कुल अलग अलग है लेकिन दो लोग मिलकर के साथ में आते हैं ताकि साथ में चले ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है मोर मार्केट पेनीट्रेशन मोर मार्केट कैप्चरिंग एक दूसरे की सिनर्जीज यूज करना एक दूसरे की सिनर्जीज यूज करना यस yes, एक दूसरे की सिनर्जीज यूज़ करना व्हाट इज़ दैट यू नो दो कंपनी एक साथ आई एक दूसरे की सिनर्जी यूज़ कर रही है अब आप अगर इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है यस yes, आप टाटा जैगवार लैंड रोवर डिविजन देख लीजिए कंपनीज अलग अलग भी है इंडियन मार्केट में साथ साथ में चल रही है यस भारतीय एयरटेल देख लो और आपका वॉलमार्ट देख लो दोनों कंपनी अलग अलग है एक साथ चल रही है फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ तो ये दो अलग अलग कंपनी लेकिन जब एक साथ चलती है हम इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं यस yes, सबसे ज्यादा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज तो आपने देखा ही होगा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में दो पार्टीज मिलकर के गठबंधन की सरकार बनती है यस yes, अब अभी आप करेंटली देख लीजिए गठबंधन की सरकार आपको भी पता है कौन सी है यस द एग्जिस्टिंग कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे चार पांच छः सात आठ जितने भी आ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब मिलकर के एक साथ आ रहे हैं दैट इज वॉट स्ट्रैटेजिक अलायंस है सब अलग अलग लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ पी पोस्ट सब एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे एक अपनी बीजेपी अलग लड़ रही है और बाकी सब एक साथ अलग आ जाएंगे वॉट इज दैट स्ट्रैटेजिक अलायंस इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन आई यू गेटिंग इट राइट right? तो ऐसी कई है मारुति सुजुकी हीरो होंडा अलग अलग कंपनीज भी है और साथ साथ में भी चल रही है स्ट्रेटेजिक अलायंस स्ट्रेटेजिक अलायंस आई यू गेटिंग इट सो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट पहला स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी दूसरा ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी इसमें तीन पार्ट डाइवर्सिफिकेशन मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस यस यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक टेन मिनट्स का ब्रेक लूंगा ब्रेक के बाद वापस आकर के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे लेट्स टेक अ ब्रेक हम हर दो घंटे में ब्रेक लेंगे ताकि आप भी जाकर के नाश्ता पानी इधर उधर सब कर करके वापस आ जाओ सो टेन मिनट्स ब्रेक वापस आएंगे दस मिनट के बाद यस yes, प्रभु चलो जी यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे है ड्राटेज चैप्टर नंबर फोर के ऊपर है और अब बढ़ते हैं आगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर यस yes, तो भाई साहब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में चार तरह की स्ट्रेटेजी होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रैटेजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी हम अब आ रहे हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी चार प्रकार की होती है रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड लिक्विडेशन डिस ऐसी चार चीजें होती है ये वो जब वो Uh, ये सिचुएशन सब अडॉप्ट की जाती है जब जा बिजनेस चल नहीं रहा हो तो आप बिजनेस से बाहर निकलने वाले हैं या बिजनेस क्लोज करने वाले हैं इन टाइम पे ये स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया जाता है रिट्रेंच करना मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी को कम कर देना या किसी बिजनेस एक्टिविटी को बंद कर देना इसे हम क्या कहते हैं बेटा रिट्रेंचमेंट कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं बेटा रिट्रेंचमेंट कहते हैं सो रिट्रेंचमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है रिटरेंजमेंट एक्टिविटीज जो होती है ये अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करना अब ये स्लो डाउन किया क्यों जाता है अब ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बिजनेस नहीं चल रहा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है प्रोडक्ट लाइन अप खत्म हो चुकी है अब यू नो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है अब हम बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बचा तो हमको बाहर निकलना कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं कौन लेंगे है ये डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल पर लिया जाएगा दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इन बिजनेस में रहना है या इन बिजनेस से, से बाहर निकल जाना है सो so, आइए एक एक चीजें करते हैं सबसे पहले रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं सबसे पहले रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं चार्ट में देखोगे नीचे साइड में आपको दिख जाएगा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी कैरेक्टरिस्टिक मेजर रीजन और चारों का एक्सप्लेनेशन मतलब आपके इस चार्ट के अंदर में सब कुछ कवर है कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतने मेजर पॉइंट बस आपको याद रख लो कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इट इन्वॉल्व रिट्रेंचमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ समी एक्टिविटी यस रिसेंटली मारुति के अंदर ने डीजल इंजन बंद किए ज दैट रिट्रेंचमेंट वन ऑफ द एक्टिविटी मारुति के अंदर में क्या हुआ भाई साहब मारुति के अंदर में एट हंड्रेड और ऑल्टो सीरीज को बंद कर दिया गया और स्विफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो गए वट इज दैट समी एक्टिविटी और सम ऑफ दी एरिया को रिट्रेंच कर दिया रिलायंस अगर ग्रुप को देखू मैं अनिल अंबानी ग्रुप को तो वो क्या कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को बंद कर दिया रिट्रेंच कर दिया सो so, ऐसी रिट्रेंचमेंट एक्टिविटीज होती है जहां पे हम वन और मोर एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं यस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी रिसेंटली अगर देखा जाए रिसेंटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को क्या किया डिस किया ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो लॉस मेकिंग होता है या जिससे आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो आप उसको एक आध बार ट्राई करके देखते हो दो तीन स्ट्रेटेजी चेंज करके देखते हो फिर भी अगर वो चीज वर्क नहीं हो रही तो अल्टीमेटली क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है आगे बढ़ा जाता है अल्टीमेटली फिर छोड़ दिया जाता है आगे बढ़ा जाता है इट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस कंपल्शन फॉर डिस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेनी और वराइड यस मेजर रीजन No longer wish टू रिमेन इन द बिजनेस जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि बिजनेस बिजनेस में नहीं रहना है उल्टा इसके जगह का पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे कुछ और बिजनेस विजिबल होगा ज्यादा बेहतर होगा अगर हम डाइवेस्टमेंट करेंगे तो हमारे को ज्यादा बेटर होगा बिजनेस दैट है प्रूव टू बी मिसमैच फॉर एग्जाम्पल टाटा क्या आपको पता है टाटा में ऑयल्स भी बेचा जाता था येस टाटा वॉज इंटू ऑयलिंग बिजनेस ऑयल्स बिजनेस में भी थे और अल्टीमेटली इन्होंने ऑयल बिजनेस को समझ में आ गया इनको कि भैया ये मिसमैच है ये हमारा धंधा नहीं है हम इसको नहीं कर सकते उन्होंने उठा करके इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल कर दिया उन्होंने अपना ऑयल डिवीजन उठा करके क्या कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल कर दिया व्हाट इज दैट कई बार बिजनेस है प्रूव टू बी मिसमैच टू बी अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूं इसी पॉइंट पे एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जेनुअनली जिनकी खुद की इच्छा नहीं है इस कोर्स के अंदर में रहने की बट बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर वो इस कोर्स के अंदर में है बिकॉज ऑफ यू नो फ्रेंड्स एंड पियर प्रेशर इस कोर्स के अंदर में है कई बच्चों को तो मैं खुद देखता हूं कई बच्चों को तो मैं खुद देखता हूं कि वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग बहुत अच्छे से अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं कई बच्चों के अंदर स्पेशल टैलेंट होता है यार ड्राइंग इतनी अच्छी करते हैं पेंटिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं डांस है बेचारे वो अपना पैशन फॉलो ना करके इस कोर्स को कर रहे हैं अल्टीमेटली ना इधर रिजल्ट ला पा रहे हैं ना खुद से सेटिसफाइड है मैं कई बार उन बच्चों को बोलता हूं यू आर प्रूव टू बी मिसमैच भैया कॉर्पोरेट लेवल के जैसे जिंदगी में भी आपको कई बार क्या करना होता है कुछ रिट्रेंचमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं यस आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा पोजिशन पे है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा देखिए बेटा सिर्फ इसी कोर्स को करने से कुछ नहीं होता आप जिस चीज में खुश है आपका पैशन जिस चीज में है देखिए कभी भी ना अपने पैशन को फॉलो करो सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएगी ये बहुत लॉजिकल चीज है मैं आपको बताता हूं मेरे एग्जांपल से ही यस yes, मैं जॉब करने के लिए गया अब जैसे आपको तो पता है यू you नो know, ये कोर्सेस करने के बाद पहला ऑप्शन आपको जॉब ही दिखता है क्योंकि प्रैक्टिस में आपको जानता कौन है मैं जॉब करने के लिए गया मेरे को पैकेज भी अच्छा मिल गया फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ का सैलरी मिल गया मेरे को मैं छह महीने जॉब करता रहा तब मेरे को समझ में आया यार मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं अपने से नहीं हो सकता सुनना और मैं नहीं बना हूं यू नो सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक के लिए अपने को चाहिए कुछ अलग यस yes, अपन है किसी और चीज के लिए जब ये खुद से समझ आ जाती है तो अपन अपना पैशन फॉलो करता है फिर मुझे समझ में आया मेरा पैशन क्या है मुझे समझ में आया भैया मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है पब्लिक अपीयरेंस अच्छा लगता है पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है मैं टीचिंग के अंदर में आ गया तो आपको सक्सेस भले ही लेट मिल सकती है लेकिन आपकी सक्सेस से आप खुश रहेंगे आप अपनी चीजों से खुश रहेंगे और अपने पैशन को फॉलो करो यही आपका पैशन है नहीं यार मेरे को सीए सी ए करने का है आप बोलोगे कि भैया आप मेरे को पढ़ने का है ये अंदर से आना चाहिए भैया मेरे को डिग्री चाहिए मेरे को मेरा नाम चेंज करने का है मेरे को मेरे परिवार के अंदर में एक भैया सी चाहिए मेरे को मेरे परिवार के बिजनेस के लिए एक सीए की जरूरत है तो वट इज दैट ये अंदर से आएगा और तब आप किसी सक्सेस को पाओगे सो so, कई बार इट प्रूव्स टू तो बी मिसमैच शादी होती है प्रूव टू तो बी मिसमैच मैच ड्राई वॉश हो जाता है यस yes, तो कई बार जिंदगी में में भी रियल में भी रियल लाइफ आपको रिट्रेंचमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं और एक बात को शायरी से कहना चाहूंगा जरा डीप है जरा ध्यान से सुनना कि कुछ इस तरह अपनी जिंदगी को आसान बना लो कुछ इस तरह अपनी जिंदगी को आसान बना लो कुछ लोगों से माफी मांग लो तो कुछ लोगों को माफ कर दो कुछ इस तरह अपनी जिंदगी को आशा बना लो कि कुछ लोगों से माफी मांग लो और कुछ लोगों को माफ कर दो समझ में आई बात तो बस आप अपनी जिंदगी से भी कुछ लोगों को रिट्रेंस कर दीजिए स्पेशली उनके लिए जो प्यार के अंदर में पड़े हुए हैं सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा काम कर जिंदगी में आगे बढ़ खेल खत्म कर सो परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो एयर इंडिया परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो एयर इंडिया कंटिन्यूस निगेटिव कैश फ्लो तुरंत लीजिए इस डिसीजन को राइट right? सिर्फ आप ही मैसेज करे जा रहे हैं सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा है तो बस आपको अपना रिट्रेंचमेंट डिसीजन ले लेना चाहिए सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है तो इस बिजनेस में रह के मतलब नहीं बाहर निकलो बेटर अल्टरनेटिव मे बी अवेलेबल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड बिजनेस में कई बार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है अब जैसे आप देखिए स्पेक्ट्रम अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इसमें फाइव आने वाला है फाइव जी के लिए कितनी कंपनीज़ रेडी है इंडिया के अंदर में आप सोच के देखिए जो कंपनीज थी आप देखो पहले टाटा टेलीकॉम था सोच करके देखो टाटा टेलीकॉम था यूनिनॉर था आइडिया वी आई था एयरटेल था जियो था बी एस एन एल था इनमें से अब मेजर कंपनीज फाइव जी के लिए पैसा लगाने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इनके पास पैसा ही नहीं है ये कंपनीज क्या करेगी रुकेगी इस बिजनेस के अंदर में नहीं वो सिंपली टर्न अराउंड डिसीजन लेगी अपने जितने टावर और अपने कंज्यूमर है वो किसी न किसी कंपनी को बेच देगी या तो वी को देगी या तो एयरटेल को देगी या तो जियो को देगी अपने कंज्यूमर इनको देगी प्रॉफिट बनाएगी जितना पैसा बन रहा है बनाएगी निकल जाएगी काम खत्म इनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटी के चार कंपोनेंट है रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड डिस इन्वेस्टमेंट लिक्विडेशन रिट्रेंचमेंट फॉलोड ऑर्गेनाइजेशन सब्सेंशियली रिड्यूस इट स्कोप ऑफ एक्टिविटी जब रिट्रेंचमेंट मतलब स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देना कई चीजों में से बाहर निकल जाना कई चीजों में से स्ट्रेट अवे बाहर निकल जाना अब हमको ये करना ही नहीं है डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम एरियाज एंड डायग्नोस्टिक कॉज क्यों किया जाता है ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है कि आप आप सिंपली क्या करो स्टेप्स फॉलो करो डायग्नोस कहा है प्रॉब्लम कहां है पता चलेगा वो एक्टिविटी को स्ट्रेट अवे बंद कर दो नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम अब आता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है आपने कई बार स्ट्रैटेजी को लगाया लेकिन स्ट्रैटेजी प्रूव टू बी रॉन्ग आपने कई बार स्ट्रैटेजी को लगाया बट स्ट्रैटेजी प्रूव टू बी रॉन्ग अब ऐसे केस में क्या किया जाता है ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे केसेस के अंदर में बड़ा सिंपल सा एक ही काम किया जाता है कि एक बार पलट के देखा जाता है टर्न अराउंड पलट के देखा जाता है कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत कहां हो गई हमारी स्ट्रैटेजी गलत कहां हो गई और उस कॉज को ढूंढा जाता है उस कॉज को ढूंढा जाता है और बाकी एक्टिविटी को स्लो डाउन किया जाता है यस फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट यह इंटरनल रिट्रेंचमेंट के लिए होता है लेट डाउन ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशियंसिज क्या बढ़ाने के लिए होता है बेटा इंटरनल एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए होता है कि हम कमजोर कहां पड़ गए कहां हमसे गलती रह गई वो होता है ना एक आदि अगर अटेम्प्ट लग जाए तो आप खुद पलट के देखते हो कि भैया कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कमाए हैं और इस सब्जेक्ट में मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वट इज दैट टर्न अराउंड स्ट्रेटी आप अपनी स्ट्रेटेजी को पलट के देखते हो कि कहां मेरे से कमी रह गई और जहां मेरे से कमी रह गई उसके लिए आप स्ट्रैटी बनाते हो कॉल्ड एस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इसके अंदर में डेल डेल मारोती क्लोज डीजल सेक्शन डेल डेल ने क्या किया था डेल के चैनल पार्टनर्स थे अलग अलग शहर में चैनल पार्टनर्स थे जो डेल के लैपटॉप बेचते थे और डेल को क्या करना पड़ता था कमीशन देना पड़ता था यस अब जरा समझिए कि वर्क कैसे होता है अब जरा समझिए वर्क कैसे होता है डेल ने क्या देखा कि मेरा बहुत सारा प्रॉफिट जा रहा है कमीशन के नाम पे मेरा बहुत सारा प्रॉफिट जा रहा है किसके नाम नाम पे पे बेटा कमीशन के वर्ल्ड वाइड ओपन करेंगे उन्होंने ये बोला कि भैया हम हम किसी को नहीं देंगे हम अपने ही प्रोडक्ट्स खुद रखेंगे वर्ल्ड वाइड सेल करेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने स्ट्रेट अवे इन्होंने स्ट्रेट अवे सारे फ्रेंचाइजीज uh, को क्लोज कर दिया और अपने स्टोर ओपन करना चालू कर दिया लेकिन डेल ने देखा इसके कारण इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई क्योंकि जो सेल चैनल पार्टनर ला करके दे रहे थे अब उन्होंने क्या कर दिया चैनल पार्टनर के पास डेल का ऑप्शन बचाए नहीं तो वो एचपी का ऑप्शन बेचने लग गए जब डेल का ऑप्शन बचाए नहीं तो वो एचपी का ऑप्शन देने लग गए जब उन्होंने एचपी का ऑप्शन देना शुरू कर दिया ध्यान से सुनना जब इन्होंने एचपी का ऑप्शन देना शुरू कर दिया तब इनको पता चला कि डेल में सेल्स पे इंपैक्ट पड़ा है डेल ने टर्न अराउंड किया डेल ने टर्न अराउंड किया और उन्होंने वापस से क्या किया सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने चालू करी तब जाके डेल का प्रॉफिट क्या हुआ रिटेन हुआ रिटेन लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था एचपी बहुत सारा मार्केट खा चुका था सो दैट इज टर्न अराउंड आप पलट के एक बार देखते हो कि यार मैं कहां गड़बड़ रह गई और इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल एफिशिएंसी और इंटरनल डिसीजन मेकिंग को आप क्या करते, करते yes, हो चेंज करते हो यस कुछ एक्शन प्लान लेने होते हैं स्टेज वन असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम सबसे पहले ढूंढो करंट प्रॉब्लम कहां है फिर सिचुएशन को एनालाइज करो क्या चल रहा है एक नया इमरजेंसी प्लान लेकर क्या हो इमरजेंसी प्लान क्यों क्योंकि आपको तुरंत इसको इंप्लीमेंट करना है रिस्ट्रक्चर किया अपने बिजनेस को और नॉर्मल पे वापस रिटर्न हुई है। ये पांच स्टेप को फिर से पढ़िए ये पांच स्टेप को फिर से पढ़िए डने जी चलो जी तीसरा है डाइवेस्टमेंट अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देना सेल या लिक्विडेट कर देना किसकी बात चल रही है भैया एयर इंडिया द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल एयर इंडिया ने अपने आप को क्या कर दिया भैया डिस इन्वेस्ट कर दिया इसका इन्वेस्टमेंट किसके पास चले गया टाटा के पास चले गया क्यों अब कब ऐसा होता है परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो कैश फ्लो अच्छा नहीं है Persistent negative cash flow involves sale or liquidation of portion of business or major division or profit center or an SBU. अ पार्ट ऑफ रीहेबिलेशन और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है अभी आप देखिए कई बैंकों के अंदर में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है डिस कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ गया इतने सारे कॉम्पिटिशन आ चुके हैं और अब इतने सारे बैंक की जरूरत नहीं एक जमाना था जब बहुत सारे नेशनलाइज बैंक की जरूरत थी क्योंकि उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर बैंक ही नहीं थे आज गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए अब जरूरी नहीं गवर्नमेंट इस बिजनेस में हो गवर्नमेंट रादर सिर्फ गवर्नेंस पे ध्यान देते यही बहुत है इन बिजनेस में होना गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है डायवेस्टमेंट कर रही है प्रॉफिट बना रही है इस प्रॉफिट

बहुत सारे प्राइवेट बैंक आ चुके हैं देश में बैंकिंग नीड्स बहुत अच्छे से चल रही है जितना गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उससे अच्छा तो प्राइवेट हैंडल कर रही है तो गवर्नमेंट बोलती है भैया फिर मैं मैं इसके अंदर में पैसा क्यों मैं रादर इस को गवर्नेंस के लिए यूज करूं लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज करूं मैं इसको बेचू इसमें से डाइवेस्टमेंट करूं पैसा निकालू पैसा निकाल के कहीं और बेटर ऑप्शन के लिए मैं यूज करूं यस अडॉप्टेड वेन टर्न अराउंड अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल जब टर्न अराउंड प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल ये रेडी हो जाता है अडॉप्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन परसिस्टेंट निगेटिव कैश फ्लो सीवियरिटी ऑफ कम्पिटेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड एंड लास्ट लिक्विडेशन द मोस्ट एक्सट्रीम एंड मोस्ट डेंजर बिजनेस ही बंद कर देना बिजनेस ही क्या कर देना बंद कर देना लिक्विडेट कर देना बिजनेस क्लोज कर देना किसने कर दिया भाई साहब रिलायंस कम्युनिकेशन ने मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनैक्टिव इज लिक्विडेशन स्ट्रटेजी विच इन्वॉल्व क्लोजिंग डाउन अ फर्म एंड सेलिंग इट्स अट्स ये द लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंस बायर आर डिफिकल्ट टू फाइंड क्योंकि जो कंपनी डूब रही है उसके लिए बायर मिलेगा कहां से सो बायर आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड प्लान लिक्विडेशन ध्यान से सुनिएगा रीप मैक्सिमम बेनिफिट अगर लिक्विडेशन एक प्लान लिक्विडेशन रहा तो इट मे रीप मैक्सिमम बेनिफिट इट मे रीप मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है सर डन बेटा एंड लास्ट के ऊपर आते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर किसके ऊपर आते हैं बेटा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या होती है अगर एक कंपनी ने एक टाइम में स्टेबिलिटी ग्रोथ एक्सपांशन या टर्न अराउंड इनमें से कुछ भी कर दिया तो आप नथिंग बट कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर रहे हो मिक्स ऑफ टू और मोर स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन इज कम्पोज एट डिफरेंट बिजनेस लेवल अब रिलायंस कुछ चीजों को बंद कर सकता है कुछ चीज़ में एक्टिवली आगे बढ़ सकता है और कुछ चीजों को छोड़ सकता है ये क्या कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटी को क्या कर रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं दैट्स इट चैप्टर यही खत्म हो जाता है मैं साथ साथ में आपको मस्त दिखाना भी चाहूंगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी उत्तरी आज अभी इंटरनेट भी सर्चिंग फॉर इंटरनेट आएगा वापस दिखा देता हूं गरीब आदमी भाई वाईफाई के भरोसे रहना पड़ता जीवन में वाईफाई के भरोसे रहना पड़ता जीवन में रियल लाइफ में वाइफ के भरोसे और इस जिंदगी में वाईफाई के भरोसे जरूरत है देश की जरूरत है सो so, ये था बेटा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ चैप्टर को आप क्विक रिवाइज कर सकते हो इस चार्ट के थ्रू चैप्टर को आप क्विक रिवाइज कर सकते हो इस चार्ट के थ्रू और हमारा एक और चैप्टर यहां पे खत्म होता है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके जल्दी से बताओ इज दैट वर्थफुल मजा आ रहा है सारी चीजें रिवाइज हो रही है देखिए मैराथन है इतना तो कंफर्म है मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता बट हांट फटाफट फटाफट रिवाइज करवा सकता हूं आप जो नोट यूज कर रहे हो मेरे यूज कर रहे हो किसी और टीचर के यूज कर रहे हो ये मैराथन को यूज कर सकते हो यस ये मैराथन को यूज कर सकते हो आप मोड्यूल से पढ़ रहे हो इस मैराथन को यूज कर सकते हो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे जल्दी से बताओ यस ये बच्चा सर भगवान इतना गरीब सबको बनाया नालायक लड़के यस yes. चलो बेस्ट बढ़ते आगे बढ़ते आगे जैसा कि मैंने आपसे कहा था प्रभु जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी अभी चैप्टर को पढ़ने का एक सीक्वेंस है चैप्टर नंबर वन आपको बताएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है यहीं से आपको पता चलेगा तीन लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होती है चैप्टर नंबर थ्री आपको बताता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा होता है फिर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में से अलग अलग एनालिसिस करते हो कुछ इंटरनल एनालिसिस कुछ एक्सटर्नल एनालिसिस ये दो आपके मैराथन नंबर वन में आपको देखने को मिल जाएंगे आप जाकर के देख सकते हो इसके बाद तीन लेवल है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जो अभी अभी हमने खत्म करी नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और आखिरी में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी यानी ये तीन चैप्टर आप बिल्कुल कंटीन्यूअस पढ़ेंगे ये तीन चैप्टर आप बिल्कुल कंटीन्यूअस पढ़ेंगे वी हैव डन विथ आउट ऑफ 8 टॉपिक्स प्रभु आउट ऑफ 8 टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन विथ 1 2 3 4 आधा सिलेबस हमने खत्म कर दिया है ऑलरेडी आधा सिलेबस खत्म कर दिया है अब बढ़ते हैं आगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की ओर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ अगेन ये चार्ट आपको कहा मिल सकते हैं मैं दोनों बात बता दू ये चार्ट आपको कहा मिल सकते हैं आप ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो आठ पेज के अंदर में पूरा चैप्टर डन है मैच कर लेना आपके मॉड्यूल के साथ इनफैक्ट आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बुक भी ऑर्डर कर सकते हो जिसमें मोर देन थ्री हंड्रेड सोल्ड क्वेश्चन कवर है जिसमें सोल्व क्वेश्चन कवर है और इसके रिलेटेड एमसीक्यू का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा देख लेना काम खत्म यस राइट थैंक यू सो मच खुशी आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की ओर येस सो लेट स्टार्ट अनादर रिविजन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है देखिए कॉर्पोरेट लेवल ने डिसाइड कर दिया स्टेबिलिटी पे रहना है ग्रोथ पे जाना है रिट्रेंचमेंट पे जाना है या कॉम्बिनेशन पे जाना है मालिक उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भैया कौन से लेवल पे आपको जाने का है अकॉर्डिंगली बिजनेस लेवल दैट इज मिड लेवल को क्या मिल जाएंगे टारगेट मिल जाएंगे कि आगे इनको क्या करना है मिड लेवल को क्या मिल जाएंगे टारगेट मिल जाएंगे कि इनको आगे करना क्या है लेकिन मिड लेवल को एक्चुअली आपके विजन स्टेटमेंट को वर्ड्स में नहीं एक्चुअल में कन्वर्ट करना होता है और यहां जब आप इंप्लीमेंटेशन करने जाते हो तब आते चैलेंजेस कॉर्पोरेट लेवल दैट इज टॉप लेवल ने तो आके बोल दिया मेरे को इस महीने इतने का सेल्स चाहिए मेरे को इस महीने इतने का सेल्स चाहिए लेकिन एक्चुअल सेल्स जो करते हैं वो तो मिड लेवल मैनेजमेंट होते हैं और उनको लोअर लेवल से काम करवा करके लेना है यानी अल्टीमेटली टॉप और मिड के बीच में टॉप और लोअर के बीच में पिस्ता कौन है मिड लेवल मैनेजमेंट और मिड लेवल मैनेजमेंट कई तरीके के फोर्सेस को झेलते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं यानी मिड लेवल मैनेजमेंट को सबसे पहले अपने फोर्सेस समझने होते हैं और इन फोर्सेस के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है कमॉन वापस से इन्हें कई फोर्सेस झेलने होते हैं और इस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है इन्हें कई फोर्सेस झेलने होते हैं और इस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है आपने मेरे हाथों पर ध्यान दिया मैं बार बार इधर पांच और इधर तीन कर रहा हूं कुछ लॉजिक है इसके पीछे इन्हें कई फोर्सेस झेलने होते हैं और कई स्ट्रैटेजी बनानी होती है इस पूरे चैप्टर में एक ही आदमी का नाम ध्यान रखना माइकल पॉटर आंसर में आए लिख देना हैरी पॉटर पॉटर का भाई माइकल है। है है। है। होते, होते हैं जब ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो पांच फोर्सेस को झेलना पड़ता है कितने फोर्सेस को झेलना पड़ता है पांच फोर्सेस को झेलना पड़ता, पड़ता है कितने फोर्सेस को झेलना पड़ता है बोलो जल्दी से पांच फोर्सेस को इनको झेलना पड़ता है और इन पांच फोर्सेस को झेलने के कारण ए, कारण ही ये एक अलग स्ट्रेटजी बना पाते हैं एक मिनट के लिए वाईफाई आया तो मैं बोला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज भी आपको मॉड्यूल के थ्रू करवा दूं। जरा इधर देखना बेटा यही चार्ट आपने भी बनाया है क्या पहला स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी उसके बाद ग्रोथ ग्रोथ के अंदर में इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल हॉरिजेंटल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरिट वर्टिकल के अंदर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड आहो साथ साथ में मर्जर्स अलायंस रिट्रेंचमेंट के अंदर में टर्न अराउंड डिसइनवेस्टमेंट लिक्विडेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी एज इट इज आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर कर रहे प्रभु पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर कर रहे वेरियस कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के अल्टरनेटिव अब आते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे ऐसा ही एक चार्ट बना के दूंगा चार्ट के अंदर में सब कुछ कवर हो जाएगा यस ध्यान दो सुनना अपने हैरी पॉटर के भाई माइकल पॉटर कहते हैं माइकल पॉटर कहते हैं देर आर फाइव फोर्सेस

कोई भी बिजनेस पांच फोर्सेस से अफेक्ट होता है कोई भी बिजनेस पांच फोर्सेस से अफेक्ट होता है और इन फोर्स का इंपैक्ट कम से कम हो इसके लिए तीन स्ट्रेटेजी है कुछ समझ में आया इसके लिए कितनी स्ट्रेटेजी है तीन स्ट्रैटेजी है तो पांच फोर्सेस है तीन स्ट्रैटेजी है बस चैप्टर खत्म हो जाएगा इन पांच फोर्सेस को पढ़ो तीन स्ट्रैटेजी को पढ़ो चैप्टर खत्म हो जाएगा सर पांच फोर्सेस कौन कौन से है एक डायग्राम आपको ये पांच फोर्सेस बताएगा सबसे पहले राइवल्स बिजनेस किससे इंपैक्ट करता है सबसे पहले राइवल मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए पूरा चैप्टर हाथों में हो सकता है सबसे पहले राइवल आपको नहीं लगता पे कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है तो राइवल स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करके हम अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर कौन डालता है बेटा राइवल डालता है सर हमें भी लिखना है क्या आप चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो यहां पे लिखा हुआ भी है चार्ट बनाया हुआ है बस आपको थोड़ा सा यू नो मेरे को भी पढ़ाने की आदत है तो वो लिखना थोड़ा सा मजा आता है तो बस उसके लिए अदरवाइज आपका चार्ट ही काफी आपको सब कुछ कराने के लिए पांच फोर्सेस पहला फोर्स है बेटा राइवल राइवल आपके ऊपर कंसिडरेबल प्रेशर क्रिएट करता है दूसरा दूसरा सप्लायर्स बार्गेनिंग पोजिशन सप्लायर्स बार्गेनिंग पोजीशन सप्लायर मतलब कौन जो मुझे प्रोडक्ट देता है जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूं उसके अलग नखरे उसके अलग नखरे सपोज उसने अगर सप्लाई देना बंद कर दिया मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ जाएगा उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर वो निगोशिएट करने को रेडी नहीं है और उसके अलावा मैं ये प्रोडक्ट किसी और से नहीं ले सकता तो मुझे बाय डिफॉल्ट में झुकना पड़ेगा मतलब सप्लायर अपने तरफ से एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है बिजनेस के ऊपर से यस फिर आता है बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन फिर आता है बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन ये बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन क्या होता है भाई साहब ये बायर्स बारगेनिंग पोजीशन क्या होता है सर जो मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है मेरा कंज्यूमर है ये भी तो अलग अलग प्रेशर लगाता है अब आपने तो वो पापा की परियों को देखा ही होगा पहली बार दुकान में जाती है पहली बार दुकान में जाके कोई प्रोडक्ट पसंद आया भैया प्राइस कम के जाना भैया मैं तो आपकी डेली कस्टमर हूं जिंदगी में पहली बार ये परी पापा की परी कहां गई होगी दुकान में गई होगी बट फिर भी कैसा कर रहा हो भैया आप थोड़ा तो प्राइस कम करो मेरी स्माइल देख के तो कम कर लो आपने देखी वो पापा की परी वाली तो वो बोलेगी भैया मेरा प्राइस थोड़ा तो थो कम कर दो ये कर दो पापा की परिया क्या है पहली बार शॉपिंग पे जाती है तो ऐसी हरकतें करती है राइट भैया ये तो कैसा लग रहा है अच्छा शौक तब लगता है जब पापा की परिया कह दे ये व्हाइट में थोड़े से कलर दिखाना वाला व्हाइट में भी कलर होते हैं लड़के इस बात को कोई इनसाइड नहीं करेंगे लड़के बोलेंगे व्हाइट में कैसे कलर होते हैं पर लड़कियों से पूछो व्हाइट में भी कलर होते हैं ऑल द गर्ल्स इन इन द मैराथन क्या वाइट में भी कलर होते हैं अभी देखो ये बता सकते हैं लड़कों को नहीं समझ में आता अबे तुम तुम कपड़े कौन से पहनते हो तुम, तुम्हारे अंदर कपड़े पहनने का कुछ है लड़कों के कपड़े होते क्या है या तो ये कॉलर वाला टी शर्ट या तो राउंड वाला टी शर्ट या तो वी वाला टी शर्ट खत्म तुम्हारी जिंदगी यही खत्म है लेकिन उनके टी शर्ट में भी वैरायटी होती है बेटा ये देखो ऑफ वाइट रहे हो व्हाइट में भी अलग अलग केस है बेटा ऑफ व्हाइट लड़कियां कह रही है हाँ सर होते हैं आपको थोड़ी समझता आप कुछ भी बात करते हैं आपको थोड़ी समझता है कि व्हाइट में कलर होते हैं व्हाइट में कलर होते हैं व्हाइट में कैसा कलर होता है भाई जीवन में कौन सा कलर होता है व्हाइट में कौन कौन से कलर होते हैं मुझे बताओ अच्छा पैटर्न्स होते हैं देखो एक लड़की का हट हो गया सर पैटर्न्स होते हैं अरे कलर की बात चल रही दीदी अच्छा हाँ तो होते हैं तो बताओ ना जैसे व्हाइट के अंदर में एक हो गया ऑफ वाइट स्नो व्हाइट ओ भाई साहब स्नो व्हाइट नाम की भी कोई चीज होती है सिमरन कह रही है हमारी स्नो व्हाइट नाम की भी कोई चीज होती है मिल्की व्हाइट ओ भाई साहब मिल्की व्हाइट स्नो व्हाइट व्हाइट और कोई भी वाइट होता है धरती पे और कोई भी व्हाइट होता है क्रीम व्हाइट ऑफ वाइट तो अब क्या होता है बायर अपने अलग बार्गेनिंग पावर अब वो लड़की ने सपोज दो टॉप खरीद लिया बात समझ रहे कितना सारा मटेरियल ले रही हूं आपके पास से आप कम भी नहीं कर रहे हो आप बात समझ रहे बायर अपना अलग बार्गेनिंग पावर अच्छा चलो दुकान वाले ने पचास सौ रुपए इसकी शक्ल देख के कम कर भी दिए तो क्या करेगी मैडम अपना मस्त ऐसा मोबाइल निकालेगी वेबसाइट पर जाएगी ऑनलाइन राइट right? नायका के ऊपर या फिर कोई ऐसे आजियो के ऊपर बोले कि भाई ऑनलाइन तो ये देखो ये इतने में मिल रहा है आप ऑनलाइन प्राइस तो करो इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती घर पे आ जाते मैं इतनी दूर चल के क्यों आई हूं अल्टीमेटली आप बात समझो अच्छा यहां पर कुछ और वाइट भी आ गए तुतसी क्रीमिश कलर पेल व्हाइट डार्क व्हाइट फेर फेंट वाइट देखो भाई इतने सारा के वाइट होते हैं और लड़की कहेगी कि भैया और कम करो मतलब बायर अपने तरफ से एक अलग प्रेशर लगा रहा है आप बात समझ रहे हो बायर अपने तरफ से एक अलग प्रेशर लगाया जा रहा है जीवन के अंदर में व्हाट इज दैट बायर्स बार्गेनिंग पोजिशन अब इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है फिर क्या करना पड़ता है इनको सौ रुपए के प्रोडक्ट को दो सौ रुपए दिखाना पड़ता है फिर दीदी आती है डेढ़ सौ रुपए में लेकर के जाती है ऐसे आपको क्या करना पड़ता है स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है तो पांच फोर्सेस है पहला फोर्स राइवल दूसरा सप्लायर्स जो मुझे देता है सप्लायर्स बार्गेनिंग पोजीशन बायर जो मुझसे लेता है बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंस थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्री थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री अचानक से कोई व्यक्ति नया बिजनेस के अंदर में आ जाएगा अचानक से कोई व्यक्ति नया बिजनेस के अंदर में आ जाएगा थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्री कैन यू टेल मी रिसेंटली एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा कि हम एयरलाइन बिजनेस में आएंगे और एक बड़ी कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्वायर किया है एयरलाइन बिजनेस में आने के लिए क्या आपको आइडिया है और अगर है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको आइडिया है और अगर है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बोलो बोलो राकेश झुंझवाला सर ने कहा हम लो बजट एयरलाइन लेके आ रहे हैं इसी टाइम पे क्या हो गया टाटा भी आ गया अब ये किसको थ्रेट है दीज आर न्यू एंट्री किसको थ्रेट है इंडिगो को थ्रेट है स्पाइस जेट को थ्रेट है ग्लोबल ग्लोबल एयरलाइंस को थ्रेट है क्योंकि टाटा एक टाइम पे ऑलरेडी एयरलाइन इंडस्ट्री को रूल कर चुका है अब इतने सालों बाद टाटा को अपना प्राइड वापस मिला है महाराजा वापस आए हैं महाराजा पता है आपको महाराजा एयर इंडिया के टाइम पे यूज होने वाला एक कैरेक्टर था इसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं ये लोग वापस से रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत फेमस था और टाटा ने एक टाइम पे लीड किया है सिंगापुर एयरलाइंस ने भी टाटा की मदद ली थी बेस्ट बनने के लिए और अब टाटा वापस आ रहा है तो एक बिजनेस को थ्रेट आ गया होगा अब जितनी कंपनीज होगी इंडिगो स्पाइस जेट या ऐसी जितनी कंपनीज होगी ये सारी कंपनी को अब आ गया है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री क्या आ गया है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री सर क्या हम ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो सर क्या ये मैराथन क्या ये मैराथन दिसंबर वाले देख सकते हैं मई ट्वेंटी टू नवंबर ट्वेंटी टू वाले देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हो भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चेंज नहीं आता दो हजार तेवीस में भी अगर आप ये मैराथन देख रहे हो तो बिल्कुल सही मैराथन है क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चेंज नहीं आता लाइक डी टी आई डी टी यहाँ पे चेंज नहीं आता यहाँ पे कंटेंट सेम है तो जब तक अब आपका सिलेबस नहीं बदलता तब तक के आपके लिए मैराथन वैलिड मैराथन है यस yes. क्या सी एस ए वाले भी देख सकते हैं सेम सिलेबस सीएस वाले भी देख सकोगे तो सीए सी एस ए वाले सेम कॉन्टेंट है जहां जहां पे आपका कॉन्टेंट आ रहा है आप ले लो यस yes. तो अब आते हैं पांच फोर्सेस पहला फोर्स राइवल दूसरा फोर्स सप्लायर बार्गेनिंग पोजिशन बायर बार्गेनिंग पोजिशन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री और अब आता है पांचवा फोर्स थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या बेटा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट सब्स्टिट्यूट का थ्रेट किसका थ्रेट बेटा सब्सटीट्यूट का थ्रेट अब देखिए सीजन टू सीजन हो सकता है आपका सब्सटीट्यूट बदल जाए जिन लोगों को चाय से मोहब्बत है हो सकता है गर्मियों में वो कोल्ड ड्रिंक रू अफजा या ऐसी नींबू निम्बु पानी नींबूज के ऊपर चले जाए थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यस सर पेप्सी के जगह पे कोला पीना ये सब्सटीट्यूट नहीं होता चाय के जगह पे ठंडा पीना ये सब्सटीट्यूट होता है है ना ठंडे के जगह पे छाछ पीना ये सब्सटीट्यूट होता है अमूल की लस्सी पीना ये सब्सटीट्यूट होता है सो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट अपना एक अलग प्रेशर क्रिएट करके रखता है राइट थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट अपना एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है और ये पांच फोर्सेज है जो बिजनेस लेवल के ऊपर क्या करते हैं इंपैक्ट करते हैं इनकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर ये इंपैक्ट करते हैं है। इनकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर ये इंपैक्ट करते हैं सो दीज आर फाइव फोर्सेस चैप्टर देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है फाइव फोर्स और तीन जेनेरिक स्ट्रैटेजी अब इन पांच फोर्सेस से लड़ने के लिए हमारे पॉटर भाई साहब कहते हैं इन पांच फोर्सेस से लड़ने के लिए पॉटर भाई साहब कहते हैं तीन जेनेरिक स्ट्रेटजी दे रहा हूं आप ये पूछेंगे ये जेनेरिक का मतलब क्या होता है बेटा जेनेरिक का मतलब होता है जनरल जेनेरिक का मतलब क्या होता है जनरल जनरल स्ट्रेटजी जो हर बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है इसमें तीन चीजें हैं एक कॉस्ट लीडरशिप दूसरा कॉस्ट लीडरशिप दूसरा डिफ्रेंसिएशन तीसरा फोकस कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंसिएशन फोकस कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंसिएशन फोकस बेटा? ये तीन जेनेरिक स्ट्रेटजी है फोकस में भी दो पार्ट फोकस कॉस्ट लीडरशिप फोकस डिफरेंशिएशन बना लो ये बनाना है तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप फोकस डिफ्रेंसीशन If this is done चलो जी आइए पांच फोर्सेस और बाद में तीन स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे चैप्टर ओवर हो जाएगा सबसे पहला फोर्स थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्री थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्री एग्जांपल लिख दो टाटा इन एयरलाइन अब जितने भी थ्रेट किसको है इंडिगो स्पाइस जेट इनको यह थ्रेट है क्यों थ्रेट है क्योंकि जब नया व्यक्ति आएगा अब सोचिए टाटा आएगा और इनको एग्जिस्टिंग फॉर्म से कॉम्पीट करना है तो जाहिर सी बात है टाटा नए नए ऑफर लेके आएगा टाटा नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आएगा टाटा नए यू नो नया प्लान लेके आएगा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर के आएगा नया कैपिटल इन्फ्यूजन लेकर के आएगा राइट right. यानी टाटा नई टेक्नोलॉजी लाएगा नया पैसा लाएगा नया ऑफर लाएगा ऑफर अगर लेकर के आएगा और जाहिर सी बात है टाटा आ रहा है तो सब लोग एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे ये क्या करेगा ये थ्रेट क्रिएट करेगा मार्केट में सस्ते में बेचेगा जैसे ही सस्ते में बेचेगा अल्टीमेटली दूसरों को अपने प्राइस और कम करने पड़ेंगे तो इट विल क्रिएट अ थ्रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस अब स्ट्रैटेजी बनाना किसको है स्ट्रैटेजी बनाना है बिजनेस लेवल वालों को इंडिगो के स्पाइस जेट के समझ में आ रही बात टू रिड्यूस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री क्या करता है इट रिड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे एड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी ये नए प्रोडक्शन कैपैसिटी एड करेंगे तो जाहिर सी बात है ओवरऑल प्रोफिटेबिलिटी रिड्यूस करेंगे टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंथ न्यू बैरियर आर मेड ऐसे ही न्यू एंट्री को डिस्करेज करने के लिए क्या किया जाता है कुछ कॉमन बैरियर लगाए जाते हैं क्या लगाए जाते हैं बोलो जल्दी से कुछ कॉमन बैरियर लगाए जाते हैं कौन कौन से बैरियर कॉमन बैरियर है पहला ऐसे बिजनेस में, चल में चले जाओ जिसका कैपिटल रिक्वायरमेंट ही हाई हो ऐसे बिजनेस में चले जाओ जिसका कैपिटल रिक्वायरमेंट ही हाई हो एयरलाइन अगर एयरलाइन सस्ता बिजनेस होता तो आज तक के इंडिया के कई लोग इस बिजनेस में जा चुके होते लेकिन एक बैरियर तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ही है हर कंपनी इसके अंदर में जा नहीं सकती क्योंकि इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत यूज है दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल पार्ले पार्ले इकोनॉमीज ऑफ स्केल सर कैसे पार्ले ने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा चुका है इतने मास प्रोडक्शन करता है कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट पार्ले की बहुत कम हो जाती है अब दूसरा बिस्किट वाला कोई नया कंपनी जो बिस्किट लेकर के आएगा इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगा आठ रुपए नौ रुपए यहां पार्ले जी फेमस बिस्किट जो ऑलमोस्ट हर बच्चे ने पैदा होते खाया ही होगा जाहिर सी बात है वह चार रुपए में बिस्किट दे रहा है और तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्टिंग आठ रुपए नौ रुपए होगा क्या आप सरवाइव कर पाओगे आंसर इज नो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना बढ़ा दो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना बढ़ा दो कि ऑटोमेटिकली एंट्री बैरियर हो जाए प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एप्पल प्रोडक्ट ही ऐसा कर दो कि लोग कंपीट ही ना कर पाए आज एंड्रॉइड के साथ आप देखो बहुत सारे कंपटीशन है एप्पल के साथ कंपटीशन को थ्रेट है क्योंकि एप्पल को कंपटीशन ही नहीं ओएस में वो अकेला ऑपरेट कर रहा है वो अकेला ऑपरेट कर रहा है तो डिफरेंसिएशन लेके आ जाओ दूसरे कंपीट करने से पहले अपना दामन छोड़ दे स्विचिंग कॉस्ट हाई कर दो अगेन एप्पल स्विचिंग कॉस्ट ही इतना हाई रखो कि लोग टर्न होने से मना कर दे फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल का मोबाइल ले लो और उसके बाद एक साल बाद ही आपको कोई दूसरा मोबाइल लेना है आप नहीं ले पाओगे स्विचिंग कॉस्ट ही हाई है आपने एक लाख तीस हजार रुपये का एप्पल फोन लिया होगा आप दूसरा फोन लोगे नहीं स्विचिंग कॉस्ट ही हाई कर दो एप्पल का लैपटॉप ले लो आप दूसरे लैपटॉप पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे आप बोलोगे कि यार क्या है जीवन में क्या करूं मैं जीवन में ब्रांड आइडेंटिटी बड़ी कर दो मैगी आप कुछ भी खा लो कोई भी नूडल्स के बारे में सोच लो आप मैगी नाम लोगे उसका बिस्लेरी पानी मतलब बिस्लेरी क्यों है ऐसा ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस बढ़ा दो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर हर किराना दुकान में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही इतना हाई है अब कोई नई कंपनी आना भी चाहती है इन बिजनेस के अंदर में कोई सादी साबुन सोड़ा वाली कंपनी वो आना भी चाहती है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना बड़ा कर ही नहीं सकती जितना बड़ा एचूएएल का एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव सेलिंग आपके सेलर इतने अग्रेसिव होते हैं कि आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सो जनरली थ्रेट न्यू एंट्री क्या थ्रेट लेके आता है इंडस्ट्री का प्रॉफिट रिड्यूस कर देता है इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए कुछ कॉमन बैरियर लगाना चाहिए ये कुछ कॉमन बैरियर है एक और बार रीड करें इसे ये कुछ कॉमन बैरियर है जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री को रोक देते हैं यस yes. चलिए जी दूसरा आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बायर का बार्गेनिंग पावर बायर का बार्गेनिंग पावर मतलब जो हमारे कस्टमर है कस्टमर हमसे कब बार्गेन करते हैं जब उसको मार्केट का पूरा नॉलेज हो यस yes, उसको मार्केट का पूरा नॉलेज अब कैसे होगा जरा समझिएगा जैसी दीदी -दी दुकान में आया आपने कुछ सेलर को देखा होगा जबरदस्त सेलिंग करते हैं सर जबरदस्त सेलिंग करते हैं यस yes, जैसी कस्टमर अरे मैडम आइए 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 बेटी मैडम बैठिए बैठी बैठिए बैठी और बताइए क्या लेंगे आप और बताइए क्या लेंगे मैडम आप राइट मैडम कहती है मुझे नया क्लच दिखाना पर्स दिखाना मुझे पार्टी में जाना है अरे छोटू वो कल माल आया ना चल निकाल जल्दी से माल आया कल लेके आ मैडम के लिए स्पेशल लेके ठंडा लेंगे मैडम चाय लेंगी चाय लेंगी मैडम आप अभी दे देते छोटू नया पर्स मैडम ये पर्स देखो आप कहीं जाओगे चार लोग आपको पूछेंगे किधर से लिया दुकान अपना बताना प्राइस क्या है अरे मैडम प्राइस का छोड़ो आप आपको एक और चीज दिखाता आप प्राइस का छोड़ो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं आपको मजा आ जाएगा चीज देखो बाकी क्या रखा है प्राइस में क्या रखा है छोटू वो उधर कल कलकत्ता कल, से माला है वो ले क्या वो ले क्या, वो क्या? वो क्या? वो उसमें ब्लैक कलर पड़ा है वो ले क्या दुकान वही रहती है बट बायर क्या करता है बार्गेनिंग पावर करेगा ही करेगा अब वो इसको तीन चार चीजें दिखाता है मैडम ये देखो वो देखो वो देखो वो तीन चार चीजें देख लेता है वो तीन चार चीजें देख लेता है यस yes, वो तीन चार चीजें देख लेता है तो ऐसे केसेस के अंदर में ऐसे केसेस के अंदर में अब जब उसने क्वांटिटी में बाय कर लिया जब उसने क्वांटिटी में बाय कर लिया अब वो डिस्काउंट मांगेगी दूसरी बात जैसे इसने बोला ये वाला पर्टिकुलर बैग चार सौ रुपए का अगर उसको नॉलेज है कैसी बात कर रहे हो भैया दो सौ रुपए में पूरे मार्केट में मिलता है यानी अगर बायर को मार्केट के बारे में नॉलेज है वो क्वांटिटी वाला बायर है मार्केट के बारे में नॉलेज है क्वांटिटी वाला बायर है ऐसे केस में वो अपना बायर बार्गेनिंग पोजीशन जरूर यूज़ करेगा वो जरूर यूज करेगा तीसरी चीज अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है आपने उसको चार पर्प दे अरे मैडम मैं आपको एक बात बताता हूं देखो ये तो हो गया कहा पार्टी वार्टी के लिए अब मैं आपको बताता हूं आप कभी अगर इधर उधर जाते हो यू नो एक छोटा सा हैंड बैग चाहिए मोबाइल वोबाइल चाहिए एक मिनट रुको ये वाला पर्स देखो जबरदस्त पर्स है जबरदस्त पर्स है आप कभी भी इसमें मोबाइल रख सकते हो रील्स वील्स बनाओ ऐसा रख के जबरदस्त हिट लाइक आएंगे रील्स वील्स बनाओ मजा आएगा थोड़ा सा ऐसी चीजें करो थोड़ा जरा ये राइट right? यहां पे एक लड़की कह रही है सर आ, कई दुकानों में बोर्ड लगा हुआ होता है कस्टमर इज किंग एंड किंग नेवर बार्गेन फालतू की बात है किंग ऑलवेज बार्गेन नहीं तो वो किंग नहीं बनता अगर कोई किंग है विदाउट बार्गेनिंग तो वो किंग नहीं है आओ इधर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बायर भी कंसिडरेबल क्या करता है प्रेशर क्रिएट करता है समटाइम अ अंसिडरेबल प्रेशर टू द एग्जिस्टिंग फॉर्म कैसे पता चलता है बायर है फुल नॉलेज अगर बायर को पता है कि यही प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी दुकान में कितने का मिलेगा वो आपको प्राइस कम करने पे मजबूर करेगा ही करेगा यस बिग बायर जो बल्क में परचेस कर रहे हैं यस yes, वो बोलेंगे तो अपनी दीदी तो बोलेगी ना पापा की परी तो बोलने वाली है कैसा कर रहा हो भैया मैं आपके पास एक प्रोडक्ट लेने आई थी अब मैं चार प्रोडक्ट ले रही हूं अब आपको कम करना ही पड़ेगा नेक्स्ट नॉट परसिव एज क्रिटिकल टू बायर नीड अब मान लीजिए वो एक पर्स लेकर के जा रही है आपने बोला बारह सौ लड़की कहती है अब आपको तो पता है लड़कियों का बार्गेन करना कैसा होता है बारह सौ की जगह ये तो सीधा एक सौ बीस रुपये ही बोलती है यस yes, सपोज लड़की बोलती है भैया ग्यारह सौ में दे दो बोलता तो अरे मैडम मैंने कुछ नहीं कमाया है आपसे कुछ कमाना ही नहीं है मेरे को तो भैया एक काम करो ना मुझे कॉस्ट पे दे दो फिर आपको मेरे से कमाना ही नहीं है तो क्या मतलब है अरे मैडम इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉस में भेज दूंगा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ठीक है नहीं भैया आपको इतने में देना पड़ेगा मुझे नहीं पता आपको इतने में देना पड़ेगा आप दे रहे हो तो ठीक है नहीं तो ओके ये वाला पर्स कैंसिल कर दो ये दो मैं लेके जा रही हूँ अगर ये उसकी नीड नहीं है तो बायर बोलेगा भैया बेतना है तो बेच नहीं बीतना मत बेच इफ इट इज नॉट परसिवड एज अ क्रिटिकल नीड एंड ईजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट अगर बायर के पास सब्सटीट्यूट ईजीली अवेलेबल है तो वो ईजीली स्विच कर जाएगा यस बेटा चलिए ये दो पॉइंट को एक बार वापस से रिकॉल करो और आगे के दो पॉइंट पढ़ो आगे पढ़ने से पहले पहले आप खुद रीड करो फिर मजा आएगा आगे के दो पॉइंट रीड करो देने जी पढ़ लिया पूरा चलो आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो चीज हमें सप्लाई करते हैं जो लोग हमें सप्लाई करते हैं अगर उन बार्गेनिंग पावर क्या प्रेशर हो सकता है yes. यस अब सोचिए कोविड के सिचुएशन के अंदर में क्या हुआ था हम सबने देखा कुछ ही हॉस्पिटल थे जिनके पास बेड थे उनने जो प्राइजेस मंगा लोगों ने वो प्राइजेस दिया कुछ ही हॉस्पिटल थे जिनके पास वैक्सीन थे उन्होंने जो प्राइस बोला लोगों ने वो प्राइस पे किया वैक्सीन के लिए यानी जब सप्लायर लिमिटेड हो या प्रोडक्ट लिमिटेड हो तो ऐसे केस में सप्लायर अपना बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज करता है यस सो फॉर एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन सप्लायर कैन कमांड अ बार्गेनिंग पोजिशन वेन प्रोडक्ट आर क्रूशल एंड सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल प्रोडक्ट अगर क्रूशल है और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है इसके अलावा इसकी जो स्विचिंग कॉस्ट है यह बहुत हाई है तो हो सकता है ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन बायर अगर सेलर है आपने अपने दुकान अपने घर वालों के आसपास देखा होगा कोई एक ऐसी दुकान होती है जो जिसके पास हमेशा कस्टमर होते ही होते हैं जनरली होलसेलर वाला आप उसके पास जाते हो उसके पास जाकर के बोलते हो कि सर मेरे को ये एक प्रोडक्ट दे दो वो दे दो दस का पैकेट है वो बेचता है आप उसके पास जाके एक दो मांग रहे हो वो बोलेगा दस का पैकेट सौ रुपए का ये एक आध आपको लेना है तो तीस रुपए का पड़ेगा बोलेगा सर ऐसा नहीं कम देखो मैडम लेना है तो लो हमारे पास सही में टाइम नहीं है लेना है लो नहीं लेना है मत लो मतलब अगर सेलर की नीड नहीं है और सेलर जानता है कि बायर की ये नीड है वो लेगा ही लेगा तो सेलर अपना बार्गेनिंग पावर जरूर यूज करेगा सेलर अपना बार्गेनिंग पावर जरूर यूज कर गया रिसेंट एग्जाम्पल कोविड वैक्सीन यस देन राइवल इन इंडस्ट्री आप कुछ राइवल देखें पार्ले ब्रिटानिया जियो एयरटेल राइवल है इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे राइवल जैसी कोई चेंज करता है वैसी कोई स्ट्रेटेजी आएगी जियो ने कोई नया प्लान लेकर आया एयरटेल कोई नया प्लान लेकर के आएगा एयरटेल कोई नया प्लान लेकर के आया जियो सिमिलर टाइप का है उससे ज्यादा बेनिफिशियल प्लान लेकर आएगा क्योंकि राइवल के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करना पड़ता है चलाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे आपको ये चीजें करनी पड़ती है द इंटेंसिटी ऑफ राइवल इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिविलिटी ऑफ राइवल कैन इंफ्लुसिव द राइवल राइव जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंडस्ट्री उतनी कम अट्रैक्टिव होगी क्योंकि खुद दोनों एक दूसरे के साथ प्राइस में इतना ज्यादा खेलेंगे कि इंडस्ट्री ही अनप्रॉफिटेबल बना देंगे थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट द लास्ट थिंग थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट सब्सटीट्यूट थ्रेट क्रिएट करता है कि भैया कहीं लोग ने चाय छोड़ करके कुछ इन तरह की, की चीजों पे शिफ्ट हो गए तो हालांकि थ्रेट इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट क्रिएट नहीं करता जितना बाकी करते हैं बट थ्रेट कुड ऑल्सो भी अ सब्सटीट्यूट सब्स्टिट्यूट कुड ऑल्सो भी अ थ्रेट टू प्रिडिक्ट प्रॉफिट प्रेशर फ्रॉम दीज सोर्सेस फर्म मस्ट सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट परफॉर्म सेम और नियरली सेम फंक्शन एज देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यस चलिए द नेचर ऑफ राइवल्स इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री लीडर नंबर ऑफ कॉम्पिटेटर ज्यादा है फिक्सड कॉस्ट हाई है एग्जिट बैरियर स्लो है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन या स्लो ग्रोथ है तो ऐसे केस में राइवल भी क्या करता है कंसिडरेबल प्रेशर क्रिएट करता है सो दीज आर द फाइव प्रेशर एक बार फिर से देख लीजिए दीज आर द फाइव प्रेशर बहुत ईजी है दीज आर द फाइव प्रेशर जो चलते हैं अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इनसे बचने के लिए माइकल पॉटर ने तीन जेनेरिक है जेनेरिक का मतलब जनरल स्ट्रेटेजी जो हर बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है ये पहला है कॉस्ट लीडरशिप दूसरा है डिफरेंशिएशन तीसरा है फोकस फोकस में अगेन दो पास फोकस कॉस्ट लीडरशिप फोकस डिफरेंशिएशन सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप वो कहता है कि अगर इन सारे थ्रेड को आपको बाजू करके अगर अपने बिजनेस को टॉप बनाना है तो कॉस्ट लीडर बन जाओ क्या बन जाओ कॉस्ट लीडर बन जाओ कॉस्ट लीडर का मतलब क्या होता है कॉस्ट लीडर का मतलब होता है कि आप आप क्या कर दो कॉस्ट कॉस्ट लीडर लीडर बन जाओ किस तरीके से वर्क करता है कॉस्ट लीडर किस तरीके से वर्क करता है कॉस्ट लीडर सबसे कम प्राइस के अंदर में प्रोडक्ट देता है अगर कॉस्ट लीडर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूं तो एम मोबाइल मार्केट में एम कॉस्ट लीडर है बेस्ट कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट बेस्ट कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट लैपटॉप्स के मामले में एचपी कॉस्ट लीडर है एचपी के लैपटॉप आपको बाकी के लैपटॉप से सस्ते मिलेंगे कॉस्ट लीडर है क्या है बेटा कॉस्ट लीडर है वॉच के मामलों में टाइटन वॉच के मामलों में टाइटन कॉस्ट लीडर है टाइटन ने अपने रेंज निकाले हुए फास्ट्रैक एंड अदर Watch के मामले में टाइटन कॉस्ट लीडर कॉस्ट लीडर का मतलब होता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजी तुम कम में बम दो कम में बम दो सबसे सस्ता माल बेचो बेस्ट क्वालिटी के अंदर में अगर आप अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देखोगे तो अमूल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर में बेस्ट कॉस्ट विथ बेस्ट क्वालिटी है इसीलिए आप ऑलमोस्ट किसी भी जगह पे पाव भाजी खाने जाओ आपको बटर तो अमूल का ही मिलेगा बेस्ट कॉस्ट प्लस बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी तो कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है अपनी कॉस्ट को कम रख दो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करो अब कॉस्ट बेस्ट कॉस्ट लीडर अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपनी ओन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी क्योंकि देखो अगर आप सबसे सस्ते में दे रहे हो तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा प्रॉफिट पे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता कि अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम करो ताकि प्रॉफिट मेंटेन रहे ताकि प्रॉफिट मेंटेन रहे यस yes, इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं बी एस हिंदी और मारवाड़ी सिंधी और मारवाड़ी क्योंकि अगर आप देखोगे ना जब ये लोग धंधा करने के लिए उतरते हैं तो ये लोग क्या करते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप किसी भी सिंधी या मारवाड़ी को देखोगे ना जब ये धंधा करते हैं तो इनका धंधे का एक रूल होता है कि भैया ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करें सबसे सस्ते में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें सबसे सस्ते में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें सो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी मीनिंग क्या है भैया लो कॉस्ट प्रोवाइड करो एम एट ब्रॉड मास मार्केट इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों के टारगेट को अचीव करे कुछ पॉइंट जो आपको लिखने ही है एम एट ब्रॉड मास मार्केट यस रिक्वायर कॉस्ट रिडक्शन भैया इनको बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए इनका ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होना बहुत जरूरी है चार्ज अ लोअर प्राइस देन इट्स कॉम्पिटेटर इफेक्टिव एन मार्केट इज कंपोज ऑफ मेनी प्राइस सेंसिटिव बायर यह स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब बहुत सारे प्राइस सेंसिटिव बायर होंगे यस yes. बहुत सारे क्या होंगे प्राइस सेंसिटिव बायर होंगे जिनको प्राइस पे फर्क पड़ता होगा जिनको प्राइस से क्या कर, करता होगा फर्क पड़ता होगा यस yes. चलिए जी आइए आगे एक्शन टू बी टेकन क्या क्या करना चाहिए हमें कॉस्ट लीडरशिप लेने से पहले सबसे पहले डिमांड फॉरकास्ट करो सपोज आपने प्राइस कम कर दिया लेकिन आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं, नहीं है तो कॉस्ट लीडरशिप कभी भी वर्क नहीं करेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप अपने रिसोर्सेज को जितना बेटर यूटिलाइज करोगे आपकी कॉस्ट उतनी ओवरऑल कम हो जाएगी आपने दो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखे हुए एक को कट करो एक ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विथ एफिशियट पीपल रख दो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अपना प्रोडक्शन जितना हाई कर दोगे ओवरऑल कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी प्रोडक्शन जितना हाई कर दोगे ओवरऑल कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी यस मास प्रोडक्शन इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएट आज तक आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हो आप क्या लगा दो सोलर पैनल्स लगा दो जैसे ही आप सोलर पैनल्स लगा दोगे आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी आपका बेनिफिट क्रिएट हो जाएगा एडवांटेजेस क्या है एडवांटेजेस क्या है सर सभी तरीके से आपको एडवांटेज ये पांचों फोर्सेस में आपको एडवांटेज मिलेगा राइवलरी कम हो जाएगी क्योंकि आप कॉस्ट में दे रहे हो बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आपका बेस्ट सर्विस है तो बायर बार्गेन नहीं करेगा सप्लायर के साथ आपके रिलेशन थोड़े से अच्छे रखने पड़ेंगे क्योंकि वो कम अगर प्राइस नहीं बढ़ाए तो ही आप इसे मेंटेन कर पाओगे डिसएडवांटेज क्या है कॉम्पिटिटर में ऑल्सो फॉलो आपने प्राइस कम किया सामने वाला भी कम कर देगा उसको क्या फर्क पड़ रहा है सक्सीड ओनली इफ फर्म अचीव हायर सेल्स ये तभी बेटर है जब फर्म क्या करता है हायर सेल्स अचीव कर लेता है यस कॉस्ट इज लो कॉस्ट कैसी है बेटा इसकी लो और टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो ऐसे केस में कॉस्ट लीडरशिप वर्क नहीं करता ज्यादा वर्क नहीं करता यस yes. चलो जी सर कॉस्ट लीडरशिप अकॉर्डिंग टू पोर्टर गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फ्रॉम थ्री डिफरेंट बेसिस कास्ट लीडरशिप डिफरेंसीड फोकस पोर्टर कॉल डीज एज जेनेरिक स्ट्रैटेजी द टर्म जेनेरिक बिकॉज दे कैन बी परस्यूड बाय एनी वन यस अब आते हैं दूसरा डिफ्रेंसी स्ट्रेटेजी अगर आप कॉस्ट लीडर नहीं बन सकते तो डिफरेंसीएशन कर दीजिए आप कुछ नया प्रोवाइड कीजिए कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कीजिए कुछ नया लेकर के आइए कुछ नया लेकर के आइए इसे हम कहेंगे डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी यस अब कुछ कंपनी जो डिफरेंसिएशन में बिलीव करती है एप्पल एप्पल देन बुगाती देन देन हल्दीराम देन बोलो डिफ्रेंसिएशन में फोकस करती है टाटा स्टील ये ऐसी कंपनी है जो डिफ्रेंसिएशन में फोकस रखती है यह अपने प्रोडक्ट प्राइस कभी कम नहीं करते हैं इनके प्रोडक्ट प्राइस कम नहीं मिलेंगे आपको इनके प्रोडक्ट प्राइस हाई ही मिलेंगे एस कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट बुगाटी कार यश ये, ये सब आपको हाई प्राइस में ही मिलेगी इनके लिए छोटा कस्टमर है ही नहीं जिनको यूनिक चीजें पसंद है डिफरेंट चीजें पसंद है उनके लिए अब अगर आप देखोगे ये एप्पल का आईपैड मेरा काम शायद मेरा काम सैमसंग का आईपैड या कोई दूसरा आईपैड लेकर के भी हो सकता था इसमें क्या डिफरेंट है फील एंड क्वालिटी जहां इसमें आप घंटों लिख लो आपके हाथ नहीं दर्द करेंगे जेन्युनली ऐसा होता है अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टीचर्स मैक्सिमम टीचर्स क्या यूज करते, है? करते हैं एप्पल यूज करते हैं क्यों क्योंकि उनको घंटों पढ़ाना होता है जब इन्हें घंटों तक के पढ़ाना होता है तो जाहिर सी बात है घंटों तक के जब इन्हें पढ़ाना होता है तो जाहिर सी बात है इनको नो हाथ नहीं दर्द करने चाहिए कितने भी देर लिखते हुए हाथ नहीं दर्द करने चाहिए और एप्पल पेंसिल के साथ सबसे सिंपल चीज ये होती है कि आप इसको कितने भी देर लिख लो आपको फील गजब का आएगा आई ऑल्सो हैव एच पी एंड अदर लैपटॉप बट मेरे को जो फील इसके अंदर में आएगा वो उसके अंदर में नहीं आएगा यस yes. दूसरी बात आप मोबाइल यूज करके देख लो इनके हाई एंड चीजें रहती तो डिफरेंसिएशन में ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका प्रोसेसर भी गुड है यस वन ऑफ द गुड कमेंट उमंग ने कहा वन ऑफ द गुड कमेंट इसका प्रोसेसर भी गुड है यस yes. ये बात अलग है कि आप इसको अगर फंक्शनैलिटी के साथ चेक करोगे तो नहीं होने वाला रोल्स रॉयस यस आप अगर देखोगे इनके प्रोडक्ट प्राइस आपको कम नहीं मिलेंगे कभी भी क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में जब ये लोग क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो ये लोग प्राइस भी चार्ज करते हैं और ये नॉर्मल कस्टमर पे फोकस ही नहीं करते दे डोंट फोकस ऑन मासेस इनको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर है हमको सबके बाद जाना ही नहीं है मीनिंग इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज यूनिक यूनिक में भी इन डिजाइन ब्रांड इमेज फीचर टेक्नोलॉजी डीलर्स नेटवर्क कस्टमर सर्विस किसी में भी अब एप्पल क्यों फेमस हुआ आपको पता है मैं उसके पीछे का एक रीजन बताता हूं मान लीजिए अगर आपने एप्पल लिया और आपका एप्पल का फोन खराब हो जाता है आप सर्विस सेंटर पर लेके जाते हो सर्विस सेंटर पर अगर यह सुधरने वाला मैटर होगा तो वो फ्री ऑफ चार्ज आपको सुधार के देंगे नहीं तो आपको फोन रिप्लेसमेंट मिलता है यस मैंने खुद ने दो बार फोन रिप्लेसमेंट लिया है एप्पल से मेरा मैंने एप्पल सिक्स लिया था जिसके अंदर में हार्डवेयर का इशू आ गया था हार्डवेयर इशू आ गया था मैं गया मैंने ओरिजिनल बिल दिखाया मुझे तुरंत तुरंत हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर के मुझे क्या दिया गया मेरे को मेरा नया फोन दिया गया इसके बाद क्या हुआ इसके बाद वापस से एक बार दूसरे फोन के अंदर में सॉफ्टवेयर इशू आया उन्होंने फिर मेरे को चेंज करके दिया अल्टीमेटली सर्विस देखने के बाद मैं दूसरा कहीं जाता वो मेरे को रिप्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं देते सुधार के देते इन्होंने मुझे पैक पीस नया का नया रिप्लेसमेंट दिया दिस इज वाई पीपल पे अर हायर प्राइस दिस इज द लॉजिक पीपल पे अर हायर प्राइस सो ड नॉट गारंटी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये कोई कॉम्पिटेटिवेज की गारंटी नहीं देगा यूनिकनेस की गारंटी जरूर देगा इट शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर नीड देखिए जब आप इतना महंगा प्रोडक्ट बना रहे तोहिर सी बात है बायर नीड को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे यस और लिमिटेड ही बनाएंगे रिस्क में नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाई कस्टमर हो सकता है आपका प्रोडक्ट आप बहुत ईमानदारी से बनाओ लेकिन उतना हाई वैल्यू आपके कस्टमर करें नहीं यस yes, अब जैसे लोग आपने देखा देखा है Z Fold देखा होगा दर्शन सर के पास डेढ़ फोन है यस yes, कुछ लोग जिनको एंड्रॉइड में हायर वर्जन चाहिए वो वो लेंगे Else, लोग Apple शिफ्ट हो जाएंगे. तो हो सकता है कई बार आप प्रोडक्ट बनाओ पर लोग उसको एप्रीशियट करे ना करे क्या पता एडवांटेज क्या है एक्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर हर जन यूनिकनेस नहीं दे सकता तो एक्टेस्ट सेफ गार्ड बायर डू नॉट निगोशिएट जो लोग ये प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं वो निगोशिएट के काम नहीं करते सप्लायर अफोर्ड टू एब्सोर्व हायर कॉस्ट सप्लायर ने अगर हायर कॉस्ट लगाई है तो आप एब्सॉर्व कर सकते हो न्यू एंट्री जनरली अवॉइड इस सेगमेंट में आना ही अवॉइड करेगा यस यानी ओप्पो और वीवो इन हाई रेंजेस में आना अफोर्ड ही नहीं करेंगे वो बोलेंगे भैया हमने हमारा इमेज कुछ और बनाया और हम कहीं और जा रहे हैं कांट रिप्लेस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है मैच द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस एलिवेट द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर दो एम वन चिप लेकर के आ जाओ परफॉर्मेंस अपग्रेड कर दो प्रॉमिस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी क्वालिटी में नो no कॉम्प्रोमाइज आपको समझ में आएगा आप जब इन कार्स के अंदर में बैठोगे बुगाटी के अंदर में बैठोगे लेमोजिन के अंदर में बैठोगे रोल्स राइज में बैठोगे आपको गाड़ी के अंदर में बैठ के फील आएगा यस yes, आप जब बीएमडब्ल्यू मर्सडीज में बैठोगे इन कार के अंदर में बैठ करके एक फील आएगा यही आप दूसरी गाड़ियों के अंदर में बैठोगे वो फील जनरेट नहीं करेगा लेदरेट का फील होता है अब बात समझो एक लेदरेट का फील होता है कार का एक फील होता है वो एक फील अलग है उसी का प्राइजिंग है यस yes, एनहांसिंग द इमेज एंड ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर डिसएडवाटेज क्या है डिफिकल्ट टू सस्टेन इतनी हाई कॉस्ट डिफिकल्ट टू सस्टेन फिर हर एक जन लेगा नहीं आप फिर क्लासेस के साथ ही डील करो मासेस का काम नहीं है आपका मेक ऑज द कस्टमर टू स्विच ऑफ हो सकता है आपका प्रोडक्ट पे कस्टमर स्विच कर जाए एक बार का सोच लिया उसने चलो एप्पल लेंगे लेटर ऑन कॉस्ट को देखा और सारी चीजों को देखा मेंटेनेंस को देखा वो बोलेगा नहीं नहीं चाहिए फेल टू वर्क इफ नॉट वैल्यूड बाय कस्टमर ये वैल्यू नहीं किया कस्टमर ने तो ये टोटली totally फेल हो जाएगा तीन जगह पे आप डिफरेंशियट हो सकते हो प्रोडक्ट प्राइस ऑर्गेनाइजेशन तो अगर आपको कंपटीशन देना ही है अगर आपको कंपटीशन देना ही है तो फिर या तो कॉस्ट लीडर बन के दो या तो कुछ नया लेकर के आओ या तो कुछ नया लेकर के आओ आ हो। डन अब आते हैं तीसरी बात फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप फोकसडिफरेंसिएशन फोकस स्ट्रेटेजी क्या होती है देखिए एक बार का कॉस्ट कम कर लेना मतलब डिस्काउंट लेके आना एक बार का यूनिक चीज बना देना डिफरेंसिएशन लेके आना लेकिन कंटिन्यूसली इसमें लगे रहना फोकस्ड होता है कंटिन्यूस कॉस्ट लीडर कंटिन्यूस डि डिफ्रेंसिएशन मतलब ये वो कंपनीज होती है जिनका ऑब्जेक्टिव ही या तो कॉस्ट लीडरशिप होता है या तो डिफरेंसिएशन होता है एम आई इज अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप एम आई इज अं फोकस कॉस्ट लीडरशिप वेर एज रोल्स इज अस्डरेंसिएशन रोल्स चाहता तो हो सकता है लो सेगमेंट में आ जाता फरारी चाहता तो हो सकता है अदर कार सेगमेंट में आ जाता लेकिन फरारी ने सिलेक्ट किया कि भैया मैं स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में ही रहूंगा फोकस्ड डिफरेंसिएशन में ही रहूंगा बात समझ लेना उसने कहा कि फोकसड डिफरेंसिएशन में ही रहूंगा mid-size and large size firm can effectively pursue a differentiation or cost leadership strategy. consumer may have distinct preference. rival firm are not attempting for specialization in some particular segment or market. rick's competitor will recognize successful focus strategy. focus cost leadership. competing based on price target does not necessarily charge lower price. charge low price relative to the other firm. continuous focus. एम आई फेरारी ऑफर यूनिक फीचर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर एफर्ट फॉर अ पर्टिकुलर सेल्स चैनल कंपीट बेस्ड ऑन यूनिकनेस एंड नैरो मार्केट एक्शन क्या लिए जा सकते हैं लेक्ट स्पेसिफिक नीश नॉट कवर्ड बाय अदर्स क्रिएट सुपीरियर स्किल आपको एक स्पेसिफिक नीश क्रिएट करना पड़ेगा मुझे कॉस्ट लीडरशिप में जाना है मुझे फोकस में जाना है एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा सुपीरियर स्किल बनाने पड़ेंगे हाई एफिशिएंसी जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो आपको आपकी एफिशिएंसीज उतनी हाई रखनी पड़ेगी एडवांटेज क्या है आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइवल और न्यू एंट्रेंट डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके की चीजों में एंटर करना डिसडवांटेज क्या है कॉस्ट आर हाई नीश कुड डिसअपियर इन लॉन्ग रन हो सकता है जो यूनिक चीज आपके पास हो वो अब किसी और के पास भी हो अब जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा था महिंद्रा एक्स यू वी सेवन हंड्रेड का यस yes, इसके बाहर का जो गेट का स्टाइल है वो इन्होंने बुगाटी जैसा रखा अंदर का इंटीरियर पूरा एक्स वन के जैसा रखा हैंड ब्रेक का डिजाइन जो है ये इन्होंने किसके जैसा रखा आपके बी के जैसा रखा और पैनलिंग जो है इन्होंने पूरी नहीं लेकर के आ गई मतलब अगर आप देखोगे ये यूनिकनेस जो है ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास थी अब ये यूनिकनेस कॉपी कर ली किसने महिंद्रा ने या महिंद्रा ने भी सेम अडॉप्ट कर लिया राधर देना कॉपी वर्ड महिंद्रा ने भी सेम अडॉप्ट कर लिया नाउ व्हाट इज दैट दैट इज समथिंग दैट इज समथिंग कॉल्ड एस यूनिकनेस आपकी बहुत दिन तक टिकी नहीं रहेगी हो सकता है इसको कॉपी करके कोई नया लेकर के आ जाए आप जैसे एयरबुक निकालते हो जैसे एयरबुक निकालते हो एम का भी अपना एयरबुक है एम का भी अपना एयरबुक है ये एक लाख बीस हजार का आता है ये पचास हजार का आता है बाकी सारा फंक्शन सेम बस पीछे एप्पल का लोगो नहीं है बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम बात समझ रहे हो डन बचे सो दैट्स इट यह चैप्टर भी यहां पर खत्म होता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ये चैप्टर भी यहां पर खत्म होता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आ जाओ बेटा अगेन वही वाइफ और वाईफाई वाला इशू आ जाएगा कैच कर लेगा आपको दिखाता हूं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा कंप्लीट कर दिया यस yes, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में पांच और तीन वाला फॉर्मूला याद रखना पांच फोर्सेस है बताओ कौन कौन से फोर्सेस है पहला फोर्स बोलो बेटा राइवल दूसरा सप्लायर जो मुझे देता है बायर जो मुझसे लेता है थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंस और सब्स्टिट्यूट पांच फोर्सेज है और तीन स्ट्रेटजीज है कॉस्ट लीडर बन जाओ डिफ्रेंसिएशन लेके आओ या तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप फोकस डिफ्रेंसिएशन में चल जाओ वन टाइम नहीं मैंडेटरी कंटिन्यूसली उसी चीज के अंदर में रहो दूसरी चीजों में मत जाओ फोकस कॉस्ट लीडरशिप एन अदर थिंग प्रभु से यस yes. देखो साहब मजाक मजाक में मजाक मजाक में आपका एक और टॉपिक खत्म हो गया बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फाइव आउट ऑफ एट टॉपिक वी हैव डन फाइव आउट ऑफ एट टॉपिक वी हैव डन मजा आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ मालिक और आ रहा है तो अब तक लाइक बटन के ऊपर आपके प्रिंट क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरे को पांच टॉपिक खत्म इसमें से आज के मैराथन में हमने तीन टॉपिक खत्म कर लिए तीन चार और पांच ओवरऑल अगर आपने मैराथन वन भी देखा और ये मैराथन टू है तो आपके पांच टॉपिक खत्म हो गए अब तीन टॉपिक बचते हैं पहला टॉपिक बचता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी दूसरा टॉपिक बनता है बेटा आपका इंप्लीमेंटेशन तीसरा आपका कंट्रोल एंड ये चीज डन बच्चे चलो जी अब चैप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था तीन लेवल होते हैं कॉर्पोरेट लेवल वी हैव डन बिजनेस लेवल वी हैव डन तीसरे लेवल पे आते हैं फंक्शनल लेवल पे तीसरे लेवल पे आते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी पे सर चैप्टर देखिए फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी मजा आ रहा है प्रभु चेक करो लेट्स स्टार्ट विद द अनादर टॉपिक रिवीजन फंक्शनल लेवल क्या होता है प्रभु फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना पड़ेगा तब आप फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी को बड़े प्यार से समझ पाओगे फंक्शनल लेवल कॉर्पोरेट लेवल ने हमें यह सिखाया कि भैया बिजनेस चार डिसीजन लेगा सेम बिजनेस में रहना है कुछ नए रिस्ट्रक्चरिंग में जाना है बिजनेस से बाहर निकल जाना है या इनका कुछ कॉम्बिनेशन समझना है ठीक है फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे क्या बनती है अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है मार्केट फोर्सेस को देखते हुए हम अपनी कोई ना कोई क्या करते हैं स्ट्रैटेजी बनाते हैं पांच मार्केट फोर्सेस को देख के कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं अब ये स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली लोअर लेवल पे आती है और लोअर लेवल पे एक्चुअल फंक्शनिंग होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपने काम बांटे जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनती है जो जो बिजनेस लेवल ने बनाया है और हमारे फर्म का अल्टीमेट विजन यानी अलग अलग डिपार्टमेंट अब क्या करेंगे अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे यानी गोल और ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे ताकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी का मिशन मीट हो जाए और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का विजन मीट हो जाए बात समझ रहे हो यानी गोल एंड ऑब्जेक्टिव मिशन विजन ये अचीव हो जाए इस तरीके का अब एक कॉम्बिनेशन बनेगा से यस yes. इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा नाउ मैनेजमेंट तो जो था आपने अगर एस एम वन देखा होगा एस एम वन आपने देखा होगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे मैराथन वन देखा होगा तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट जो था प्रभु मैनेजमेंट एक था ओल्ड मैनेजमेंट दूसरा था साइंटिफिक मैनेजमेंट और तीसरा था मॉडर्न मैनेजमेंट ओल्ड मैनेजमेंट देर वर मेनी पीपल हु डिफाइंड एनी वन साइंटिफिक मैनेजमेंट और मॉडर्न मैनेजमेंट किस किस ने दिया हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जल्दी से बताओ हु इज द फाधर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हू इज द फाधर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलो एवनी वन अरे कोई तो रिप्लाय करो किसी को आइडिया नहीं है यस आइगर एंड सॉफ बाय फुल रिस्पेक्ट आइगर एंड सॉफ बेटा तुम कौन से जमाने में जी रही हो एफडब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्योल ऑर्गेनाइजेशन और कॉमर्स इतना तो पढ़े होंगे जीवन में तुम लोगों ने ग्यारवी बारहवीं में इतना तो जीवन में पढ़ाई होगा तुम लोगों ने तो एफडब्ल्यू टीलर मैनेजमेंट पुराने टाइम में कई लोगों ने डिफाइन किया हुआ है मैनेजमेंट इज एन आर्ट हर अपने तरीके से आर्ट को बना सकता है यस yes, मजनू भाई का ड्राइंग का स्किल और जाहिर सी बात है किसी अच्छे पेंटर का ड्राइंग का स्किल बहुत अलग अलग होगा तो ये कई लोगों ने डिफाइन किया आर्ट है आर्ट अपने हिसाब से बदलता है मजनू भाई के ड्राइंग के तो आप सभी फैन होंगे मेरे साथ साथ यस yes. अपने को बाकी पेंटिंग समझे ना समझे मजनू भाई की पेंटिंग नेक्स्ट लेवल है यस साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज अनसक्सेसफुल इट वॉज अनसक्सेसफुल टोटली अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल क्यों रहा ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा ये अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि आप ्यूम पे साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज हाइली अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक रूल है और तीसरा है बेटा मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको लाया हेनरी फियोल ने किसने लेकर के आया बेटा हेनरी फियोल ने अब हेनरी फियोल ने मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम पे क्या किया इन्होंने बोला कि भैया मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट इन्होंने कहा मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं दोनों एक चीज नहीं है दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों वेगवेगड़ी चीजें हैं और इनको जोड़िए मत दोनों अलग अलग चीजें हैं ओनर्स आर डिफरेंट मैनेजमेंट आर डिफरेंट यस और इसी के लिए टू मैनेज उनने बोला कोई भी एक व्यक्ति हर काम नहीं करेगा आप चीजों को डिवाइड करो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाओ आप क्या बनाओ ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ऑर्गेनाइजेशन बनाना मतलब क्या होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना ऑर्गेनाइजेशन बनाना मतलब क्या होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना वो कहता है कि एक ही व्यक्ति हर काम नहीं करेगा हर व्यक्ति हमारी मम्मी नहीं होती आप देखिए सर हमारी मम्मी छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूंगा हमारी मम्मी भाई साहब क्या लेडी होती है यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है हम सबने अपने मम्मी को सल्यूट करना चाहिए यार सुबह उठेगी मतलब इमेजिन करो यार वो लेडी सुबह उठेगी सुबेरे उठ करके सबसे पहले खुद का काम करेगी उसके बाद पापा का टिफिन या तुम्हारा टिफिन बना रही है घर के लिए खाना बना रही है घर को साफ रख रही है यस सुपर वुमन होती है यार हमारी माँ आप लोग को भी ये लगता है हमारी माँ सुपर वुमन होती है हमारा ख्याल रखती है घर के बड़ों का ख्याल रखती है रिश्तेदारों का ख्याल रखती है यस और इस माँ के लिए इतनी मेहनत तो बनती है यार एक दिन ज़रूर ऐसा आए कि ये माँ आराम से बैठे और इनकी सेवा की जाए इनकी सेवा की जाए सर अलग लेवल होता है यार पता नहीं कहां से एनर्जी लेके आती है हमारी मां हमारी माए कहां से एनर्जी लेकर के आती है हम सबकी मम्मी को मतलब सल्यूट है यार कहां से एनर्जी लेकर के आती है यार इतनी सबका सुन भी लेती है सबका सुन भी लेती है आप आपको मोटिवेट भी करती है कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ मैं हूं तेरे साथ तू टेंशन मत ले आपको मोटिवेट भी करती है कहां से आती है यार ये पता नहीं सो so, वो कहती है देखिए हर चीज है ना मानी हो सकती है जो हर डिपार्टमेंट खुद संभाल ले ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई है उन्होंने कहा सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाओ फाइनेंस सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाओ फाइनेंस यस फाइनेंस के बाद आर एन डी ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन मार्केटिंग कंटेंट वाइज चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर सिक्स सबसे बड़ा है कंटेंट वाइज चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर सिक्स सबसे बड़ा है तो यहां पे आपको बहुत वर्बॉटरी चीजें मिलेगी बहुत वर्बॉटरी चीजें मिलेंगी भयानक थेरी भयानक थेरी मिलती है पर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो यह सबसे ईजी चैप्टर है तो हेनरी फ्योल पूरे जगह पे एक ही ऑर्थर को याद रखना हेनरी फ्योल ने मॉडर्न मैनेजमेंट कहा मैनेजमेंट और ओनर डिफरेंट होते हैं ये कहा उन्होंने कहा है एक ही जन सारा काम नहीं करेगा इसे ऑर्गेनाइज करो ऑर्गेनाइज करो मतलब क्या करो डिपार्टमेंट बनाओ डिपार्टमेंट बनाओ पहला डिपार्टमेंट फाइनेंस दूसरा डिपार्टमेंट आर तीसरा डिपार्टमेंट एचआर चौथा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पांचवा डिपार्टमेंट मार्केटिंग ऐसे पांच डिपार्टमेंट बनाओ और पांच डिपार्टमेंट को अपने रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करो यस, yes, तब जाकर के एक एक ऑब्जेक्टिव और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे क्योंकि अगर एक भी मैकेनिज्म फेल हुआ ओवरऑल मैनेजमेंट फेल हो जाएगा आपका आर फेल हुआ ओवरऑल मैनेजमेंट फेल प्रोडक्शन फेल हुआ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन फेल मार्केटिंग फेल हुआ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन फेल सब फेल हो जाएगा अगर ये सब इंटरकनेक्टेड ना रहे तो हेंस मैनेजमेंट इज एन इंटर कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजमेंट इज अ इंटर कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट यस ऐसे so, क्या करो बेटा पांच अलग अलग डिविजन बनाओ और इन डिविजन में क्या होता है और क्या होना चाहिए यही आपका पूरा चैप्टर है इन डिविजन में क्या होता है और क्या होना चाहिए यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर है भयानक थेरी वाला चैप्टर अब देखो इन सारे डिविजन को याद करने का एक बहुत इजी सा सीक्वेंस है अगर आपकी कंपनी सबसे पहले पैसा लाओगे पैसा लाने के बाद रिसर्च करोगे रिसर्च करने के बाद लोगों को लेके आओगे प्रोडक्शन करोगे मार्केटिंग करके बेच दोगे इस सीक्वेंस में अगर इसको पढ़ोगे तो आपको एक लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होगा मॉड्यूल में ये चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई है पर ये इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको मोहब्बत हो जाएगी इस सब्जेक्ट से यस yes, सबसे पहले पैसा लेकर के आओगे पैसा लेने के बाद आप आर में जाओगे उसका रिसर्च करोगे उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स लेकर के आओगे प्रोडक्शन करोगे और मार्केटिंग के थ्रू इसको बेच दोगे गेटिंग इट नाउ सबसे पहली चीज पे चलते हैं हम फाइनेंस फंक्शनल स्ट्रेटजी इज डिजाइन टू हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड सपोर्ट टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी स्पेल आउट हाउ फंक्शनल मैनेजर विल परफॉर्म हाउ फंक्शनल मैनेजर विल परफॉर्म इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन क्योंकि आपको याद होगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं मेजरेबल होते हैं मनी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये क्या होते हैं मेजरेबल होते हैं किसके अंदर में बेटा मनी के अंदर में तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है आप क्या करना चाहोगे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए बेसिस फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया सिमिलर सिचुएशन टू बी हैंडल्ड इन कंसिस्टेंट मैनर सबसे पहले फंक्शन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी यस फाइनेंस के अंदर में तीन पार्ट होते हैं फाइनेंस के अंदर में तीन पार्ट होते हैं जरा ध्यान से सुनना एक्वायरिंग द फंड मैनेजिंग द बजट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यानी फाइनेंस के अंदर में तीन पार्ट होते हैं सबसे पहला बजट बनाओ एक्वायर द फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड तीन मैनेजमेंट होता है सबसे पहले आपको आपके बजट्स बनाने पड़ते हैं कोई भी खर्चा करने से पहले आपको आपका बजट बनाना पड़ता है कि भैया इस चीज को करने के लिए मेरे को कितना बजट लगने वाला है इस चीज को करने के लिए मुझे कितना बजट लगने वाला है तो आप अपने बजट बनाते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट बनाते हो और इन बजट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो खर्चा करना शुरू करते हो इन बजट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो अपना खर्चा करना शुरू करते हो तो ये खर्चे होने के लिए आपको सबसे पहले बजट प्लानिंग करना पड़ता है अब जब बजट प्लानिंग होती है तो ये क्या होता है बजट क्या सिर्फ एक डिपार्टमेंट से हो जाएगा या हर डिपार्टमेंट से उनकी उनकी रिक्वायरमेंट पूछना पड़ेगा यस आपको एचआर वालों से पूछना आर वालों से पूछना पड़ेगा आपका कॉस्ट कितना है कितना खर्चा लगने वाला है एचआर वालों से पड़ेगा भैया तिरको बता तेरे को कितना खर्चा लगने वाला है प्रोडक्शन और मार्केटिंग वालों से पूछना पड़ेगा उनका बजट क्या है फिर कंपनी को कंपनी का ओवरऑल बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा यानी फर्स्ट मैनेजमेंट किस चीज़ का लगेगा आपको बजट बजट यस दूसरा दूसरा ओके, okay. दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा एक्विजिशन ऑफ फंड का एक पूरा का पूरा क्या बनाना पड़ेगा एक्विजिशन ऑफ फंड का आपको क्या बनाना पड़ेगा एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पैसा तो आ जाएगा बजट से अब आप इसको एक्वायर कैसे करोगे इसका मतलब आपको अपना ओन कैपिटल यूज करना है या बोरोड कैपिटल यूज करना है इसका भी तो आपको क्या करना पड़ेगा डिजाइन बनानी पड़ेगी आपको आपका ओन कैपिटल यूज करना है या आपको आपका बोरोड कैपिटल यूज करना है यह भी तो आपको सोचना पड़ेगा यह भी तो आपको क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा तो ये एक और चीज है, है जो आप दिमाग लगाओगे जब भी आप बिजनेस कर रहे होंगे यस ओन फंड यूज करना बोरोड फंड यूज करना ओन और बोरोड फंड का रेशो कितना होना चाहिए तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वेयर एंड हाउ स्पेंड कहा और कितना स्पेंड करना है यह भी आपको देखना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली डिटरमाइनिंग द नेटवर्थ ऑफ बिजनेस और इसके बाद इन सारी चीजों के बाद आपको आपके बिजनेस का नेटवर्थ भी देखना पड़ेगा आपको आपके बिजनेस का वर्थ चेक करना पड़ेगा इज इट वर्थ इज इट वर्थ और आपका बिजनेस का नेटवर्थ कितना है? आपको आपका पी आरओ सी सारी चीजें देखनी पड़ेगी तो ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती है फाइनेंस तो फाइनेंस के अंदर में चार पार्ट बजट एक्विजिशन यूटिलाइजेशन नेटवर्थ इधर आइए सबसे पहले फाइनेंस राइट डेवलपिंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बजट्स ये पहला स्टेप है अ सेंट्रल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन टेक्निक अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट यस यूज टू फोरकास्ट द इंपैक्ट ऑफ वेरियस इंप्लीमेंटेशन डिसीजन प्रोवाइड डिटेल ऑफ हाउ फंड बी ऑप्टेन एंड स्पेंड एक बजट बनाया जाएगा फंड कैसे लिए जाएंगे और फंड कैसे यूटिलाईज किए जाएंगे एक tentative बनाना आपको जरूरी है ताकि आप अपनी कॉस्ट और अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से डिसाइड कर सको यस कैन बी व्यूड एज अ प्लान एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बजट को आप एक प्लान एलोकेशन भी कह सकते हो एक दो ये दो तो आंसर में आना ही चाहिए इट कैन बी व्यूड एज अ प्लान एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इट कैन बी व्यूड एज अ प्लान एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यस दीज आर गाइडिंग इन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन और ये गाइड बनते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में क्योंकि समझ लीजिए अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है अगर आपके पास रिसोर्सेज क्या है बेटा लिमिटेड है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप इस फंड को यूटिलाइज करोगे बहुत सोच समझ करके अब देखिए हम सब लोग क्लासेस करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं हम सबसे पहले क्लासेस करने के लिए जब भी जाते हैं अब आप लोगों ने सोच लिया कि भैया चलो फाइनल की क्लास कहां से करेंगे पुणे से करेंगे लाइव में जाकर के करेंगे यस फाइनल की क्लास कहां से करेंगे पुणे में जाके करेंगे तो आपको एक बजट बनाना होगा ना कि यहां पे रहने का कॉस्ट कितना होने वाला है क्लास का कॉस्ट कितना होने वाला है मेस का कॉस्ट कितना होने वाला है अपने फिर कुछ खर्चे पांडू वो अपने को कंप्लीट करने हैं तो वो खर्चा कितना होने वाला है तो ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स के अंदर में आती है किसके अंदर में आती है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स के अंदर में आती है क्या लिमिटेशन होते हैं बजट बनाने के And क्योंकि खर्चा नहीं है तो ये कंबरसम हो सकता है और ऐसा लग सकता है तो हो सकता है कि ये मैं नहीं करने वाला, मुझे इतना नहीं करना है कैन बिकेम सब्सटीट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव कई बार बजट को देख करके आप क्या बोलोगे छोड़े इतना करना ही नहीं है छोड़िए मेरे को करना ही नहीं है कैन बिकेम अब्सिट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव कैन हाइड इन एफिशेंसी इफ बेस्ड सोनली ऑन प्रिसेंट राधर देन पीरियोडिक इवेल्यूएशन इन एफिशियंसिज को हाइड कर सकता है ये क्या कर सकता है इन एफिशियंसि को हाइड कर सकता है समटाइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेनरी इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है एज नो वर्केबल होना है या नहीं होना है तो सबसे पहले बजट बनाइए, तीन पॉइंट ऊपर के लिखने लिमिटेशन के तीन पॉइंट लिखने तीन पॉइंट ऊपर के लिखने लिमिटेशन के तीन पॉइंट लिखने हैं बजट बनाने के बाद

And questions company survival. These strategies are important since they determine how financial resources made available for implementation. Yes, ये important है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि अपनी strategy को क्या करना है इंप्लीमेंट कैसे करना है ना ज्यादा डेप्ट ना ज्यादा इक्विटी देर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी तो आपको दूसरी strategy बनानी पड़ती है acquisition ऑफ फंड पे तीसरी strategy बनानी पड़ती है मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पे ये पैसे को यूटिलाइज कहां से करना है इन शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट ये जो पैसा है आपको इन्वेस्ट भी करना है ताकि आप फ्यूचर के लिए सेव करो और आपको आपके असेट्स के ऊपर भी ये पैसा लगाना है सो इट डील्स विथ इन्वेस्टमेंट और असेट मिक्स डिसीजन विदाउट क्लियर प्लान एंड पॉलिसी यूजेज ऑफ फंड विल बी इनसफिशियंट लीडिंग टू लेस देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू लेस देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज good management of fund often creates a difference between strategically successful and unsuccessful company good management of fund often creates a difference between strategically successful and unsuccessful companies priorities of management may often conflict with those of shareholder हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि भैया यह पैसा को मैं वर्किंग कैपिटल में लगाऊं शेयर होल्डर बोले यह कंपनी से तो डिविडेंट ही नहीं आ रहा डिविडेंट ही नहीं आ रहा डिविडेंट ही नहीं आ रहा तो मैनेजमेंट की प्रायोरिटी और शेयर होल्डर की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है तो आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसमें से फिर कितना डिविडेंट देना है और कितना शेयर होल्डर के लिए रखना है यस चारों पॉइंट को एक बार वापस से पढ़ो

तो पहला क्या करो बजट बनाओ बजट बना करके पैसे को क्या करो एक्वायर करो इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओ कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है और अल्टीमेटली अपनी नेटवर्थ को इवेल्युएट करो हर साल क्या मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है या इरोड हो रही है अब यहां पर नेटवर्थ इवेल्युएट करने के अलग अलग तरीके हैं चेक करिएगा इवेलुएटिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस इज सेंट्रल एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन जब एक साल बाद आप अप अपने आप को इवेल्युएट करोगे तो आप ये देखोगे मेरा ओवरऑल इनकम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है यस नेसेसरी टू स्टैब्लिश फाइनेंशियल वर्थ एंड कैश वैल्यू ऑफ बिजनेस टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी तीन मेन अप्रोच है नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर प्राइजेस के बेसिस पे आप क्या कर लो डिसाइड कर लो कि आपका ओवरऑल बिजनेस कितना है वैल्यू ऑफ फर्म अगर ये फर्म को आज बेचने जाओगे तो इसका वैल्यू कितना बनने वाला है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस वर्थ सेलिंग प्राइस फॉर सिमिलर कंपनी प्राइस अर्निंग रेशियो या आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड इन तीनों के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो अपना नेटवर्क डिटरमाइन कर सकते हो एक शेयर प्राइस के बेसिस पर डिसाइड कर लो फर्म अगर आज बेचने जाऊं तो कितने पैसे मिलेंगे तीसरा मार्केट वैल्यू के बेसिस पे सेलिंग सिमिलर कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना है पीई रेशो मेरी कंपनी का कितना है या मेरे पास जितने आउटस्टैंडिंग शेयर है अगर इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कितना वर्थ बनेगा इसके बेसिस पे आप अपना नेटवर्थ डिसाइड कर सकते हो चेक करो मालिक देने बेटा चलो जी बहुत शानदार तो इसके बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है तो हेनरी फ्योल ने बोला भैया पांच डिपार्टमेंट बनाओ पहला डिपार्टमेंट बनाओ फाइनेंस फाइनेंस के अंदर कितने पार्ट चार पार्ट बजट बनाओ एक्विजिशन करो यूटिलाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ और अपना नेटवर्थ चेक करो कि एट द ईयर एंड सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है दूसरा स्ट्रैटेजी है बेटा आर डी स्ट्रैटेजी दूसरा स्ट्रैटेजी है बेटा आर एंड स्ट्रैटेजी आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहली बात तो समझ के चलिए हर बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होता कुछ बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते कुछ बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होते हर बिजनेस आर एंडी में नहीं होता पर जो लोग आर एंडी में है वो तो इस पर खर्चा करते हैं और उसके लिए इनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है उसके लिए इनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यस अल्टीमेटली फायदा क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा यह होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल आर एंडी स्ट्रेटेजी के लिए अगर पूना वाला ग्रुप ने तुरंत कोविड वाले सिचुएशन में वैक्सीन नहीं बनाई होती तो आज उनका वर्थ इतना होता वो एक अर्ली प्लेयर थे जो इस वैक्सीनेशन के गेम में एंटर कर गए उन्होंने पैसा लगाया आर एन डी करी वैक्सीनेशन बनाई क्या बनाई वैक्सीनेशन बनाई और आज कंपनीज करोड़ों के फायदे में है और देश के कई लोगों को कंपनी ने बचाया है येस वॉट इज दैट आर एन डी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनी मेरे आप में से बहुत सारे लोग इसके पहले आधार पुनावाला साहब को नहीं जानते हो पर वैक्सीनेशन के बाद भारत का हर बच्चा और शायद देश के बाहर का भी हर बच्चा उनको जानेगा क्योंकि उन्होंने कई जान बचाई है वट इज दैट आर एनडी प्लेज बिग रोल इन मेनी ऑफ द कंपनीज और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि आर एनडी के लिए कितना बजट लगने वाला है किस फील्ड में आर एनडी करनी है आर एनडी के लिए वर्थ कहां से लाएंगे और आर एनडी किस तरीके से ऑपरेट होगा आरएनडी पर्सनल आर जनरली चार्ज विथ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट इन अ वे दैट दे विल अलाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है या तो कोई नए प्रोडक्ट को ये लोग लेकर के आए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीमॉडिफाई करके लेकर के आए यस yes, इनका काम ही यही होता है कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या करके लेकर के आए री करके लेकर के आए आर एंड डी एम्प्लॉय एंड मैनेजर परफॉर्म द टास्क दैट इंक्लूड्स दैट इंक्लूड्स ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एडजस्टिंग प्रोसेस टू लोकल रॉ रॉ मटेरियल एडेप्टिंग प्रोसेस टू लोकल मार्केट एंड अल्टरिंग द प्रोडक्ट टू पर्टिकुलर टेस्ट एंड स्पेसिफिकेशन तो इनका काम क्या होता है पहला कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ईजी बना करके देना आर एनडी वालों का काम होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजी बनाकर के देना दूसरा एडजस्टिंग द प्रोसेस टू लोकल रॉ मटेरियल लोकल रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबिलिटी या लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करना येस एडेप्टिंग प्रोसेस टू लोकल मार्केट्स अल्टरिंग द प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना है अल्टर करते जाना है स्ट्रेटेजी सचेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट पेनीट्रेशन कॉन्सेंट्रेट डायवर्सिफिकेशन रिक्वायर न्यू प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल डेवलप आपको मार्केट डेवलपमेंट करना है मार्केट पेनीट्रेशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको न्यू सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लेके आने ही पड़ेंगे न्यू सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लेके आने ही पड़ेंगे आर एंड डी पॉलिसी कैन एनहान स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एनडी पॉलिसी कैन एनहांस स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेस बेसिक अप्लाइड रिसर्च बी लीडर और बी फॉलोअर इन स्ट्रेटेजी इस पर हाईलाइट करो आपको बेसिक चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी क्या आप खुद नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे या आप फॉलो करेंगे बी अ डेवलपर और बी अ फॉलोअर बी अ डेवलपर का मतलब आप खुद उसे डेवलप करें आप खुद उसे डेवलप करें और बी अ फॉलोअर किसी ने लेके आया आप भी वो टेक्नोलॉजी लो और काम कर दो स्पेंड हाई एवरेज और लो अमाउंट ऑफ मनी ऑन आर एंड डी परफॉर्म आर एंड डी विद इन द फर्म और टू कॉन्ट्रैक्ट आर डी टू आउटसाइड फर्म यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स यूड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं गाइडलाइंस टू आर एन डी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर फोकस करना आर एनडी में इसके ऊपर फोकस करना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज स्लो रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट देर आर सिग्निफिकेंट बैरियर टू पॉसिबल न्यू एंट्री देन आर एनडी इज अ प्रिफर्ड सोल्यूशन अगर मार्केट में प्रोग्रेस स्लो हो रही है एट द सेम टाइम मार्केट में ग्रोथ भी आपके प्रोडक्ट की मॉडरेट है तो आप आर एनडी करें उस टाइम पे ये गाइडलाइन जो है ये बताता आर एनडी कब करना चाहिए सो so, अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस स्लो है मतलब बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती आराम से बढ़ती है चार पांच साल में एक बार टेक्नोलॉजी में चेंज आता है फॉर एग्जाम्पल फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स आ, आपके वॉशिंग मशीन ये हर साल इनमें कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं आती चार पांच साल में एक बार कुछ तो धासु का टेक्नोलॉजी निकल जाएगा और फिर लोग चले जाएंगे जैसे देखिए अब तक के फ्रिज जो होते थे ऊपर और नीचे वाले डोर होते थे फिर साइड टू साइड डोर आया फिर ऊपर नीचे फ्रिज आप क्या कर सकते हो कन्वर्टेबल फ्रिज आ गए चार डोर वाले अब यहां पे क्या होता है चीजें चेंज होती है यहां पे क्या होता है चीजें चेंज होती जाती है नाउ व्हाट इज दैट इफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज स्लो एंड द रेट ऑफ ग्रोथ इज मॉडरेट और मार्केट धीरे 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 बढ़ रहा है इन चीजों का लोग लेने वाले हैं इन चीजों को तो आप आर एन डी इन हाउस प्रेफर करो इन हाउस आर प्रेफर करो मतलब खुद का एक आर एन डी डिपार्टमेंट लगाओ और खुद का आर एन डी डिपार्टमेंट लगा करके क्या करो चीजों में रिसर्च करो इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली यहां पे फ्रिज का एग्जाम्पल ले लो यहां पे मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली एंड मार्केट इज ग्रोइंग स्लोली देन मेजर एफर्ट इन आर एन डी में बी वेरी रिस्की ज इट मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑप्सिट टेक्नोलॉजी मोबाइल आज ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ चुका है एक जमाना था जब मोबाइल लोगों के पास नहीं था तो लोग ले रहे थे आज ऑलमोस्ट हर एक के पास मोबाइल है सिर्फ इतना है कि लोग अपने मोबाइल को अपग्रेड करते रहते मोबाइल ऑलमोस्ट सभी के पास है ये यानी टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली बट मार्केट इज ग्रोइंग स्लोली तो ऐसे केस में वो बोलते हैं कि भैया इन हाउस आर एन डी मत रखो आर डी रखो इन हाउस आर डी मत रखो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ऑप्सोलिट हो जाएगी तो फिर आप अगर उसके अंदर में रिसर्च करते बैठोगे तो आपका टाइम भी जाएगा कॉस्ट भी जाएगा रादर बी अ फॉलोअर कोई बड़ी कंपनी कर रही है आप भी उसको चेंज करके कर लो इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली बट मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली देयर जनरली इज नॉट इनफ टाइम फॉर इन हाउस डेवलपमेंट द प्रिस्क्राइब अप्रोच इज टू ऑप्टेन आर एन डी एक्सपर्ट लैपटॉप। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली लैपटॉप के अंदर में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई सेवन आई फाइव हर दो साल में एक आध बार ये चेंज होगा यस बट मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली कोविड में वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कंप्यूटर का सेल्स इंक्रीज हो गया कंप्यूटर का सेल्स इंक्रीज हो गया भयानक लेवल पे इंक्रीज हो गया कंप्यूटर का सेल्स इंक्रीज हो गया तो हुआ क्या अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको अगर यू नो मार्केट जल्दी से ग्रो कर रहा है तो अपने प्रोडक्ट को जल्दी से लाना पड़ेगा मार्केट अगर जल्दी से ग्रो कर रहा है तो अपने प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी से लेकर के आना पड़ेगा और ऐसे केसेस के अंदर में इट्स ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट आउटसाइड एक्सपर्ट टू अडॉप्ट आउटसाइड एक्सपर्ट इट इज ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट आउटसाइड एक्सपर्ट यस

आर एनडी एक्सपर्ट शुड बी ऑप्टेन थ्रू एक्विजेशन ऑफ अ वेल वेलब्लिड फॉर्म इन एन इंडस्ट्री फिर एक वेल स्टैब्लिश फॉर्म से आपको क्या लेना चाहिए राय लेना चाहिए और तो खैर आपको करना ही करना चाहिए अगर दोनों भी चीजें स्पीड में ग्रो कर रही है तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा या फिर अभी कोविड के बाद ट्रैवल बिजनेस बढ़ रहा है अभी कोविड के बाद ट्रैवल बिजनेस बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं डन मिडा चलो दैट्स इट हमने दो खत्म कर दिए हमने दो खत्म कर दिए फाइनेंस आर एन डी हमने दो पार्ट खत्म कर दिया यहां पे हमें क्या पढ़ने को मिलता है वॉट इज आर एन डी गाइडलाइंस टू आर एन डी आर एन डी कब करना चाहिए यस आर एन डी कब करना चाहिए यहां अगेन लेते एक ब्रेक या अगेन लेते एक ब्रेक ताकि आप लोग जा करके खाना खा के आ सको अब जो हम ब्रेक ले रहे हैं ये हम 15 टू 20 मिनट्स का ले रहे हैं 15 टू 20 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं आपका स्ट्रीमिंग चालू रखो आप जाओ खाना खा के जल्दी से वापस आओ ताकि बचे हुए चैप्टर भी कंप्लीट कर सके टेक केयर चलो जी आ जाओ जल्दी से सभी लोग बैक टू तो पवेलियन मारो जल्दी से बैक टू तो पवेलियन मारो जल्दी से एंड लेट्स स्टार्ट आ जाओ क्विक 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 गो यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक मॉडर्न मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं दो फंक्शन का डिटेलिंग हम लोगों ने कर ली फाइनेंस आर एंड डी ये दो फंक्शन की डिटेलिंग हम लोगों ने कर ली अवम बढ़ रहे हैं आगे अवम बढ़ रहे हैं आगे यस yes. तीसरा है एच आर स्ट्रैटेजी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी देखिए ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी का प्लानिंग क्या होता है बड़ा सिंपल सा प्लानिंग होता है सबसे पहले हमें यह देखना होता है राइट पर्सन इज अवेलेबल एट द राइट पॉइंट इन टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कट ये होता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी के अंदर में कि हर डिपार्टमेंट में राइट नंबर ऑफ पीपल हो अगर लोग कम रहेंगे कस्टमर सर्विस नहीं दे पाए लोग गलियां मारेंगे यस yes, अगर कस्टमर को क्या नहीं मिल पाया सपोर्ट नहीं मिल पाया लोग गाली मारेंगे तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको क्या करना होगा ऐसे केसेस के अंदर में आपको राइट पर्सन राइट टाइम पे अवेलेबल है या नहीं राइट right क्वालिफिकेशन के साथ अवेलेबल है या नहीं आपको यह देखना होगा बिकॉज राइट ऑफ ह्यूमन ही आपका बिजनेस चलाएंगे सो रोल ऑफ एच आर मैनेजर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एच आर मैनेजर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या रोल है वन ऑफ द क्रूशल रोल है यह देखना कि एच आर में कंपनी में हर टाइम पे नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल हो ये सबसे क्रूशल रोल है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो हैंडल करता है ये सबसे क्रूशल रोल है जो वो सबसे पहले क्या करता है हैंडल करता है यस सो चेक कीजिएगा असेसिंग द स्टाफिंग नीड्स एंड द कॉस् ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी प्रपोज एंड डेवलपिंग अस्टार्टाफिंग प्लान तो सबसे पहले स्टाफिंग नीड और स्टाफिंग प्लान को क्या करना है उसने डेवलप करना है आंसर में आना ही चाहिए स्टाफिंग नीड और स्टाफिंग प्लान को उसने क्या करना है डेवलप करना है कि भैया कितने लोग लगने वाले हैं और कितना स्टाफ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में लगने वाला है डेवलप परफॉर्मेंस इंसेंटिव देखिए लोगों से काम करके लेना भी एक कला है लोगों से काम करवा के लेना भी एक कला है और इस कला का इस्तेमाल भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए इस कला का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए तो दूसरा डेवलपर स्ट्रैटेजी तीसरा इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट वर्क एनवायरमेंट एंड मेंटेन लाइफ वर्क बैलेंस एक वर्क एनवायरमेंट हमेशा कंडक्ट रहे जिसका मतलब राइट नंबर ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल कनेक्टेड रहे ये ज्यादा बेटर है राइट नंबर ऑफ मेल और फीमेल कनेक्टेड रहे ये ज्यादा बेटर है दूसरा दूसरा एक लाइफ एंड अदर चीजें मेंटेन रहे आप देखिए ऑफिस में अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाई जाती है राइट right? संडेस के दिन छुट्टी या समय समय पर छुट्टी देना राइट right? सही टाइम पे छुट्टी देना कई बार ज्यादा वर्क करवा के लेना ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है कोई अगर मोटिवेट नहीं कर रहा कोई अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसको मोटिवेट करना और किसी का परफॉर्मेंस आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना ये सारी बात किसके अंदर में होती है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर में होती है यस ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम दैट अराइज डिसरप्शन ऑफ सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विथ इंप्लीमेंटेड टास्क इन एडिकुएट ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ये सारी जगहों पे उसको क्या लगता है सपोर्ट लगता है फॉर एग्जाम्पल डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड अदर स्ट्रक्चर यस अगर डिसरप्शन है तो ह्यूमन प्रॉब्लम अराइज होता है सोशल इश्यूज है या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो इस चीज़ को बढ़ावा न देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सब सही चलते रहे ये देखना इन एडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट कई जगह पे टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं आता तो इसको सामने आकर के क्या करना पड़ता है वो वर्क करना पड़ता है मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विथ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन राइट पर्सन होगा इसे ढूंढ करके राइट right जगह पे प्लेस करना इसे ही हम क्या कहते हैं रोल ऑफ एच मैनेजर कहते हैं तो सर ये पांच पॉइंट एग्जाम के अंदर में आने ही चाहिए और यही क्वेश्चन इसके अंदर में पूछा जाता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एच एस एच आर एम shrm may be defined as a linking of human resource management with strategic goal and objective to improve business performance and develop organizational culture that foster innovation and flexibility. that foster innovation and flexibility. success of organization depend upon its human resource. it means how they are acquired, developed, motivated, retained plays an important role in an organization success. yes. एच आर एम प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर दिस ट्रैटेजिक फोकस शुड बी गिवन टू फॉलोइंग पॉइंट प्री सिलेक्शन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस प्री सिलेक्शन से पहले आपको क्या करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना है जॉब एनालिसिस करना है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब के लिए किस तरीके का लोग लगने वाले हैं सिलेक्शन प्रैक्टिस मिन टू स्टाफ वेरियस पोजिशन कौन कौन सी पोजीशन के लिए किस किस तरीके का स्टाफ लगने वाला है ये असेस करना उनको रिक्रूट करना उनको ज्वाइनिंग करना उनको ऑफर देना ये सारी चीजें एचआर मैनेजमेंट के अंदर में आ गई पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिस प्री सिलेक्शन ड्यूरिंग सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिस के अंदर में उनको लेने के बाद उनकी ट्रेनिंग करवाना उनको प्लेस करना उनको लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना टीम में इंट्रोड्यूस करना ये सारी चीजें किसके अंदर में आ गई एचआर मैनेजमेंट के अंदर में आ गई ये सारी चीजें किसके अंदर में आ गई मालिक एचआर मैनेजमेंट के अंदर में आ गई स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्रोवाइडिंग पर्पजफुल डिरेक्शन एन्श्योर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलीज़ बाई ईच ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एंश्योर कर लेना सबसे पहले एंश्योर कर लेना कि हर इंडिविजुअल जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो ऑर्गेनाइजेशन विजन के बारे में पता हो गोल के बारे में पता हो यस नेक्स्ट बिल्ड कोर कंपीटेंस कुछ लोगों को इसे एक्सपर्ट बनाना होगा कुछ टाइप ऑफ एक्टिविटीज में ताकि वो लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो इन चीजों को हैंडल कर सके तो कुछ लोगों को इसे क्या करना होगा एक्टिव uh, बनाना होगा कुछ लोगों को इसके अंदर में इन्वॉल्व करना होगा क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करना होगा यस yes. कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन से तो अपने लोगों को उतना ट्रेनिंग देना होगा ताकि कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस कर सके डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस कर सके इन लोगों को उतना ट्रेन करना होगा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज डिवोट मोर टाइम टू प्रमोट चेंज रादर देन टू मेंटेन स्टेटस को अगर कोई व्यक्ति चेंज लेकर के आता है तो उसे डीमोटिवेट मत करो उसे मोटिवेट करो कि तू कुछ नया लेकर के आ तेरा अगर चेंज एक्सेप्ट हुआ तो तुझे प्रमोशन दिया जाएगा तो उसे मोटिवेट करना होगा मेंटेन वर्क फोर डाइवर्सिटी यू नो ओल्ड एज वेल एज न्यू एम्प्लॉय सीनियर एज वेल एज जूनियर एम्प्लॉय मेल एज वेल एज फीमेल और मल्टीपल कास्ट वाले लोगों को जब ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से फ्लरिश होता है एक्सपीरियंस वाले का एक्सपीरियंस यूज होता है नए वाले का एनर्जी यूज होता है और तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है गिविंग मोर पावर टू दोज हुए प्रेजेंट हैिटिल कंट्रोल यस कई बार कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे ज्यादा क्या दिया जाता है पावर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि चलो ठीक है तुम अच्छे से परफॉर्म करो तुम क्या करो अच्छे से परफॉर्म करो डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स और कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क एथिक्स और कल्चर क्या करना होगा डेवलप करना होगा ये मेन रोल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ यू ये या ये पूछा जाता है चेक करिए एक बार अब यहां पे ये चैप्टर के अंदर में आप बहुत कुछ अपने मर्जी से भी लिख सकते हो डन चलिए जी बढ़ते आगे ये हुआ तीसरा आर डी तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीनिंग रोल ऑफ एच आर मैनेजर इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ एच आर मैनेजर कई बच्चे ये दो वर्ड में कंफ्यूज होते हैं रोल ऑफ एच आर एन एस एम एंड स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं पहले ये फोकस कर लो ये जनरल रोल डिफाइन कर रहा है ये स्पेसिफिक रोल डिफाइन कर रहा है जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है सबसे पहले यह देखना कि राइट टाइम ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो प्रोडक्शन हो और इसका प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी हो यही चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है आखिर प्रोडक्शन वालों का काम क्या होगा सर कॉमन सेंस के साथ सोच करके देखना पहला रॉ मटेरियल लाना प्रोड्यूस करना उसे फिनिश प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट करना यानी रॉ मटेरियल के आने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनने तक का सारा काम किसके अंदर में होता होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में होता होगा और इसकी प्लानिंग लगती होगी कि, कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास सफिशियंट अवेलेबल होना चाहिए सफिशियंट रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स सफिशियंट रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स यस प्रोडक्शन आपको पूरा का पूरा हैंडल करना होगा एंड एट द सेम टाइम आपको अपने रॉ मटेरियल फिनिश गुड की क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट भी फोकस करना होगा आपको यह देखना होगा मशीन और टेक्नोलॉजी हर टाइम पे अप्रोप्रिएट है इसके अंदर में मेजर चार पार्ट आते हैं पहला प्रोडक्शन सिस्टम देखना प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब राइट प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है या नहीं राइट right? कोई मशीनरी हमें चाहिए क्या क्या जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये किस तरीके से मशीनों के तौर पे गुजरेगा इट इज कंसर्न विथ कैपेसिटी लोकेशन लोकेशन कैसे यस yes. लोकेशन कैसे लोकेशन इज डिफरेंट लोकेशन इज डिफरेंट ये लोकेशन किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको समझाता हूं सर मेरे पास एक प्रिमाइसिस है कौन सी मशीन किधर लगानी है कौन सी मशीन किधर लगानी है ये चीज लोकेशन के ऊपर वर्क करती है

डील विद वाइटल इश्यू अफेक्टिंग द केपेबिलिटी केपेबिलिटी टेस्टिंग होता है जैसे मशीन 12000 प्रोडक्ट बना सकती है लेकिन इस साल हम कितनी कैपेसिटी अचीव कर पा रहे हैं क्या हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये सारी बातें किसके अंदर में आएगी इनवॉल्व द डिसीजन ऑफ लॉन्ग टर्म इन नेचर क्या यही मशीन कंटिन्यू हो कर सकते हैं या हमें नए प्रकार की मशीन लगेगी किसके लिए बेटा बिजनेस के लिए ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है देखो बेटा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना टॉपिक नंबर सिक्स इसके अंदर में थ्योरी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है थ्योरी लेकिन ये टॉपिक कॉमन सेंसिकल ज्यादा है प्रैक्टिकल ज्यादा है रादर देन थियोरी यस yes, ये टॉपिक प्रैक्टिकल है कई बार ऐसा लगेगा अरे यार बस करते हैं सुबेरे से बहुत हो गया आठ बजे से बैठे यार आठ बजे से अपन पढ़े जा रहे हैं एक बज रही है यार बेटा याद रखना एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है पचास मार्क खत्म हो रहे हैं हिम्मत रखनी पड़ती है और बेटा रिजल्ट उनको मिलता है जो पेशेंस रखते हैं उनको नहीं मिलता जो हड़बड़ी में बाहर निकल गए अब देखो जो लोग कंटिन्यूस आठ बजे से तीन बजे तक बैठेंगे इनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा अब जो लोग बीच में चले गए उनको फिर से समय निकाल करके ये चीज देखनी पड़ेगी आप सोच करके बताइए फायदा आपका किस में है आप सोच करके बताइए आपका फायदा किस में है तो टिके रहो कई बार मन बोलेगा कि यार उड़ जाते हैं मन विचलित होता है बेटा मन चंचल होता है वो कई बार ऐसा उड़ने की कोशिश करता है टिका करके रखने का क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी में पढ़ाई हो जाएगी हो जाएगी इसके बाद ये पढ़ाई नहीं होती कंटिन्यूटी में पढ़ाई हो जाएगी हो जाएगी इसके बाद ये पढ़ाई कभी नहीं होती है यस yes, और अभी आज मेरे एसएम के बाद तो आपको ई भी देखना है मेरे एसएम के बाद तो आपको ई भी चेक करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा देखना ही पड़ेगा चेक करिए बेटा प्रोडक्शन सिस्टम सबसे पहली चीज क्या डिसाइड होगी प्रोडक्शन सिस्टम इसके बाद क्या होता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल यहां पे क्या होता है यहां पे ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है कि आपको आपका प्लान करना पड़ेगा रॉ मटेरियल सही टाइम पे अवेलेबल है नहीं फिनिश गुड आप सही टाइम पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़े हो या नहीं कर रहे हो क्वालिटी एफिशिएंसी तीनों चीज़ें पर फोकस करना पड़ता है इट इज़ कंसर्न विद एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग मटेरियल सप्लाई इन्वेंट्री कॉस्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट येस ये सारी चीज़ें इसमें आती है ये सारी चीज़ें इसमें आती है कि सही टाइम पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं हमारा फिनिश गुड्स बन रहा है या नहीं बन रहा है बन रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं ये सारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन प्लानिंग में आता है थर्ड थर्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अब हमने तो मटेरियल बना लिया इसे अलग अलग जगह पे सप्लाई भी करना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इसको यहां से अलग अलग ब्रांचेस में शिफ्ट करना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसको अलग अलग जगहों पे रखवाना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सो इट इज द प्रोसेस विच इंटीग्रेट द फ्लो ऑफ सप्लाई थ्रू एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज अ फ्लो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहां से आएगा कहां को जाएगा ये सभी चीजें टाइम पे होनी चाहिए आप देखिए आपको समझाया जाता पढ़ाया जाता है ईआरपी ये सोनो आपको क्या कराया जाता है ईआरपी पढ़ाया जाता है ईआरपी में आपको बताया जाता है कि भैया जैसे ही रॉ मटेरियल खरीद होने वाला हो एक री ऑर्डर क्वांटिटी हो जानी चाहिए क्या होना चाहिए एक री ऑर्डर क्वांटिटी हो जानी चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी एंड श्योर दैट राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम राइट मटेरियल अवेलेबल हो राइट प्लेस पे राइट टाइम पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प्स इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स कैन रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग अगर आप अपना लॉजिस्टिक्स बचा सकते हो तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है यस चलो जी सो so, तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और चौथा पार्ट आता है एस सी एम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के इसे फाइनल कंज्यूमर तक के पहुंचाना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट रखता है स इट रिफर्स टू द लिंकेज बिटवीन सप्लायर मैन्युफैक्चर एंड कस्टमर इट इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटी लाइक सोर्सिंग प्रोक्योरिंग मटेरियल एंड कन्वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक्स इट इंकलॉल्व क्लोजली वर्किंग विथ चैनल पार्टनर्स इट इज अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच सप्लाई चेन मैनेजमेंट रॉ मटेरियल के आने से लेकर के सप्लाई तक के पहुंचने तक का सारा पार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए कई चीज़ें लगती है जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट लगता है प्रोक्योरमेंट लगता है फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउटसोर्सिंग होती है बाद में कस्टमर सर्विस होता है और फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है आप देखिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट लेकर बनाओगे फिर प्रोक्योर करोगे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करोगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे फिर आउटसोर्सिंग करोगे खुद डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा अलग अलग लोगों को दोगे सेल्स करने के लिए कस्टमर सर्विस कस्टमर को कोई तकलीफ आया तो वारंटी एंड अदर इशू हैंडल करोगे एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट करोगे कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में आती है चेक कर लीजिए एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फोकस करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर फोकस करना ये चीजें पूछी जाती है डन चलिए सो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्ट्रेटजी अब लास्ट आते हैं किसके ऊपर बेटा मार्केटिंग के ऊपर अब ये होता है किसके ऊपर बेटा मार्केटिंग के ऊपर लास्ट है किसके ऊपर बेटा मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग जाहिर सी बात है आप प्रोडक्ट बना लो लेकिन अगर लोगों तक ना पहुंच पाए आपने अगर प्रोडक्ट बना लिया लेकिन लोगों तक के अगर ये नहीं पहुंच पाया तो इसका मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हुआ रे इसका मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हुआ क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा दिखना तो चाहिए दिखेगा तो बिकेगा दिखना तो चाहिए और इसी के लिए क्या किया जाता है मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है इसी के लिए क्या किया जाता है मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है और मार्केटिंग कई प्रकार की होती है कितने प्रकार की मार्केटिंग होती है यही चीज यहां पर लिखी हुई है नेक्स्ट है बेटा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब क्या है डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड कनेक्टिंग विद कस्टमर मार्केटिंग के दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं पहला डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर अपनी वैल्यू कस्टमर तक के पहुंचाना कि हमारा ये प्रोडक्ट है हमारा ये वर्थ है और इस, इस तरीके का है दूसरा कनेक्टिंग विद कस्टमर कस्टमर के साथ क्या करना कनेक्ट करना कस्टमर के साथ क्या करना कनेक्ट करना यस आइए मार्केटिंग एनालिसिस एनालाइज द एनवायरमेंट टू अवॉइड थ्रेट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग किस टाइम पे की जाती है मार्केटिंग उस टाइम पे की जाती है जब आप एडवांटेज लेना चाहते हो किसी भी अपॉर्चुनिटी का आप किसी भी अपॉर्चुनिटी का क्या लेना चाहते हो एडवांटेज लेना चाहते हो तो आप क्या करते हो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द रिजल्ट टू देयर इवेलुएशन टू टेक करेक्टिव एक्शन और साथ साथ में आप क्या करते हो इवैल्युएट करते हो करेक्टिव एक्शन के साथ कि भैया हमें क्या करना है मार्केटिंग सही समय पे करना है जब जब आपका सेल्स डाउन होने वाला रहेगा आप क्या कर लो मार्केटिंग कर लो जब जब आपका सेल्स डाउन होने वाला रहेगा आप क्या कर लो मार्केटिंग कर लो यस मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल दैट फॉर्म्स ब्लेंड टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स मार्केटिंग कई चीजों के साथ की जाती है पहला प्रोडक्ट कोई ना कोई कस्टमर सोल्यूशन लेकर के आ जाइए प्रोडक्ट मार्केट कीजिए प्राइज मार्केट कीजिए प्लेस मार्केट या फिर प्रमोशन चार पीज होते हैं मार्केटिंग मिक्स में चार पीज होते हैं पहला प्रोडक्ट दैट इज कस्टमर सोल्यूशन प्राइज कस्टमर की कॉस्ट मार्केट करो आप क्या लेकर के आओ डिस्काउंट्स लेकर के आओ एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ऑफर कर दो प्राइस एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे दो प्लेस कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दो promotion that is communication promotion that is communication people at large product a combination of goods and services strategies are needed for managing the existing product product can be differentiated brand enable customer to identify the product brand enable the customer to identify the product yes read price and products चेक करो बेटा प्राइस अमाउंट ऑफ मनी टू पे द ऑबटेन द प्रोडक्ट कंपोजिट एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू एंड यूटिलिटी अगर आपने बेस्ट प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर में प्रोवाइड किया तो लोग हमेशा यही लेना चाहेंगे फॉर न्यू प्रोडक्ट प्राइजिंग में चूज टू स्कीम प्राइस स्कीमिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है स्कीमिंग प्राइजिंग क्या होता है स्कीमिंग प्राइजिंग का मतलब होता है कि आप क्या करो शुरुआत के अंदर में हाई प्राइस चार्ज करो और बाद में लो प्राइस चार्ज करोट प्राइस स्कीम करते हुए चले जाओ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हाई प्राइस करो और बाद में धीरे 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 प्राइस रिड्यूस करते जाओ अब आप रिसेंटली देखिएगा ना जैसे एप्पल का थर्टीन लॉन्च हुआ टेन इलेवन और ट्वेल्व तीनों के प्राइसेस को क्या किया गया ड्रॉप किए गए इनफैक्ट ट्वेल्व प्रो और ट्वेल्व प्रो मैक्स को बंद कर दिया गया क्योंकि थर्टीन आ गया यस yes, तो ये प्राइस स्कीमिंग टेक्निक प्लेस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी टू टारगेट कस्टमर चैनल बाय बायविच ओनर प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर ये इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजीज आर डिसाइड प्लेस कहां से आप बाय कर सकते हो अब जैसे हमारे लेक्चर है आप हमारे लेक्चर हमारी वेबसाइट व्हीलन क्लासेस से तो बाय कर ही सकते हो आप हमारे जितने चैनल पार्टनर है उन सारे चैनल पार्टनर से भी आप क्या कर सकते हो बाय कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट मल्टीपल जगह पर क्या हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मल्टीपल जगह पर क्या हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा एंड दैट इज वेयर इट विल क्रिएट एन एडवांटेज प्रमोशन कम्युनिकेशन मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड टारगेट टू कस्टमर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करो मार्केट करो और मार्केट करके आप उनको बताओ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर में क्या खासियत है जब आप अपने प्रोडक्ट की खासियत लोगों को बताओगे आप देखिए एक मूवी का टीजर निकाला जाता है क्यों निकाला जाता है यह बताने के लिए कि पिक्चर कितनी धासु है क्या एक्शन है क्या रोमांस डाला है क्या डांस डाला है यह टीजर निकाले जाते हैं अगर आप देखोगे रिसेंटली एक मूवी आने वाली है एस एस राजाउली सर की आर 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 अब देखिए उसका धीरे 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 क्यूरोसिटी बढ़ाया जा रहा है कभी सिर्फ टीजर लॉन्च करते कभी सिर्फ मूवी लॉन्च करते मूवी का एक ट्रेलर लॉन्च करते कभी एक डायलॉग लॉन्च करते कभी एक पोस्टर लॉन्च करते यानी क्यूरोसिटी बढ़ाई जा रही है लोगों को बताया जा रहा है एक मास फिल्म आ रही है क्या आपने देखा है लोगों को बताया जा रहा है भैया एक मास फिल्म आ रही है डन चलो जी क्या क्या मेथड है पहला पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग क्या होता है फेस टू फेस एक दुकान ओपन करके जब आप सेल करते हैं इसे हम पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं फेस टू फेस दूसरा एडवर्टीजमेंट हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रमोशनल मेथड हाईली फ्लेक्सिबल है एडवर्टीजमेंट है हाईली फ्लेक्सिबल है प्रमोशन मेथड है नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी करो पर्सनल नहीं होता अलग अलग तरीके से पब्लिसिटी दो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी टू प्रमोट बिजनेस अनलाइक प्रीवियसली मेंशन कितने तरीके हैं मार्केटिंग के मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं पहला पहला सोशल मार्केटिंग आप कोई ना कोई एक सोशल मैसेज दो आप मार्केटिंग के साथ कोई ना कोई एक सोशल मैसेज दो इसे हम कहेंगे सोशल मार्केटिंग यस जैसे विस्पर की एड ये क्या है एक सोशल मार्केटिंग है सैनिटरी पैड्स को एक आम बताना एक नॉर्मलाइज करना या पीरियड को नॉर्मलाइज करना डेट इज सोशल मार्केटिंग ऑगमेंटेड मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का एक डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट लगा देना होर्डिंग लगा देना डायरेक्ट मार्केटिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग पर्सन मार्केटिंग सर्विस जाहिर सी बात है सर्विसेज के ऊपर पर्सन मार्केटिंग किसी व्यक्ति को मार्केट करना नरेंद्र मोदी जी इन केस ऑफ बीजेपी पर्सन मार्केटिंग का एग्जाम्पल है कि उन्हीं को क्या किया जाता है फ्लैश किया जाता है प्रमोट किया जाता है पर्सन मार्केटिंग किसी पर्टिकुलर टीचर का एडवर्टीजमेंट क्या है बेटा आपका पर्सन मार्केटिंग के अंदर में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पतंजलि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट करता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट करता है प्लेस मार्केटिंग कोई घूमने की जगह होती है उस को मार्केट करना इज अ प्लेस मार्केटिंग आओ कभी गुजरात में इज अ प्लेस मार्केटिंग एनलाइटेंड मार्केटिंग डिफरेंशियल मार्केटिंग कुछ तो यूनिक निकाल करके लेके आना एडवर्टीजमेंट के अंदर में यूनिक तरीके से नया तरीका एडवर्टीजमेंट का अब जैसे मैं आपको बताता हूं यूनिक मार्केटिंग का एक तरीका आपको पता है वो परमानेंट मार्कर जो होता है परमानेंट मार्कर का आप लोगों ने एक ऐड नहीं देखा होगा तो बहुत यूनिक एड है मतलब अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना इन अ कॉमिक वे मैंने उससे बेहतर कभी नहीं देखा आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप एक वो एडवर्टीजमेंट था एडवर्टीजमेंट के अंदर में क्या था कि लेडी के हस्बैंड जो थे वो बीमार थे और वो गुजर जाते हैं फिर एक प्रथा होती है कि वो जो उसका टीका होता है वो मिटाया जाता है तो वो आते उसका टीका मिटाने के लिए टीका मिटता ही नहीं और पति इतने में जिंदा हो जाता है और बाद में पीछे से एडवर्टीजमेंट आती है ये परमानेंट मार्कर है एकदम यूनिक वे में एक इंप्रेशन छोड़ करके जाना और एक अलग आप फेविकॉल के एड्स देखो हमेशा यूनिक मिलेंगे आपको फेविकॉल के एड्स देखो हमेशा आपको यूनिक मिलेंगे सिंक्रनाइज्ड मार्केटिंग सिंक्रनाइज्ड आपका एक प्रोडक्ट के साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट को मार्केट करो या दो प्रोडक्ट को एक साथ आप मार्केट कर सकते हो यस डी मार्केटिंग मार्केटिंग बंद कर देने को हम डी मार्केटिंग कहते हैं मार्केटिंग बंद कर देने को हम डी मार्केटिंग कहते हैं यस। एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स ये आप नहीं करो तो भी चलेगा सो दीज आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या पूछा जाता है इसमें मार्केटिंग वेरिएबल्स पूछे जाते हैं क्या पूछा जाता है इसमें एग्जाम में आपको मार्केटिंग वेरिएबल पूछे जाएंगे आप देख लो एल्स बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया एल्स बाकी सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है प्रभु आपके मन में कुछ सवाल आएंगे इन सवालों के जवाब दे देता हूं नेक्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले पहला सर हमने ये मैराथन तो देख लिया हमने कंप्लीट भी कर लिया सब कुछ समझ में भी आ गया प्रैक्टिस कैसे करें देखिए एसएम के अंदर में अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको किसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करना जरूरी है सर हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कहां से करें पॉइंट नंबर वन मॉड्यूल से करो मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं सिनेरियो बेस्ड स्टडीज आई है इन सिनेरियो बेस्ड स्टडीज को लेकर के आप पढ़ सकते हो इन चार्ट्स के साथ यस yes, एक तरीका दूसरा मैंने जो क्वेश्चन इशू किया एस एम का बुक इशू किया वो ले सकते हो उसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आप वो देख सकते हो एक गलती जो बच्चा एसएम के अंदर में करता है वो ये है कि एमसीक्यू की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता है लेकिन एसएम के एमसीक्यू की, की प्रैक्टिस नहीं करता इनफैक्ट टीआईएस की भी नहीं करता यह गलती मत करना आपने एसएम एम के एमसीक्यू की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फेयर मैंने आपके लिए एक बेनिफिट जरूर क्रिएट करके रखा है मैंने टेलीग्राम के ऊपर एस एम के एमसीक्यू डाल रखे हैं प्लीज उसको जाकर के लो ताकि आपको इसका बेनिफिट प्रोवाइड हो प्लीज उसको जाकर के लो ताकि आपको उसका बेनिफिट प्रोवाइड हो यस करना क्या है आप जब बहुत सॉल्व करोगे तो आपको इसके अंदर में मार्क्स मिलेंगे देखिए इतनी बात तो कंफर्म है अगर ई आई और एसएम की बात करूं मैं तो एस इज मोर स्कोरिंग ये कोई भी बोल देगा आपको क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर में सेक्शन नहीं है पर्टिकुलर वर्ड लिखने के बाउंडेशन नहीं है आप अपने वर्ड यूज कर सकते हो जनरल लाइफ एग्जांपल लेकर के आ सकते हो तो आपके पास लिखने का बहुत स्कोप है लेकिन हाँ लिखना आपको कंटेंट वाइज ही पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो लिखना आपको कंटेंट ही पड़ेगा यस उसके कुछ वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे और ये वर्ड्स तभी याद हो सकते हैं जब आप उसको मल्टीपल टाइम या तो रेफर करो या तो मल्टीपल टाइम उसको लिख के ले लो तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करेगा तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करेगा ये बात याद रखिएगा यस yes. और हां बेटा ई आई एस एस एम पढ़ते वक्त सर पहले क्या पढ़ना चाहिए ई आई एस पढ़ना चाहिए एस एम पढ़ना चाहिए मैं तो कहूंगा दोनों साइड बाय साइड पढ़ना चाहिए मतलब आप एस एम का एक टॉपिक उठा लो फिर ई आई एस का एक टॉपिक उठा लो ई आई एस थोड़ा सा कॉन्टेंट वाइज भारी जाता है फिर एस एम का एक उठा लो फिर ई आई एस का एक उठा लो इस तरीके से भी पढ़ सकते हो अदरवाइज पहले ई आई एस पढ़ो और फिर एस एम पढ़ो क्योंकि एस एम रिलेटिवली ईजी है एज कंपेयर टू ई आई एस एसएम रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ई आई एस तो आप उस तरीके से भी क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो यस yes. चलिए यहां हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है यहां हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है कौन सा बेटा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी सर पहले वन पढ़िए वन से थ्री में जाइए थ्री से टू में जाइए टू से फोर फाइव सिक्स में जाइए आपके छह टॉपिक हो चुके हैं आउट ऑफ एट दो ही टॉपिक बचे एंड अब दो ही टॉपिक बचे हैं पर पहले अपने आपके लेवल को समझिए आपका लेवल कहां तक पहुंच चुका है आपका लेवल चैप्टर नंबर वन में आपने ये समझा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है चैप्टर नंबर थ्री में समझा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे इंटरनल 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 एक्सटर्नल एनालिसिस इं करना होता है चैप्टर दो में पढ़ा आपने कॉर्पोरेट वाले किन किन तरीके की लेंगे बिजनेस वाले जब बनाएंगे तो क्या क्या होगा और, के बाद और हर लेवल ने अपना काम कर लिया होगा अब एक स्ट्रैटेजी बन गई होगी अब यह स्ट्रैटेजी क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंटेशन का पूरा जिम्मेदारी इंप्लीमेंटेशन का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है सेवन के ऊपर आता है यस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ये स्ट्रेटेजिक लीडर ही है जो सबसे पहले इन स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देता है और पूरी स्ट्रेटजी को लीड करता है पूरी स्ट्रेटेजी को क्या करता है लीड करता है सबसे पहले जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर करने के बाद ही आप इसको सही तरीके से क्या कर पाएंगे इंप्लीमेंट कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर स्ट्रक्चर बना लिया क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेशन जो होगा कोई भी स्ट्रेटेजी का ये डिपेंड करता है आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो जाकर के आप उसका इंप्लीमेंट कर पाओगे और कंट्रोल कर पाओगे एट चैप्टर में तो चैप्टर नंबर सेवन आपको सबसे पहले क्या बताएगा चैप्टर नंबर सेवन आपको ये बताएगा कि अगर आपको इंप्लीमेंटेशन में जाना है तो उसके पहले आपका क्या होना जरूरी है उसके पहले आपका एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इंप्लीमेंटेशन प्लान करोगे यस yes, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे इंप्लीमेंटेशन प्लान करोगे तो इंप्लीमेंटेशन चैप्टर एट में प्लान करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के बारे में आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई इसको एक लीडर लगेगा और आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्या होगा इंप्लीमेंट होगा तो आपको अब ये भी समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक लीडर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं आइए समझते हैं यस अच्छो let us start with the another topic chapter number 7 the second last chapter of this marathon the second last chapter of this revision series organization and strategic leadership a step प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन जब तक कि आप ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और एक लीडर डिसाइड नहीं कर देते स्ट्रेटेजिक लीडर मतलब ये जो लीडर है यह पूरी स्ट्रेटेजी को लेकर के चलेगा ये वो मैनेजर होगा ये चेक करेगा कि जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है वो स्ट्रैटेजी से आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है और क्या स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन करने से पहले हमें किसी प्रकार के स्ट्रक्चर चेंज की जरूरत है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं अब सपोज कर लीजिए वीलन वीलन के अंदर में अगर सारे डिसीजन मैं ही लेने लग गया तो आप सोच के देखिए विजय के पास क्या क्या काम बच जाएंगे विजय पढ़ा भी ले विजय नोट्स भी बना ले विजय यू नो क्वेरीज भी सॉल्व कर ले विजय फैमिली भी हैंडल कर ले विजय ऑनलाइन ऑर्डर भी देख ले ऑनलाइन ऑर्डर की क्वेरी भी देख ले टेक्निकल टीम का सपोर्ट भी देख ले बुक्स प्रिंट आ रही है या नहीं आ रही है सेंटर मैनेजमेंट भी देख ले इतना सब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको तो पता है मैं हूं सुपर ह्यूमन पर सुपर ह्यूमन जैसे काम थोड़े तो नहीं करूंगा मेरा भी तो घर बार बीवी बच्चे है कि नहीं है मेरा भी तो घर बार बच्चे है या नहीं है यानी मुझे अपना वर्क क्या करना होगा डेलीगेट करना होगा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को डेलीगेट करना होगा बराबर है अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम बार बार मेरे तक आने लग गए तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा या तो नोट्स नहीं बना पाऊंगा आप छोटे छोटे प्रॉब्लम सपोज कर लीजिए छोटे छोटे प्रॉब्लम किस किस प्रकार के हुए सर पैकिंग मटेरियल खत्म हो गया अब ये इश्यू अगर मैं हैंडल करने लग गया या मैं ढूंढने लग गया पैकिंग मटेरियल कहां मिलेगा कहां एक रुपये सस्ता मिलेगा ये यू uh, नो you know, क्या होगा इमेजिन कीजिए अगर बिजनेस ओनर का टाइम इन चीजों में जाएगा तो क्या बिजनेस सही तरीके से चल पाएगा क्या वो डिसीजन ले पाएगा कभी भी नहीं तो बिजनेस ओनर का टाइम जो होना चाहिए ना मेरे भाई वो बहुत स्पेसिफिक चीजों के अंदर में यूज होना चाहिए हर जगह नहीं यस yes, पेन लाना है रजिस्टर लाना है बुक्स लाना है अब ये जो छोटे छोटे वर्क हो गए आप इनके लिए ओनर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते और इसीलिए तो हेनरी प्योल ने कहा था कि भैया ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट होना चाहिए ये डे टू डे हो गया ये डे टू डे हो गया आप बात समझ रहे हो इसके बाद में कौन से पोस्ट बनने चाहिए मार्केटिंग किधर होनी चाहिए मैं पढ़ाऊँ या इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दू आई एम अ टीचर मेरे को पढ़ाने के ऊपर ध्यान देना मार्केटिंग एन अदर चीज ये मेरी टीम करते रहनी चाहिए मार्केटिंग एन अदर ये कौन करना चाहिए ये मेरी टीम करते रहनी चाहिए तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है इसके लिए एक सेपरेट पर्सन रखना पड़ेगा अब ये हर एक व्यक्ति आके भी अगर मेरे से बात करेगा तो काम नहीं होगा इसीलिए मुझे एक हायरार्की बनानी पड़ेगी एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भैया मैं सिर्फ एक या दो व्यक्तियों से बात करूं वो लोग नीचे दो अलग तीन अलग लोगों से बात करें वो लोग और लोगों से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होते जाता है ऑर्गेनाइजेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स होते जाता है और स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन में फिर शायद उतनी ही दिक्कतें आ सकती है या उतना ही एफर्ट्स लग सकता है तो चैप्टर नंबर सेवन यह कहता है कि स्टेप नंबर एट में इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आप स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में समझ लो और ऑर्गेनाइजेशन और के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो क्योंकि स्ट्रक्चर पे इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट पड़ता है या स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंटेशन पे इंपैक्ट पड़ता है ये दोनों चीजें होती है आइए समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलता है चैप्टर नंबर सेवन में सबसे पहले आंतरप्रेन्योर एंड इंतराप्रेन्योर के ऊपर क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन होता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पे और तीसरा होता है बेटा स्ट्रक्चर ये तीन चीजें इस चैप्टर का पार्ट है आंतरप्रेन्यंतरा प्रेन्यर दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक लीडर तीसरा होता है अलग अलग स्ट्रक्चर ये तीन में आपका चैप्टर खत्म है डन कर लिया बेटा चेक सबसे पहले चालू कीजिए एक छोटे से टॉपिक से यह टॉपिक जब भी आप चालू करो पहले छोटे से टॉपिक से चालू करो और इंटरप्रेन आंतरप्रेनियर मतलब वो व्यक्ति जो क्या करता है रिस्क लेता है आंतरप्रेन्योर मतलब वो जो कैपिटल लगाता है आंतरप्रेन्योर मतलब वो जो बिजनेस का ओनर होता है ये वो व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है अपना स्किल लेता है अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देता है यह होता है आंतरप्रेन्योर अब एक होता है इंतरा प्रेन्यर ओनर तो नहीं होता लेकिन वो एम्प्लॉय होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंज लेकर के आता है ही इज द पर्सन बिहाइंड एवरी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ही इज द पर्सन हु लुक आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन गोज इन इन अ प्रॉपर वे वो आंतरप्रेन्यर तो नहीं होता लेकिन आंतरप्रेन्यर के पीछे का सारा काम वो हैंडल करता है अब जैसे अगर मैं बात करूं जैसे अगर मैं बात करूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरे नीचे तीन लोग ऐसे हैं जो मेरी जगह पे अपने पूरे काम हैंडल करते हैं मेरे पूरे काम हैंडल करते हैं वो दे मेक एंश्योर कि मेरे तक के चीजें आए ही नहीं मेरा टाइम पूरा या तो पढ़ाने में जाए या तो नोट्स के अंदर में जाए तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं यस yes, ये लोग इंतरा और हुए मैं आंतरप्रेन्य और हो गया पर सही मामलों में अगर देखा जाए तो मेरी ये टीम ही मेरे लिए आंतरप्रेन है मैं तो इनके अंदर का एक वन ऑफ द खिलाड़ी हूं सो द सेप्ट ऑफ एंटरप्रनियर ऑंटरप्रेन्योर अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क टेकिंग अप्रोप्रिएट टू द अपॉर्चुनिटी इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड फ्यूजन ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट ये सभी चीजों को एक साथ लेकर आता है ये कैपिटल को लेकर के आता है ये टेक्नोलॉजी को लेकर आता है ये ह्यूमन टैलेंट को, को एक साथ लेकर के आता है यस ही इज द वन हु इनोवेट्स नया आइडिया लेकर के आता है यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है अरेंज एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेस ये अरेंज करता है रिसोर्सेस कोऑर्डिनेट करता है रिसोर्सेस को फेस रिस्क एड वैल्यूज टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कंसेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योर रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉय हुन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय हुमोट द इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नथिंग बट एंटरप्रेन हु द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के अंदर में रह करके क्या करता है अपनी चीजें डेवलप करता है इंटराप्रेन्योर बिलीव इन चेंज एंड डू नॉट फील फेलियर ये नए 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 तरीके खोज करके निकालता है और फेलियर से डरता भी नहीं है दे डिस्कवर न्यू आइडिया दे डिस्कवर न्यू आइडिया इन शॉर्ट वन गुड पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन में बी कॉल्ड एस वट इंतरा प्रेन्यर सो एक क्वेश्चन इस पे आता है आंतरप्रेन्यर इंतरेप्रेन्योर अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर अब आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो देर स्ट्रक्चर जनरली चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स व्हेन फर्म चेंज इट्स स्ट्रेटेजी द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बिकेम इनएक्टिव तो जैसी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे वर्क कर पाएगी या नहीं कर पाएगी स्ट्रैटेजी को यह इंफ्लुएंस करता है इसीलिए इंप्लीमेंटेशन से पहले आपको क्या करना होता है स्ट्रक्चर समझना होता है भाई साहब देखिए इतने प्रकार के स्ट्रक्चर है इतने प्रकार के स्ट्रक्चर है इस धरती पर सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल जितना नाम सिंपल है इतना काम सिंपल है सिंपल स्ट्रक्चर किसके लिए बात करता है एक छोटी सी किराना दुकान स्ट्रक्चर कैसा होता है एक होता है ओनर और ओनर के नीचे होता है एम्प्लॉय बस खत्म एक सादी किराना दुकान की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक सिंपल स्ट्रक्चर एक छोटी सी दुकान जहां पे एक ओनर होता है एक एम्प्लॉय होता है कम्युनिकेशन जो होता है ये डायरेक्ट होता है कम्युनिकेशन जो होता है ये डायरेक्ट होता है एक दूसरे से ही यस yes, जनरली कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक ही आदमी होता है वो घर से डिब्बा भी लेकर के आता है अरे भाई सिंपल सा बात कहूं तो जेठालाल की दुकान जेठालाल की दुकान और अपने नट्टू काका और बाघा यस yes, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तकलीफ साथ में झेलते कोई स्किल रिक्वायरमेंट नहीं वही इनके घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा वो इनके टिफिन भी लेकर के आएगा वही इनके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा सो आर यू टीएमओसी के फैन क्या आप भी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैन है मैं तो हूं भाई अपन तो है क्या बचपन से देख करके बड़े हुए हुए लोग है यार अपन इस 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 पर्टिकुलर सीरियल को अपन बचपन से देख करके बड़े होते तक के देखते आ रहे इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज दैट फॉलो सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल जोग्राफिकल मार्केट ओनर मैनेजर मेक ऑल डिसीजन यस आपने भी देखा होगा कि बाघा कई बार डिसीजन ले देता भैया भाई से पूछे बगैर यस लिटिल स्पेशन ऑफ टास्क ओनली फ्यू रूल्स लिटिल फॉर्मलाइजेशन अनसोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटिल स्पेशलाइजेशन कोई स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत नहीं नट्टू काका का नॉलेज ही काफी है फ्यू रूल्स रूल्स का कोई है नहीं कभी भी वो बाघा की गर्लफ्रेंड आ सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है लिटिल फॉर्मलाइजेशन फॉर्मेलिटी कुछ नहीं कोई टाई पहन के आओ अच्छे से कपड़े पहन के आओ कुछ नहीं कभी कभी भी आओ, कभी भी आओ जाओ वाला मैटर है। अनसोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम अनसोफेस्टिकेटेड वे में रखा जाता है कोई proper नहीं ढूंढना पड़ता है वो वो फाइल किधर है आठ जगह ढूंढ रहे रिजल्ट इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर स्मॉल कंपनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है यस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है दूसरा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिपेयर शॉप फर्नीचर शॉप फंक्शनल स्ट्रक्चर आपके अंदर में कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है मार्केटिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर में आती है यहाँ लोग हर तरीके का काम नहीं करते जिस काम में वो स्पेशलाइज है सिर्फ वो वही काम करेंगे मोबाइल रिपेयर्स दुकान के अंदर में आप जाओगे इस शॉप के अंदर में या जो मोबाइल रिपेयर्स के अंदर में होते हैं वहां पे जो इंजीनियर्स होते हैं जो इनसे हैंडसेट्स को ओपन करते हैं और इनके इश्यूज को सॉल्व करते हैं फ्रिज या टीवी के जो यू नो रिपेयर्स वाले होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं एंड हैज गॉट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग कार रिपेयर्स वाले जो होते हैं ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के साथ वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर चीज का उनको 100 परसेंट नॉलेज होता है उस पर्टिकुलर चीज का इनको हंड्रेड परसेंट नॉलेज होता है एंड दैट इज वेयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वर्क ग्रुप टास्क एंड एक्टिविटी बाय बिजनेस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सपोर्ट बाय कॉर्पोरेट स्टाफ विद फंक्शनल लाइन मैनेजर्स अनेबल द कंपनी टू ओवरकम ग्रोथ रिलेटेड कंस्ट्रेन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर कंपेर्ड टू द सिंपल स्ट्रक्चर दे आर सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स सीओ मस्ट इंटीग्रेट फंक्शनल डिसीजन मेकिंग फंक्शनल स्पेशलिस्ट ऑफर मेक डेवलप अ माओपिक परस्पेक्टिव ये एक नैरो परस्पेक्टिव में होते हैं कि भैया ये मेरा काम नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये किसके अंदर में होते प्रभु ये एक मायोपिक प्रोस्पेक्टिव लेकर के चलते हैं डन चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजन 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 में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा और ग्रो करता है तो अलग 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 डिवीजन बना दिए जाते हैं मिडसाइज ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर होता है मिडसाइज ऑर्गेनाइजेशन आप एग्जाम्पल ले लीजिए वीलन का अब वीलन के अंदर में हमारे क्या क्या डिविजन है एक बुक्स आर एंड डी एक डिविजन ये है जिसके अंदर में छह लोग हैं जो सिर्फ बुक्स बनाते हैं जो फिर बुक्स एंड कंटेंट डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तभी तो जाके रेगुलर बुक ट्रैक बुक चार्ट्स एंड अदर चीजें बनती है दूसरा है मार्केटिंग कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं अलग 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 जगह पे मार्केटिंग करा जाता है तीसरा तीसरा ऑर्डर प्रोसेस कुछ लोग हैं जो ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऊपर होते हैं जैसे जैसे कोई ऑर्डर आया इसको प्रोसेस करना इसको प्रोसेस करने के बाद इसका बुक्स निकालना बुक्स निकाल करके देना एक होता है डिस्पैच यूनिट एक होता है डिस्पैच यूनिट कुछ लोग होते हैं जो डिस्पैचिंग ऑफ बुक्स के अंदर में होते हैं जो बुक्स आया उसको अंदर में डालो उसको पैक करो पैक करके यू you नो know, एक व्यक्ति को दो एक होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो हर जगह के अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान देता है जो हर जगह के अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान देता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो ये हो गया डिवीजन अलग 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 डिवीजन लेकिन इस डिवीजन में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है मार्केटिंग के लिए मैं कोई भी रैंडम गाय उठा, उठा करके नहीं लेकर आऊंगा मैं डेफिनेटली वो बंदा उठा करके लेके आऊंगा जो स्पेसिफिकली होगा मार्केटिंग के अंदर में मैं जब बुक के अंदर में लेके आऊंगा तो मैं उन लोगों को लेके आऊंगा जिनको इन सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वो इसके अंदर में क्या करेंगे अलग 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 प्रोसेसिंग करेंगे ये डिस्पैच के अंदर में मुझे क्या चाहिए स्किल्ड लोग नहीं चाहिए अनस्किल्ड जिसको एक बार बुक दिखा दिया तो भी उसको समझ में आ जाए वो मुझे क्या चाहिए इधर चाहिए यस डिविजनल स्ट्रक्चर मीनिंग द ऑर्गेनाइज इन वन ऑफ द फोर वेज बाय ज्योग्राफिकल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर भी डिविजन बनाया जा सकता है जैसे ब्रांचेस होती है यस yes. प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पे भी हो सकता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए इधर आइए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने के लिए कहीं और जाइए कस्टमर और बाय प्रोसेस फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ सेंट्रली एंड इन ईच डिवीजन सेपरेटली फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है सेंट्रली भी और डिविजन में भी सेपरेटली की जाती है क्या एडवांटेज होते हैं अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर मार्केटिंग या सेल्स कम हुआ मार्केटिंग वाले जिम्मेदार बुक्स में गड़बड़ हुई आर एनडी वाले जिम्मेदार अकाउंटेबिलिटी आप सेट कर सकते हो डिजन में क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज हो जाते हैं एक करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी की वो उसके अंदर में एक्सेल करें अलाउ लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन लोकल कंट्रोल लोकल सिचुएशन का येस yes, क्योंकि यहां पे जो लोग रहेंगे ये यहां पे हमारे आसपास के लोकल लोग रहेंगे लीड टू अ अम्पिटेटिव क्लाइमेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बेहतर वर्क करना चाहेगा डिसएडवांटेज क्या है कॉस्टली है आप इतने डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हो हर डिपार्टमेंट में एक दो एक दो लोग रखोगे तो ये जाहिर सी बात है इट विल इंक्रीज द कॉस्ट डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेस हो सकता है एक आदमी दो काम कर दे डुप्लीकेशन हो सकता है डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रखने में डिफिकल्टी आती है भाई साहब यस yes. वेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर जोग्राफिक वाइज डिवाइड कर सकते हो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो यस रिलायंस मल्टीपल बिजनेस के अंदर में है आप इस प्रोडक्ट के फाइनेंस में होंगे आप इस प्रोडक्ट के फाइनेंस में होंगे आप इस प्रोडक्ट के फाइनेंस में होंगे इस, इस तरह से डिविजन हो सकता है कस्टमर वाइज डिविजन हो सकता है कम अब जैसे बैंकिंग है बैंकिंग में कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर को अलग मैनेजर हैंडल करते हैं रिटेल लेवल के कस्टमर को अलग लेवल मैनेजर करते हैं बिजनेस एंड फर्म्स रिलेटेड मैनेजर्स को अलग हैंडल करते हैं एंड प्रोसेस वाइज भी अलग हो सकता है आप किसी सेलोन में जाते हैं सैलॉन के अंदर में बाल काटने वाला अलग यू नो मेनिकोर पेडिक्योर करने वाला अलग तो ये प्रोसेस वाइज भी अलग हो सकते हैं डिविजन डिवीजन चार वे में हो सकते तो पहला सिंपल स्ट्रक्चर छोटी सी दुकान फंक्शनल स्ट्रक्चर अगेन मिड साइज बट स्पेशलिटी इन पर्टिकुलर थिंग डिविजनल में फंक्शनल ऑटोमेटिकली आता है चौथा होता है मल्टीपल डिविजनल स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो आप इसमें मल्टीपल डिविजन रखते हो यस फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हमारा एक ही काम है वीलन का बट वीलन का ब्रांच यू नो पुणे के अंदर में भी है दिल्ली के अंदर में भी है मुंबई के अंदर में भी है दिल, अब मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कितने होंगे तीन यहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग दिल्ली का अलग मुंबई का अलग इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे अब यहीं पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन में भी मल्टीपल डिविजन कंपोज ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन वेयर ईच डिविजन रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस अब यहां पे ऑल टुगेदर एक सेपरेट बिजनेस मुंबई का बिजनेस मैं सेपरेट मानूंगा दिल्ली का सेपरेट मानूंगा पुणे का सेपरेट मानूंगा इसे सेपरेट मान करके उनके अंदर के अपने अपने एक डिविजन अलग बना दिए जाते हैं यस yes, अब बैंक में ही देख लीजिए मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर होगा हर बैंक की ब्रांच में आपको अलग अलग कैशियर मिलते हैं ऐसा क्यों क्योंकि उस ब्रांच की हैंडलिटी के लिए ये क्या किया जाता है इजीली किया जाता है कि हर ब्रांच के अंदर में अलग अलग डिवीजन पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मलेटिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल डिविजनल कॉल फॉर क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन ईच डिविजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हेर आर्की वो जिस भी फंक्शनल हेर आरकी के अंदर में ये उसका एक सेपरेट डिविजन होगा स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिविजन एंड एक्सरसाइज ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल अनेबल द फर्म टू मोर एक्टरी मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस हर जगह का इंडिविजुअल बिजनेस को क्या किया जा सकता है ईमानदारी से मॉनिटर किया जा सकता है यस yes. डन चलो जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आवर ग्लास स्ट्रक्चर आपने कभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव ग्लास देखा है इस तरीके का स्ट्रक्चर एक और ग्लास स्ट्रक्चर होता है जहां पे टॉप मैनेजमेंट हैज़ ए हाई रोल लोअर मैनेजमेंट हैज़ ए हाई रोल एंड मिड मैनेजमेंट इज हैविंग अ लोअर रोल ये होता है अवरग्लास स्ट्रक्चर ये होता है अवरग्लास स्ट्रक्चर के अंदर में स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती टॉप मैनेजमेंट सीधा लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या कर देते हैं कम्युनिकेट कर देते कि भैया करना है और मिड लेवल मैनेजमेंट का इतना सारा काम नहीं होता उसको आप ग्लास स्ट्रक्चर कह सकते हो उसको आप ग्लास स्ट्रक्चर कह सकते हो यस yes? मैनेजमेंट इज डिमिनिशिंग रिप्लेस बाय टेक्नोलॉजिकल टूल्स अब कोविड जब आया था तब आपने देखा होगा कई लोगों को रिट्रेंच कर दिया गया क्योंकि और उनको समझ में आया कि भैया टॉप लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और मिड लेवल इनके काम देखने के लिए था अब इनको जो काम करना है पूरा का पूरा ऑनलाइन करना है तो इनकी जरूरत ही नहीं टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर विथ कॉन्स्ट्रिक्टेड मिडल लेयर तीन लेयर में होता है मिडल लेयर थोड़ी सी स्क्वीज होती है मिडल लेयर कोऑर्डिनेट डाइवर्स लोअर लेवल एक्टिविटी मैनेजर इन क्लास स्ट्रक्चर आर जनरलाइज एंड हैंडल क्रॉस फंक्शनल इशू ये एक छोटे मैनेजमेंट का आप बोल सकते हो पार्ट हो सकता है अवरग्लास स्ट्रक्चर जहां पे लोअर लेवल मैनेजमेंट और हायर लेवल मैनेजमेंट का ज्यादा काम है मिड लेवल का काम कम है मिड लेवल का जो काम है ये बहुत कम है एडवांटेज रिड्यूसेज द कॉस्ट एनहांस द एफिशिएंसी, डिसएडवांटेज प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर लेवल डिमिनिशन, यस अवर ग्लास स्ट्रक्चर आप जनरली ज्वेलरी शॉप्स में देख सकते हो मिड लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत कम होता है कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया सेलर वहां पे खड़े रहते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट का काम इतना ज्यादा होता ही नहीं है आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा नेटवर्क स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर सर पहले इसको रीड कीजिए फिर बताता हूं रीड करो रीड करो पूरा फिर समझाता हूँ डे बेटा नेटवर्क स्ट्रक्चर यह कोई एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता इट इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है वर्चुअली कनेक्टेड भी कहा जा सकता है नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसे हम ओवर द टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर यस yes, जिसको हम ओवर द नेटवर्क यूज कर सकते हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप अलग अलग जगह से कनेक्टेड है आप अगर किसी एप को देखो आप अगर किसी एप को देखो सो इट इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस एंड वर्किंग फ्रॉम ऑल द प्लेसेस यस कार्स 24 एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है कार्स 24 एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसके अलावा होटल्स की जो चेन होती है ये भी एक नेटवर्क स्ट्रक्चर हो सकता है ओ एक नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है यस yes, जो वर्चुअली ऑलमोस्ट हर प्लेस पे कनेक्टेड है और हर प्लेस से क्या किया जा सकता है एक्सेस किया जा सकता है इसको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं यस दे आर टर्म्ड एज नॉन स्ट्रक्चर बाय इट्स वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है जरूरी नहीं, नहीं है इन हाउस होना चाहिए कॉल्ड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप लिंक्ड बाय कॉन्सेंटली चेंजिंग नॉन हर की मोस्ट यूजफुल वेन एनवायरमेंट ऑफ द फॉर्म इज अनस्टेबल जब एनवायरमेंट अनस्टेबल हो तो नेटवर्क स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो कभी भी बिजनेस फंक्शन आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन अगर आपका बिजनेस फंक्शन अलग 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 जगह पे स्कैटर्ड है तो नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर बनता है नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके लिए क्या बनता है बेटा बेस्ट स्ट्रक्चर अब जैसे मैं आपको कोई छोटा सा कंपनी बताता हूँ कोई ऐप देख लो आप इसके बाद पिप्सी देख लो पेप्सी देख लो कोला देख लो पार्ले देख लो आप जब भी इन प्रोडक्ट के पीछे पलट करके देखोगे ना तो आप देखोगे इनका प्रोडक्शन कई कई जगह पे है तो इन्होंने अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन क्यों रखा हुआ है ताकि उस एरिया के आसपास के जितने एरिया है उनका सप्लाई रिक्वायरमेंट इस नेटवर्क के थ्रू कंप्लीट हो जाए यस ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अ शेल विथ स्मॉल हेडक्वार्टर सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म बिजनेस यूनिट लिंक टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है कॉमन सिस्टम से लिंक किया जाता है अब जैसे पेप्सिक को अलग अलग जगह में इंडिया पे सिचुएटेड होगा और ये सब एक कॉमन हेडक्वाटर से कनेक्टेड होगा किसके थ्रू एक सिस्टम के थ्रू नेटवर्क स्ट्रक्चर के थ्रू ऑलमोस्ट एवरी बैंक ऑपरेट इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर एवरी बैंक ऑपरेट इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर आज आप देखिए कहीं पे भी पैसा डालते हैं और कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं ये कैसे होगा यस yes, ये कैसे होगा हो सकता है नेटवर्क स्ट्रक्चर के थ्रू ये हो सकता है नेटवर्क स्ट्रक्चर के थ्रू यस चलो जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है बिल्डर्स में सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा कहां पे बिल्डर्स के अंदर में अब मेट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है सपोज मैं हूं विजय बिल्डर्स मेरी चार जगह पे साइट चल रही है अब क्या होता है मैं कुछ कॉमन चीजें यूज करता हूं यस मैंने क्या कर लिया मैंने 200 बोरी सीमेंट की उठा करके रख दी कभी इधर लगती कभी इधर लगती कभी इधर लगती कभी इधर लगती कभी डेढ़ सौ मैंने यहां भेज दी फिर यहां से यहां ट्रांसफर कर दूंगा यहां से यहां ट्रांसफर कर दूंगा यहां से यहां ट्रांसफर कर दूंगा फिर अभी इधर स्लैब बन रहा है तो फिर यहां पे बाकी मशीनरी इसकी जरूरत नहीं होगी तो उसको दूसरी जगह पे भेज दूंगा मेट्रिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है मेट्रिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कई जगह पे अवेलेबल हो सकता है और इसका यूज अलग 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 जगह पे किया जा सकता है बिल्डर्स रेलवे रेलवे इंडियन रेलवे के जितना बड़ा नेट जितना बड़ा मेट्रिक स्ट्रक्चर किसी का है ही नहीं आप सोच के देखिए कितनी सारी ट्रेन एक ही टाइम पे अलग अलग जगह रूट की जा रही है और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हो रहा होगा कितना बड़ा माता पच्ची होगा कभी आपने सोच करके देखा है अगर एक रेलवे स्टेशन रोज की सौ से डेढ़ ट्रेन को भी हैंडल करता होगा आने जाने और निकलने वाली यस तो यह कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सिर्फ एक स्टेशन या एक जंक्शन पे ये कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड कुछ ऑफिसर इधर कनेक्टेड वो दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा वो तीसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा सब एक दूसरे से कनेक्टेड कि भैया नेक्स्ट इधर से निकलेगी किधर जाएगी उधर से निकलेगी किधर जाएगी किधर रोकना किधर स्पीड कम करना किधर स्पीड बढ़ाना ये कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कभी आपने सोच के देखा है मेट्रिक स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अभी आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट आपने देखा होगा चार हजार चार सौ करोड़ रुपए लगा करके भी चार हजार चार सौ करोड़ रुपए लगा करके भी क्या किया जाता है क्या किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट नहीं बना पाता क्यों नहीं बना पा रहा एक सौ तीस करोड़ लोग जिनमें से साठ करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन न्यूमरस पैन न्यूमरस आधार इनकम टैक्स रिटर्न टीडीएस रिटर्न इतने सालों का इनका डेटा ये सब स्ट्रक्चर करना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये लोगों को लग रहा है हमने भी वेबसाइट बनाई है हम भी, भी विलन के वेबसाइट पर बैठे हमको भी पता है कि भैया एक वेबसाइट को चलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये इतने आसानी से होने वाली चीज नहीं होती है ये इतने आसानी से होने वाली चीज नहीं होती है ये अलग 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 एक्टिविटी में होने वाली चीज होती है ये अलग अलग एक्टिविटी में होने वाली चीज होती है तो ये हमेशा आपको क्या करना होता है ध्यान में रखना होता है मेट्रिक स्ट्रक्चर फंक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर्म आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली yes people from function unit are often assigned temporarily to one or more product unit एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट यूनिट पे आपको क्या किया जा सकता है असाइन किया जा सकता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिजाइन कैन रिजल्ट इन हायर ओवरलोड कैन डिजाइन इन हायर ओवरलोड एडवांटेज क्या है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर क्लियर रिजल्ट कैन बी विजिबल शटिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इज इजीली यस नेक्स्ट फॉरमेट्रिक स्ट्रक्चर इज टू बी इफेक्टिव एक्सेलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट पहला इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है दूसरा म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है पुराना स्टेशन बोल रहा है कि भैया ये यह गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है तो ये आपको म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर भी काम करना पड़ेगा आपके इंटरनल कम्युनिकेशन बड़े स्ट्रांग होने चाहिए सामने वाले के यहाँ से गाड़ी निकले आप बताना ही भूल गए हो सकता है एक्सीडेंट का खतरा हो जाए तो आपके कम्युनिकेशन बड़े स्ट्रांग होने चाहिए कॉन्फिडेंस इज नीडेड मेट्रिक स्ट्रक्चर इज ऑफन फाउंड वेन फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड फर्स्ट आइडिया नीड्स टू बी क्रॉस फर्टिलाइज अक्रॉस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट येस आपके कुछ क्रॉस आइडियाज हर प्रोजेक्ट के अंदर में आपको दिखने ही चाहिए फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर टाइप का मार्बल इधर यूज किया है घर के अंदर में तो किसी प्रीमियम सोसाइटी के अंदर में उसको लॉबी में यूज करो उसको लॉबी में यूज करो रिसोर्सेज आर स्केर्ड जो आपके रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है और आपको इसे मल्टीपल जगह पर यूज करना है ये रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है और आपको इसको मल्टीपल जगह पे क्या करना है यूज करना है तो ऐसा हो सकता है तीन बात आती है एज पर डेविस एंड लॉरेंस यू नो फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेट्रिक स्ट्रक्चर कॉस्ट फंक्शनल टास्क फोर्स प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट एंड मेच्योर मैट्रिक्स ये तीन प्रकार के होते हैं इसको आप सेल्फ स्टडी पे ले सकते हो Then, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं चलो बेटा आगे बढ़ते हैं लास्ट स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर नहीं है ये एसबीयू स्ट्रक्चर है एसबीयू स्ट्रक्चर क्या होता है किसी एक प्रोडक्ट जो आपके यहां का बहुत फेमस है इसे सेपरेट बिजनेस मान लेना फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का आज सबसे बड़ा बिजनेस कौन लेके आता है मैगी लेकर के आता है किटकैट लेकर क्या आता है यस yes, कॉफी डिवीजन लेके आता है इन तीनों को वो एक एसबी यू डिक्लेयर कर देंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डिक्लेयर कर देंगे अपने आप में एक यूनिट है ऐसा डिक्लेयर कर देंगे क्या फायदा होगा सर ऐसा डिक्लेयर करने से क्या फायदा होगा सर ऐसा डिक्लेयर करने से सर इसका पूरा का पूरे डिवीजन ही अलग रहेंगे मतलब अपार्ट फ्रॉम नेस्ले का मेन डिवीजन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिवीजन टोटल अलग रहेगा ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस लाइन का आप क्या निकाल सको प्रॉफिट और परफॉर्मेंस निकाल सको उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट और परफॉर्मेंस निकाल सको इसके लिए यस ग्रुपिंग ऑफ अ रिलेटेड बिजनेस अ मल्टीपल बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रुप इट्स मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस इनटू अ फ्यू डिस्टिंग बिजनेस यूनिट इन साइंटिफिक वे यस पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटी इनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा कॉर्पोरेट लेवल ही बनाएगा येस ग्रुप सिमिलर प्रोडक्ट इन टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड डेलीगेट्स अथॉरिटी टू सीनियर एग्जीक्यूटिव हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनेबल्स द कंपनी टू मोर एक्यूरेटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड एसबीयू रिलेटेडनेस माइट एक्ट इन डिफरेंट वेज सिंगल बिजनेस भी हो सकता है कलेक्शन ऑफ बिजनेस भी हो सकता है इट है सेट ऑफ कॉम्पिटेटर्स है भाई के अपने सेट ऑफ कॉम्पिटेटर्स है उसका पूरे ने कोई लेन देन नहीं है ये मैनेजर हुबल इसका एक सेपरेट मैनेजर होगा जो सिर्फ इस प्रोडक्ट डिविजन लाइन के लिए होगा तो यह स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर जहां पर एक प्रोडक्ट को ही ऑल टूगेदर सेपरेट बिजनेस मान लिया जाता है ये है बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बस एक बार नजर घुमा लो एक बार नजर घुमा लो कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो If it is done चलो जी लास्ट पॉइंट पे आते हैं लास्ट पॉइंट पे आते हैं और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप देखिए इंप्लीमेंटेशन किसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है या स्ट्रक्चर किसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है इंप्लीमेंटेशन आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन स्ट्रक्चर के कारण अगर ये फेल हो गई तो आप बहुत पछताएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इंटरनल होता है तो स्ट्रैटेजी जब आपकी बनती है तो आपको सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली क्या करना होता है मैनेज करना होता है यस yes, और एक स्ट्रैटेजिक लीडर का रोल प्ले करना होता है इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रैटेजिक लीडर मतलब क्या होता है स्ट्रैटेजिक लीडर मतलब वो बंदा जिसको हर तरह की हील चील के बारे में इंफॉर्मेशन हो जिसको हर तरह की की हील और चील के बारे में इंफॉर्मेशन हो हु स्टे एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज द एनर्जी सभी को मोटिवेट करना एथिकल लीडरशिप फॉलो करना सब इसके अंदर में आता है स्टेइंग ऑन द टॉप व्हाट इज हैपनिंग कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंज परस्यूइंग करेक्टिव एक्शन एंड टेक एथिकल लीडरशिप वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है एक पैरामीटर सेट करता है क्या सेट करता है बोलो जल्दी से पैरामीटर सेट करता है इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक लीडर यस रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड एक्शन प्लान ensure effective communication in the organization manage the change in the organization create strong work culture and sustain high performance over the time sustain high performance over the time done चलो जी शानदार और इसी के साथ आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी क्या होता है ओवर आत्ता कैसा वाटते कैसा लग रहा है जितने लोग कनेक्टेड है जल्दी से बताओ कैसा लग रहा है आपको और हां ये सारी चीजें आपको एज इट इज किसके अंदर भी मिल सकती है आपके मॉड्यूल uh, के अंदर में भी मिल सकती है आप जो बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर में भी ये काम हो सकता है मुझे इस नंबर पे आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये कैसा लगा दिस इज द नंबर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करते रहूं तो मुझे भी ध्यान आए दिस इज द नंबर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये मैराथन Marathons का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सब्जेक्ट को फटाफट रिवाइज करवा देना कम टाइम में फटाफट रिवाइज करवा देना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बच्चे सोचते हैं ये तो मैं सेल्फ प्रिपेयर कर लूंगा और वो एंड तक प्रिपेयर ही नहीं कर पाते तो उन बच्चों के लिए ये जो मैराथॉन्स होते हैं ना ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये yes, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आ जाओ बेटा बच्चे बहुत शानदार बहुत शानदार सर ये मैराथन लगा ही नहीं नॉर्मल क्लास लगा थैंक यू सो मच सर आप कोई भी मैराथन उठा के देखिए मजा तब आता है जब आप ठीक कम पढ़ो बेहतर पढ़ो यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कम पढ़ो बेहतर पढ़ो अभी हम एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम के अंदर में ये मजा आना चाहिए आपको मजा आना चाहिए तब जाकर के तो बात बनेगी नहीं तो बात क्या बनेगी यार? डन आ जाओ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक ऑडिट स्ट्रैटेजिक चेंज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड पांचवा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये पांच कंसेप्ट कवर होते हैं लास्ट टॉपिक में ये पांच कंसेप्ट कवर होते हैं लास्ट टॉपिक में लिख लो ये पांच कंसेप्ट कवर होते हैं लास्ट टॉपिक में इज दट डन चलिए शुड आई स्टार्ट यस पब्लिक आ जाओ लास्ट चैप्टर के चार्ट रिविजन के ऊपर चैप्टर नंबर एट जिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर वन में हम लोगों ने सीखा स्ट्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है चैप्टर नंबर थ्री में सीखा स्ट्रेटिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है चैप्टर नंबर टू में सीखा इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे करते हैं चैप्टर नंबर एंड के अंदर में सीखा अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या क्या काम होगा सेवन में हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले अपने स्ट्रक्चर को देख लो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बना लो आंट्रप्रेनियर इंटरप्रेनियोर जो भी है ये अपने क्या कर लो स्ट्रेटेजी को बना लो अब स्ट्रैटेजी को क्या करना होगा इंप्लीमेंट करना होगा यस इंप्लीमेंटेशन देखिए आपने बहुत अच्छा बनाया आपने वो वो वाले नशे तो खैर आपने भी किए होंगे क्या आपने किए एक दिन किसी दिन बहुत ऐसा लगा कि यार नहीं यार आज तो मेरे को यू you नो know, पढ़ना ही आज तो मैं एक अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर आप बैठे दो घंटे तक के मुंह वो धो करके उसके बाद में सुबह पांच बजे उठूंगा ये वाले नशे किए आपने ये पांच बजे उठूंगा इससे पांच से सात ये पढ़ूंगा सात बजे चाय पीऊंगा उसके बाद साढ़े बजे ये करूंगा फिर नौ बजे ये करूंगा दस बजे ये करूंगा ये करूंगा एक दिन भी फॉलो नहीं हो पाता ये वाले नशे किए तुमने क्या तुमने भी ये वाले नशे किए नहीं किए क्या तुमने भी ये वाले नशे किए हैं क्या होता है प्लानिंग तो बड़ी अच्छी होती है सपने तो बड़े सुहाने होते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आप बड़ा उसको मैसेज कर रहे हो हाय खाना खाया क्या ये वो ये वो सारा मैसेज कर रहे हो एक दिन वो कहती है सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है तुम बड़े खुश वाह लड़की खुद होकर के प्रपोज कर रही है तुम बोलते हो हाँ बोलना नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं अरे कैसे क्या डायरेक्ट बोल दे मैं तो सुनने के लिए बेकरार बैठा तू डायरेक्ट बोल दे? बोल दे नहीं बट आई रिएक्ट अरे रिएक्शन क्या तू बोलना यार देख अपन तो दोस्त है अपन तो रोज बात कर रहे हैं तेरे को तो मालूम ही है अपन सब करेंगे ना तुम यहां पे अपने सपने बस सजा के बैठे हो ये आज बोलेगी मैं तुरंत हाँ बोल दूंगा फिर हम लोग प्यार में पड़ जाएंगे मैसेज करेंगे एक दूसरे से बातें करेंगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा आ हा 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 हमारे बच्चे होंगे हमारा घर होगा प्रॉपर्टी होगा बूढ़े होंगे साथ में ऐसा सब पूरा इमेजिन कर गया सामने वाले सामने वाली का एक मैसेज तुझे पता है गाय आई लाइक और इधर से तुम्हारे पीछे से साउंड बज रहा ओ नो ओ नो ओ नो 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 समझ में ही बात ये ना प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला आपने होटल में इंटीरियर बहुत अच्छा किया लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं दिया मजा नहीं आएगा आपने नाम तो बहुत सुना टीचर का लेकिन अगर टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आपको मजा नहीं आएगा वॉट इज दैट बॉस इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है फॉर्मुलेशन अलग चीज़ है इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है फॉर्मुलेशन अलग चीज है फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि वो ऑन पेपर होता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कई दिक्कतें आ सकती है इंप्लीमेंटेशन में कई दिक्कतें आ सकती है आप बात समझ रहे हो एंड दैट इज वेयर दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्लेज अ रोल दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन प्लेज अ रोल सो वट आर द इशूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो तो क्या क्या इशू आते हैं येस स्ट्रैटेजी है इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी शुड लीड टू प्रोग्राम विच इंक्लूड फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्ड पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर विच टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड इट रिक्वायर्स एलोकेशन ऑफ फंड बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग तो भैया हो सकता है आपको कई इश्यूज आ जाए आपने कॉस्ट कुछ और इमेजिन किया हो टाइम कुछ और इमेजिन किया और ये ज्यादा टाइम ले ले तो इम्प्लीमेंटेशन में एक इशू आता है टाइम और कॉस्ट दूसरा इशू आता है आपने गोल और पॉलिसीज कुछ और बनाई हो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गोल और पॉलिसीज वैसी वर्क ना कर रही हो प्रैक्टिकल लाइफ में गोल और पॉलिसीज वैसी वर्क ना कर रही हो यस yes? डन बेटा आ जाओ बेंच मार्किंग अभी नहीं करना है आओ पहले यहां देखते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन ये आपको पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के साथ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन का क्या कनेक्शन है ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है चेक करिए। इफ अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी बट डिफिकल्ट इन इंप्लीमेंटिंग यस, डिफिकल्ट इन इंप्लीमेंटिंग एम टू मूव फ्रॉम ए टू बी आपने आपने फॉर्मुलेशन तो बहुत अच्छा किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं किया तो आप ए से बी में मूव करना चाहोगे वॉट इज बी स्क्वेयर बी आप अपनी जो फॉर्मुलेसन या इंप्लीमेंटेशन है उसको ए बी या सी और डी कैटेगरी में देखोगे ए कैटेगरी में वो होता है कि आपने कंपटीशन तो बहुत अच्छा किया मतलब फॉर्मुलेट तो बहुत अच्छा किया लेकिन इंप्लीमेंट प्रॉफर नहीं किया आप बी में शिफ्ट होना चाहोगे बी एन आइडल सिचुएशन वेयर कंपनी हैज सक्सीडेड इन डिजाइनिंग द साउंड एंड स्टडी एंड हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड स्क्वेयर बी ऐसी कंपनीज में आती है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्लान भी बहुत अच्छे से किया इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे से किया जिसने प्लान भी बहुत अच्छे से किया और इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे से किया यस स्क्वायर सी हैवन सक्सीडेड इन साउंड स्ट्रैटेजी एंड एट बैड इंप्लीमेंटेशन यस बिजनेस मॉडल रिडिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने <coughs> सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया आप स्क्वायर सी में हैं व्हाट यू नीड टू डू आपको आपका बिजनेस मॉडल रीडिजाइन करना पड़ेगा स्क्वेयर डी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज फ्लॉड बट एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन आपने स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल फॉर्मुलेट तो बिल्कुल घटिया करी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा किया सिर्फ आपको आपकी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करना है तो अगर आप फॉर्मुलेट अच्छा कर रहे हैं इंप्लीमेंट आपने अच्छा नहीं किया स्क्वायर बी पे जाइए इंप्लीमेंटेशन पे फोकस कीजिए स्क्वायर बी में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है फॉर्मुलेशन भी अच्छा है कंटिन्यू कीजिए स्क्वायर सी के अंदर में अगर आप आते हैं इसका मतलब क्या है आपने फॉर्मुलेशन भी घटिया किया और इंप्लीमेंटेशन भी घटिया किया अपने बिजनेस मॉडल को रिडिजाइन कीजिए फॉर्मुलेशन घटिया था इंप्लीमेंटेशन अच्छा है सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को रिडिजाइन कीजिए यस एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइंड इट इन सेल वन इज वेल प्लेस एंड स्ट्राइव

जो पहले फॉरवर्ड करते हैं और फिर बैकवर्ड करते हैं जिसका मीनिंग ये है वो स्ट्रैटेजिक फार्मुलेशन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा और कुछ लोग होते हैं जो पहले क्या कर देते हैं स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देते हैं और बाद में सोचते हैं फार्मुलेशन में क्या चेंज करना है सो फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज दो चीज पहले आप अप्लाई कर दो पहले आप फॉर्मुलेट करो फिर अप्लाई करो दूसरा पहले अप्लाई कर दो और बाद में फार्मुलेशन के अंदर में चेंज करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज चेक करो मालिक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज चेक करो प्रभु जस्ट रीड दिस स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन डन चलो जी आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कंट्रोल क्या होता है हमें कंट्रोल करने की जरूरत कब हो जाती है जब कुछ गलत जा रहा हो हमें कंट्रोल करने की जरूरत कब होती है जब कुछ गलत जा रहा हो जब आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हो इंप्लीमेंट करने के बाद आप समय समय पे चेक करते रहते हो कि क्या यह जो स्ट्रेटेजी मैंने इंप्लीमेंट की है यह सही चल रही है या नहीं चल रही है क्या यह जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है यह प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है दो बातें होंगी ये प्रॉपरली वर्क कर रही है यस प्रॉपरली वर्क कर रही है आप कुछ करने की जरूरत नहीं है सब कंटिन्यू करो आपने पूरा फॉर्मुलेशन किया इंप्लीमेंटेशन किया ये सब सही चल रहा है दूसरी चीज दूसरी चीज हो सकता है इसके अंदर में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो आप छोटे मोटे करेक्टिव एक्शन लोगे काम खत्म यस yes, तीसरा तीसरा आप क्या करोगे आप क्या करोगे बड़े करेक्टिव एक्शन लोगे कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ फॉर्मुलेशन में चेंज लोगे सो so, प्रोसेस क्या है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कुड बी ऑपरेशनलाइज इंटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे इसको आप मेजरेबल या कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड में लेके आओगे कि इस महीने तीन हजार का प्रोडक्शन करना था क्या तीन हजार का प्रोडक्शन हुआ या नहीं चार हजार का प्रोडक्शन करना था चार हजार का प्रोडक्शन हुआ या नहीं मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट वेरिएबल दैट इज यहां पर क्या होता है सेटिंग फिगर्स और इसको चेक किया जाता है विथ एक्चुअल अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ देखते हो आपने सोचा था चार हजार का प्रोडक्शन चार हजार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इस महीने हो जाना चाहिए था अगर इस महीने चार हजार प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया तब तो एवरीथिंग ओके okay, नहीं हुआ तो आप इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ चेक करोगे और आप क्या चेक करोगे डेविएशन चेक करोगे किधर आया है कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट डिटेक्टिंग द डेविएशन लर्निंग न्यू इनसाइट फिर आपको समझ में आएगा यार क्या गड़बड़ हुई क्या गड़बड़ हुई अगर चार हजार का प्रोडक्ट चार हजार या चार हजार से ज्यादा बन गया भाई सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिवॉर्ड दो जिसने अच्छे से परफॉर्म किया उसको लेकिन अगर नहीं हुआ चार हजार का तीन हजार ही हुआ तो आप देखो कि गड़बड़ क्या हुई फिर आपको पता चलता अरे रॉ मटेरियल तो आया ही नहीं था फिर आप क्या करोगे आप कम्युनिकेट करोगे अपने वन ऑफ द टीम को रिसोर्स प्रोक्योरमेंट टीम को बोलोगे प्रोडक्शन टीम को रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया फिर वो बोलेगा सर रॉ मटेरियल इतना ही था सामने वाले के पास आप उसको बोलोगे इसके पास अवेलेबल नहीं था किसी और के पास से लेकर ले के आते अपन सिर्फ उसके ही भरोसे थोड़ी न बैठे हैं यानी आप सबसे पहले मेजरेबल कंट्रोल लेके आओगे उसको एक्चुअल के साथ परफॉर्म करोगे डेविएशन देखोगे क्या हुआ है एंड अल्टीमेटली यू विल टेक करेक्ट एक्शन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का बहुत सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए था क्या हुआ तकलीफ कहां आई और करेक्टिव एक्शन हमें लेना यस yes, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल सीधी सी बात है ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल करना ऑपरेशंस में कहीं हम रॉन्ग तो नहीं जा रहे ऑपरेशंस में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही मैनेजमेंट कंट्रोल समय समय पे क्या मैनेजमेंट चेक कर रहा है जाकर के कि जो वर्क चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं तीसरा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में तीन प्रकार है प्रिमाइसिस कंट्रोल सर्वेलेंस स्पेशल अलर्ट कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल प्रिमाइसिस कंट्रोल प्रिमाइसिस कंट्रोल सबसे पहले समय समय पे चेक करो एनवायरमेंट के फैक्टर्स सही चल रहे हैं कि नहीं इन शॉर्ट चेक एनवायरमेंट प्रिमाइसिस कंट्रोल में आप क्या करते हो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो कि भैया सब सही चल रहा है या नहीं ये इंडस्ट्री सही चल रही है या नहीं जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं सही चल रहा है कि नहीं लोगों का रुख अपने तरफ है किसी और के तरफ है किस तरफ लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जा रहे हैं किस तरफ लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जा रहे हैं ये सब किसके अंदर में आता है प्रिमिसिस कंट्रोल के अंदर में आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल और इंडस्ट्री फैक्टर इन शॉर्ट एक्सटर्नल स्कैनिंग करना क्योंकि अगर आपको बिजनेस में रहना है तो एनवायरमेंट देख के रहना होगा दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस ओन इंडस्ट्री में सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है लोग खुश है या नहीं है उन्हें किसी चीज की जरूरत है क्या हमें कोई चीज लेकर के आनी है सारी चीजें स्पेशल अलर्ट कंट्रोल ये एक स्पेशल कंट्रोल होता है जो स्पेशल टाइम पे ही यूज किया जाता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल जिसको हम अलग अलग शब्दों में कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी जनरली हमारा क्या होता है रॉ मटेरियल आते रहता है प्रोडक्शन होते रहता है रॉ मटेरियल आते रहता है प्रोडक्शन होते रहता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या करता है बेटा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल ये बताता है अगर कभी हम रीऑर्डर क्वांटिटी से भी नीचे चले गए तो भैया ये हमें स्पेशल अलर्ट देता रहता है आपका मशीन अगर हैंग होना चालू हो गया तो वो क्या दे रहा है आपको एक स्पेशल अलर्ट दे रहा है कि भैया कुछ चीज़ों को स्लो डाउन करो कुछ एक्टिविटीज को स्लो डाउन करो यस, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल आप यह चेक करें आपका स्ट्रेटजिक थ्रस्ट कैसा है और आपने क्या आपने माइल स्टोन अचीव किए हैं कि नहीं इंप्लीमेंटेशन करने में अगर कोई तकलीफ आई है तो वो भी इसका पार्ट बनता है चेक करो चेक करो चलो जी बड़े आगे तीसरे पे आते हैं सर तीसरे पे आते हैं तो पहला इंप्लीमेंटेशन पढ़ो पहले इश्यूज पढ़ो इश्यूज के बाद इंप्लीमेंटेशन में जाओ इंप्लीमेंटेशन के बाद कंट्रोल कैसे किया जाता है इस पे जाओ स्ट्रेटेजिक ऑडिट समय समय पे आपको आपकी स्ट्रेटेजी भी चेक करनी होगी सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेना और इंप्लीमेंट कर लेना और करेक्टिव एक्शन लेने के टाइम पे ही नहीं आपको समय समय पे अपनी स्ट्रैटेजी चेक भी करनी होगी कि क्या हम जो स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं ये स्ट्रैटी सही है या नहीं या इस स्ट्रैटेजी के अंदर में किसी चेंज की जरूरत है या इस स्ट्रैटेजी को किसी बदलाव की जरूरत है यस हर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाना पड़ता है कि क्या अब हम जो स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे थे ये सही है कोई और स्ट्रैटेजी चेंज करनी है कोई और प्रोडक्ट लेकर के आने है कोई नया चीज़ बनाना है कोई नया डेवलपमेंट करना है ये सारी चीज किसके अंदर में आती है स्ट्रैटेजिक ऑडिट के अंदर में आती है स्ट्रैटेजिक ऑडिट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया एंड करेक्ट द स्ट्रैटेजिक अप्रोच दैट हैव नॉट बीन इफेक्टिव सो फार यस प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना और ऐसी चीजों पे करेक्टिव एक्शन लेना जिन पे अभी तक हमने एक्शन लिया नहीं स्ट्रैटेजिक ऑडिट लाइज ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग हाउ विल द करंट स्ट्रैटेजी वी वर्किंग इन फ्यूचर क्या यही स्ट्रैटेजी फ्यूचर में भी लगाई जा सकती है कि हमें किसी और स्ट्रैटेजी की वर्क है हाउ अर्जेंट देर इज अड टू चेंज द स्ट्रेटेजी कितने जल्दी हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत होगी और ये जो स्ट्रेटेजी ऑडिट होता है ऑर्गेइजेशन के अंदर भी हो सकता है क्या आपको पता है स्पेशल लोग भी होते हैं जो स्ट्रैटेजी को ऑडिट करते हैं ये ये स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो स्ट्रैटेजी को ऑडिट करता है यस yes, मैं आपको बताऊं रिसेंटली स्ट्रेटेजिक ऑडिट किसने हैंडल किया महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा कि मैंने आपसे कहा उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑडिट करवाया उन्होंने देखो आप रिसेंट टाइम्स में प्रोडक्ट्स के अंदर में चेंज किया लोगो चेंज किया मार्केटिंग चेंज करी इस बार जितने ओलंपिक्स के अंदर में जितने लोगों ने मेडल जीता जिनमें हाई परफॉर्मर थे महिंद्रा ने इनको अपनी गाड़ी दी क्योंकि इनके पास अगर ये गाड़ी दिखेगी तो इनसे इंस्पायर होकर लोग गाड़ी लेंगे यस yes, दूसरी बात ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम भी था कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया दोनों परपज सॉल्व हो गए तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने चेंज करी है इस बार लोगो चेंज कर दिया डिजाइन चेंज कर दी प्रोडक्ट फीचर्स ऐड कर दिए तो ये क्या होता है समय समय पे ये करना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है तो यस ऑल्सो आइडेंटिफाई द नीड टू एडजस्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लान स्ट्रेटेजिक ऑडिट इंक्लूड थ्री बेसिक एक्टिविटी फर्स्ट एग्जामिन दूसरा कंपेरिजन तीसरा टेकिंग करेक्टिव एक्शन पहला एग्जाम करना देखना दूसरा कंपेयर करना और तीसरा करेक्टिव एक्शंस लेना तीसरा क्या करना बेटा करेक्टिव एक्शंस लेना क्यों जरूरत है स्ट्रेटेजी ऑडिट की स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली गोल एंड ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश नहीं हो रहे मेजर चेंज हो रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर में यस स्ट्रैटजी दैट हैज वर्कड इन पास्ट कंटिन्यू टू बी इन ट्यून जो हमने पास में स्ट्रैटेजी ऑपरेट की है क्या वो फ्यूचर में भी हमारे लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी ये देखना एक क्राइटेरिया है रिचर्ड रूमलेट्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजिक ऑडिट ये आपको रीजन बताता है और अलग अलग चीजें बताता है स्ट्रैटेजिक ऑडिट के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए इसको आप एक बार घर पर सेल्फ पढ़ लेना काम खत्म स्ट्रैटेजिक चेंज अब सर ध्यान से सुनिए आपने इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट करते हुए बार बार इट्स अ प्रोसेस एक टाइम में नहीं होगा आपने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट करने के अंदर में कुछ दिक्कतें आई आपने स्ट्रेटेजिक क्या लेकर के आया चेंज लेकर के आया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से चेक किया सब सही चल रहा है कि नहीं राइट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से आपने चेक किया कि सब सही नहीं चल रहा तो अब आप स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का यूज करोगे कई बार स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्ट्रैटेजिक ऑडिट के पहले या स्ट्रेटेजिक ऑडिट के बाद दोनों जगह लिया जा सकता है या मान लो स्ट्रेटेजिक ऑडिट हुआ ऑडिट होने के बाद आपको कुछ और मिस्टेक्स एरिया मिले जिसमें चेंज करना है अब क्या किया जाता है स्ट्रैटेजिक चेंज लाया जाता है इसे कर्ट लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कर्ट लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है बोलो जल्दी से कर्ट लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज भी कहा जाता है कर्ट मॉडल कहता है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी के अंदर में कभी भी चेंज करना है तो फ्रिज के जैसा काम करो आई सर फ्रिज के जैसे कैसे काम किया जाता है जीवन में फ्रिज के जैसे काम करो बड़ा आसान है साहब के जैसे काम करो अरे पर फ्रिज के जैसे काम कैसे करते हैं जीवन में अगर आपको फ्रिज साफ करना है तो आपकी मम्मी क्या करती सर हमें ही कपड़ा दे देती हमसे ही करवा देती और क्या हाँ तो तुम कैसे करते हो सर देखो अगर हमें फ्रिज साफ करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रिज का बटन बंद करते हैं। दिवाली की साफ सफाई में हमें फ्रिज करना था साफ हम बटन बंद करते <coughs> मतलब चीजों को अनफ्रीज कर देते फिर उसको साफ करते बराबर है वहां पर जो चेंज करना है कुछ चेंज करते और अल्टीमेटली चेंज करने के बाद उसको वापस से फ्रीज कर देते बटन चालू कर देते हैं यानी आपने करंट स्ट्रेटेजी को डिफ्रीज किया पॉलिसी को चेंज किया वापस से एक्टिवेट कर दिया अगर टीवी वर्क नहीं कर रहा तो रिमोट में आप क्या करते हो रिमोट निकालते हो पहले चार पांच बार ऐसे ऐसे मारते हो नहीं चल रहा तो आपको समझ में आता है सेल गए अब पुरानी चीज खत्म हो गई अब क्या करना है आप डिफ्रीज करते हो पुराने सेल निकालते हो नए सेल को चेंज करते हो और वापस से ढक्कन लगा के सीधा करके चालू कर देते हो कट लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज वो कहता है अगर स्ट्रैटेजी में कभी भी चेंज करना है एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को डीफ्रीज करो चेंज करो रीफ्रीज कर दो खत्म हो गया काम इतना आसान चैप्टर है पता नहीं क्यों चैप्टर नंबर और से से डरते हो तुम्हें सीक्वेंस अगर पढ़ना आता है ना तो तुम्हें SM कभी हार्ड नहीं लग सकता सीक्वेंस से पढ़ना आना चाहिए तुमको तुमको सीक्वेंस पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बाद ऐसा नहीं मॉड्यूल में दिया है वह पढ़ लो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि भैया इसके बाद यह पढ़ इसके बाद यह पढ़ इसके बाद यह पढ़ तो तेरे को लॉजिक बनता जाएगा थियरी टॉपिक में भी लॉजिक बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है प्रभु सो अनफ्रीज कर्ट लेवन मॉडल ऑफ चेंज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज क्रिएट अ विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, अनफ्रीज द सिचुएशन चेंज द न्यू सिचुएशन रीफ्रीज द सिचुएशन खत्म हो गया काम द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग सिंपली मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ नेसेसिटी फॉर चेंज एंड देम फॉर सच चेंज यस मेंबर्स वुड बी विलिंग बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज दिस कैन बी अचीव बाय मेकिंग अनाउंसमेंट होल्डिंग मीटिंग एंड प्रमोटिंग न्यू आइडिया कैसे किया जाता है कंपनी में कंपनी में सभी लोगों को बुलाया जाता है सभी लोगों को बुलाया जाता है भैया आओ हम तुमको कुछ चेंज बताएंगे और ये चेंज को एग्जैक्टली किया जाता है यस चेंज द न्यू सिचुएशन वंस द अनफ्रीजिंग प्रोसेस हैज बिन कंप्लीट एंड मेंबर्स बिहेवियर पैटर्न नीड टू बी रिडिफाइन येस थ्री मेथड है चेंज करने के पहला कंप्लायंस दूसरा आइडेंटिफिकेशन तीसरा इंटरनालाइजेशन इट इज अचीव बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजी कंप्लायंस मैंडेटरी लोगों को मास्क पहनाओ लोग मास्क पहन नहीं रहे थे पेनल्टी लगाओ स्ट्रिक्ट एक्शन लो आइडेंटिफिकेशन ऑकर्स वैन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड अप ऑन टू द आइडेंटिटी टू गिव सम रोल मॉडल्स कुछ लोगों ने ट्रेंड शुरू कर दिया वो जाते थे वैक्सीनेशन लेते थे और इनको बोला गया कि आप जाकर के क्या करो सोशल मीडिया पे गालो गॉड द जैब गॉट द जैब गॉट द जैब लोगों ने गॉट द जैब चालू कर दिया आइडेंटिफिकेशन साइकोलॉजी के साथ के लो भैया ये ले रहे हैं तो सेफ ही होगा मोदी जी ले रहे हैं तो वैक्सीन सेफ ही होगा चलो अपन भी जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए यस yes? नेक्स्ट इन्वॉल्व सम इंटरनल चेंज ऑफ इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट द चेंज इंट्रोड्यूज इन ऑर्डर टू एडजस्ट द चेंज इंट्रोड्यूस आप नए चेंजेस लेकर के आइए इंटरनल चेंजेस और इसे अडॉप्ट कर दीजिए रिफ्रीज ऑकर वेन न्यू बिहेवियर बिकेम नॉर्मल और न्यू बिहेवियर को आप नॉर्मल कर दीजिए हर जगह मास्क मैंडेटरी अब लोगों को बोलना नहीं पड़ता सैनिटाइजर लोगों को बोलना नहीं पड़ता लोग खुद कर लेते हैं हालांकि छोटे गांव में आज भी तकलीफ है छोटे गांव में आज भी तकलीफ है स इट मस्ट कंटिन्यूअसली भी री इन्फोर्स एक बार से काम नहीं चलेगा री इन्फोर्समेंट करते रहो चेंज प्रोसेस इज नॉट वन टाइम एप्लीकेशन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस तो यह चेंज को आपको समय समय पर बार बार चेक करना होगा इंप्लीमेंट करना होगा वैसे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है येस ओ नो आइए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग द लास्ट पार्ट इन योर सिलेबस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इसे बीपीआर कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर देना यस yes, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में थे और अब आप ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपने प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया अब जैसे हमको ही देख लीजिए हम पहले लाइव क्लास लेते थे आज जितनी भी लाइव क्लास हो रही है ये सब घर से ऑपरेट हो रही है और सभी घर से ही ऑपरेशनलाइज की जा रही है व्हाट इज दैट बिजनेस प्रोसेस कंप्लीटली क्या हो गया री री इंजीनियर हो गया चेंज हो गया यस yes, So core process create values and capability, core business process are critical in company's evaluation by its customer. These are vital for success in the industry sector within which the company's position.

ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू रिडिजाइनिंग ऑफ प्रोसेस ऑब्जेक्टिव होता है बीपीआर का कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी एफिशिएंसी को क्या करना इंक्रीज कर देना और ये इंक्रीज तभी हो सकता है जब आप रीडिजाइन करते हो क्रिटिकल बिजनेस को क्रिटिकल बिजनेस को चेंज करते हो पूरे प्रोसेस को आप क्या कर देते हो चेंज कर देते हो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑल ओवर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच स्क्रैच आप scratch से चालू करते हो और पूरी प्रोसेस एक साथ लिखते हो और आप देखते हो कितनी जगह इन प्रोसेस को क्या किया जा सकता है कट किया जा सकता है कट किया जा सकता है तो आप इन प्रोसेस को क्या कर देते हो कट कर देते हो एलिमेंट्स क्या है री इंजीनियरिंग बिगिन विथ फंडामेंटल रीथिंकिंग सबसे पहले सोच को बदलना होगा सबसे पहले सोच को बदलना होगा कि क्या हमें बदलने की जरूरत है री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस एक नई प्रोसेस डेवलप करनी होगी जिससे स्पीड में काम हो री इंजीनियरिंग एम्स एट अचीविंग ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस के अंदर में इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है यह लिया जाता है इंप्लीमेंटिंग बीपीआर डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द कस्टमर स्टडी देयर एग्जिस्टिंग प्रोसेस फॉर्मुलेटरी डिजाइनिंग प्लान एंड इंप्लीमेंट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कस्टमर फोकस देखो कस्टमर फोकस क्या है कस्टमर जल्दी आके निकलना चाहता है इसमें बीपीआर में, में सबसे ज्यादा सक्सेस अगर किसी को मिली है तो मैगडी को मिली है मैकडी का ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम देखा है कभी आपने मैगडी का ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम देखो आप आप जैसी ऑर्डर दोगे दस या बारह मिनट मैक्स आपको आपका ऑर्डर आपके हाथ में दे दिया जाएगा ये उनका एक प्रोसेस रेंजियरिंग क्योंकि उनने देखा कि भैया जब लोग खाने के लिए आते हैं भूखे होते हैं इनको टाइम पे रुकना पसंद नहीं है तो ये जल्दी 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 आप किसी होटल में गए आपको भूख लगी आपको फटाफट फटाफट ला करके दे रहा है वो तो आपको मजा आता है वो चीज करने में यही किसी होटल के अंदर में गए और आप वहां पे आधे घंटे तक के होटल का नाम तो बहुत सुना आपने लेकिन आधी तक आधे घंटे तक के बैठे हो कुछ खाने का मौका नहीं मिल रहा आपको तो आप क्या करोगे उसका बैड इमेज लेकर के जाओगे यस सो स्टडी कीजिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस को फॉर्मुलेट कीजिए रीडिजाइनिंग प्रोसेस को और इंप्लीमेंट कर दीजिए रीडिजाइनिंग प्रोसेस को रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बीपीआर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है आज अगर किसी भी प्रोसेस को चेंज करना है तो सबसे बड़ा हथियारी टेक्नोलॉजी है सबसे बड़ा हथियार ही टेक्नोलॉजी है आप सोच के देखिए हमारे मम्मी पापा वो लोग थे जिन लोगों को मोबाइल पसंद नहीं था आज क्या है दिन भर वो मोबाइल पे रहते और हम परेशान हो जाते फैमिली ग्रुप के ऊपर नहीं है? आपका भी एक फैमिली ग्रुप होगा हैप्पी फैमिली यस उसके ऊपर दिन भर क्या करते रहते वो मैसेज डालते रहते तो एक समय था जब आप आपको बोला जाता था अरे मोबाइल छोड़ इस बार आपको बोलना पड़ता अरे मोबाइल छोड़ो मेरे को खाना दो मेरे को ऑफिस जाना है वट इज दैट दैट इज अ चेंज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज लेकर के आती है बहुत चेंजेस लेकर के आती है आज बिल्डिंग बनाने का तरीका देख लो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन देख लो क्वेरी सॉल्विंग देख लो पहले क्वेरी सॉल्विंग कैसे होती थी आप और मैं डायरेक्ट मिलते थे टीचर से स्टूडेंट मिलता था तब क्वेरी होती थी आज क्वेरी हैंडलिंग कैसे होती है हमारा तो ऐसा SI है कि भैया बच्चा हमें व्हाट्सएप करता है और हम उसके क्वेरी के ऊपर रिप्लाई करते हैं वट इज दैट दैट इज समथिंग रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बी पी आर रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बीपीआर तो कोई भी प्रोसेस को चेंज करना अगर होगा आपको तो आपका रोल देखना होगा अ री इंजीनियर्ड बिजनेस प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय आईटी टी इज फोकस्ड ऑन मीटिंग द कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्विकली एंड एडिक्एटली नियर बाय एनहांसिंग इज सेटिस्फेक्शन लेवल आज आप सोच करके देखिये गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट क्यों आपको क्या कर चुकी है स्पेसिफिकली कह चुकी है कि भैया आपको आधार अपडेट करना, uh, you know, करना है ऑनलाइन आपका यू नो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना है ऑनलाइन इंपैक्ट क्या है कंप्रेशन ऑफ टाइम टाइम कम लगता है आईटी मशीन है टाइम कम लगता है ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप एक ट्रस्ट वापस से बैठता है आज आपको अगर गवर्नमेंट ऑफिस में ना जाना पड़े और आप यहीं बैठे बैठे अपने सारे काम कर लो गवर्नमेंट के तो आपको नहीं लगता आपका गवर्नमेंट का फेथ और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे आप चोरी नहीं देखोगे आप वहां पर गल, गलत हालत नहीं देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सही देखोगे तो आपको भी मजा आएगा सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर द रिडक्शन ऑफ टोटल टाइम साइकिल बीपीआर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह होता है कि आपका जो टाइम साइकिल है इसको कम कर दिया जाए कैसे आपकी प्रोसेस का ओवरऑल टाइम रिड्यूस किया जाए इज द सिंपलेस्ट गेम ऑफ बीपीआर प्रॉब्लम्स क्या है क्रिएट रेजिस्टेंस अमंग द वर्कर हो सकता है दो लोगों की नौकरी जा रही हो तो वो लोग तो चिल्लाएंगे क्योंकि आप बोल रहे हो मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा तुम दोनों को मैं नौकरी से निकाल रहा हूं इन्वॉल्व टाइम एंड एक्सपेंडिचर इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपको बहुत सोच करके एक आदि प्रोसेस को कट करना पड़ता है सेटिंग ऑफ टारगेट इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट आप अपने टारगेट को सेट करना बहुत ट्रिकी भी है और डिफिकल्ट भी है दैट्स इट प्रभु स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ओवर चार पॉइंट पढ़ने थे पांच पॉइंट स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक ऑडिट स्ट्रैटेजिक चेंज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड बी पी आर सर कंटेंट तो पूरा देख लिया जो भी बच्चा ने आज मैराथन अटेंड किया है हमने वन टू एट टॉपिक पूरे कंप्लीट किए वन टू एट टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट किए यस वन टू एट टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट किए अब इसके अंदर में हो सकता है एक दो चीजें जो है ये हमने बीच में की नहीं करी हो इसको आप सेल्फ कर सकते हैं जैसे कि अगर आप बेंच देखो ये बहुत ईजी चीज़ है जिसको आप खुद भी सेट कर सकते हो बेंच मतलब एक पैरामीटर सेट करना है कि हमको ये टारगेट अचीव करना है तो कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर में खुद भी करनी पड़ेगी दूसरा ये चार्ट्स आपको लेने हैं तो आप कहाँ से ले सकते हो अगर आपको ये चार्ट्स लेने हैं तो वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम से ले सकते हो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो यस yes. साथ साथ में आप जो नॉर्मल बुक्स है या क्वेश्चनर है ये भी आप बाय कर सकते हो अगेन विद द सेम वेबसाइट अगेन विद द सेम वेबसाइट आप बाय कर सकते हो मज़ा तब आएगा जब आप इन पूरे कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजा आएगा एस में किस तरह के से प्रैक्टिस की जाए सर आपकी एटलीस्ट एक राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए यस yes. और दो रिवीजन होना चाहिए एक राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और दो रिवीजन आपके एटलीस्ट हो जाने चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से यस yes. कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए टू सिक्स सेवन और एट ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों ने यस कौन से टॉपिक इजी टॉपिक है वन थ्री फोर फाइव ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इजी है यस किसके रिवीजन को कितना टाइम लगना चाहिए किसके रिवीजन को कितना टाइम लगना चाहिए चैप्टर नंबर वन एंड थ्री मैक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स ये रिवीजन कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर टू वन आवर चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर थर्टी मिनट्स टू फोर्टी मिनट्स चैप्टर नंबर फाइव ट्वेंटी मिनट्स चैप्टर नंबर सिक्स वन टू वन एंड हाफ आवर चैप्टर नंबर सेवन ट्वेंटी मिनट्स चैप्टर नंबर एट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स ये आपका रिविज़न टाइम होना चाहिए ये आपका रिविजन टाइम होना चाहिए यस अभी एसएम के बाद आपका चार बजे से चार बजे से ई आई एस का मैराथन भी है जो अमित सर लेने वाले हैं यस अमित तातेड़ सर लेने वाले हैं ये आपको वी स्मार्ट के चैनल पे मिल जाएगा वी स्मार्ट के चैनल पे मिल जाएगा और इनफैक्ट अमित सर के चैनल पे भी आपको क्या मिल जाएगा मिल जाएगा एस एम के बाद अभी चार बजे होगा तो आप अपना एक घंटे का आराम से ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए और उसके बाद ई आई एस का अटेंड करना मत भूलना सर एफ आर ऑडिट एफ एम और ई आई एस एस एम चारों के चारों का मैराथन है तो बिल्कुल आप देखना मत भूलना और इसे जरूर कंप्लीट करना यह मेरा नंबर है व्हाट्सएप करके मुझे फीडबैक जरूर पहुंचाना कि आपको ये मैराथन कैसा लगा मज़ा आया नहीं आया इसमें क्या होना चाहिए था और एट्सेट्रा एट्सेट्रा जाहिर सी बात है एक चीज़ इसके अंदर में हम नहीं करा सकते क्योंकि मैराथन में टाइम कम होता है प्रॉब्लम एंड आंसर डिस्कशन वो इसके अंदर में डेफिनेटली नहीं हो सकता था क्योंकि या तो हम कंटेंट कवर कर सकते थे और ये आई चूज कंटेंट ओवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बिकॉज ऑफ द सिंपल लॉजिक ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका या तो अच्छे से हुआ ही नहीं है या तो उन्होंने खुद ही क्लास नहीं करी है तो मैंने कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर किया रादर देन दैट पर्टिकुलर थिंग यस और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक like और शेयर बिल्कुल करना ताकि उन बच्चों का भला हो जाए जो इस सब्जेक्ट के साथ इम्पैक्ट कर रहे हो बहुत सारे बच्चे पूरे के पूरे आठ बजे से तीन बजे तक बैठे सबसे पहली बात आप लोगों को प्रणाम सर ये बहुत मुश्किल है ये ईमानदारी से बहुत मुश्किल है पर हाँ आपने किया मेरा आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को आप जो भी अटैम्प्ट दे रहे हैं 2021 22 23 जो भी अटैम्प्ट दे रहे हैं आपको आप बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और बेटा अच्छे से पढ़ाई करना यस सर छ घंटे ख़त्म हो गए पता नहीं चला थैंक यू सो मच बेटा सो anything you need to ask you can specifically ask or else we'll end this session सर चार्ज कितने दिन में आएंगे अगर ऑर्डर कर देते हैं तो मेरे हिसाब से मैक्स पांच दिन वर्किंग डेज थैंक यू सो मच बच्चों थैंक यू सो मच Anything else to do? Thank you so much. Bye bye and take care.